Okay, Malik, good morning. Hopefully you're doing good. Okay, hopefully आपको आराम से नींद वींद आई होगी, जिंदगी जी रहे होंगे. हाँ 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 हाँ, जैसी जी रहे वैसी जी रहे. और क्या माँ कसम कट रही है जिंदगी, ऐसा ही है ना सिनारे तुम्हारा? तुम्हारे वैसे भी जिंदगी में ऐसा बोला जाए कि भाई जिंदगी में मजे कर रहे होंगे होपफुली, ऐसा फिर तुम्हारा ये रहेगा क्या मजा कर रहे सर, ऐसा ऐसा मजा थोड़ा ना होता है सर. ओके, वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्ट्रिक्शन मजे का, सबसे पहला तो मॉर्निंग कट शॉर्ट, सबसे पहला तो उधर ही खत्म हो गया आदमी. ओके, और ऊपर से अभी ठंडी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो तो और मजा आते जाएगा. ओके, मतलब जो हृदय से बाहर निकलेगा सबसे ज्यादा हिम्मत का काम वो है. ओके, बट ठीक है भाई, दैट इज व्हाट ए पार्ट एंड पार्सल. बट नेवरदलेस एक वो कॉन्सेप्ट गया, फिर शाम तक अपना भाई एक ही जिंदगी चल रही, फिर रात हो जाती, अपने को समझ में नहीं आता दिन कैसा जा रहा. अपने को ऐसा पहले लग रहा कि भाई अपने पास दिन था, ऐसा ऐसे ऐसे अपने पॉइंट है. ऐसे कैसा आदमी इंसान, कैसा इंसान सपने देखता ना रे, और एक झटके में सपनों का कैसा चकना चूर होता रे. ऐसा अपन ऐसा सोचते हैं कि भाई यार जिंदगी जिएंगे बहुत मजा आएगा. बचपन से ऐसा देख ना, तो बचपन से क्या बोला गया था अपने को कि भाई यार बेटा सैटरडे संडे यार फॉर योर्स. स्कूल में अपने को छुट्टी रहता था सैटरडे संडे, ऐसा बहुत मजा आता था. फिर सैटरडे संडे आने का ऐसा इंपॉर्टेंस लगता था, अभी सैटरडे आएगा अभी संडे आएगा, ऐसा बचपन का. हाँ बचपन का. ओके, जैसे ही तू सीए फाउंडेशन में गया सैटरडे तो वैसे ही खत्म हो गया. फिर एक एक चीजें देख कैसे खत्म होती जा रही है. फिर और उसके बाद वैसे अभी इंटर में आया, संडे खत्म हो गया. ओके, जैसे आगे बढ़ेगा तेरे को मालूम पड़ेगा बर्थडे का भी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता. ओके, बर्थडे के दिन भी तेरे को क्लास ही अटेंड करना पड़ता, तो बर्थडे के दिन भी तेरा हैप्पी बर्थडे इधर ही होता. नहीं तो बचपन से क्या क्या बताया था देख ना तू. ओके, पूरे साल के एटलीस्ट 53 होते ना सैटरडे संडे. हाँ वो अप्रोक्सीमेट वॉट एवर उतने दिन अपन मजे करेंगे. फिर बाद में वो भी चले गए. चल फिर बाद में सोचा भाई पूरा साल का एक दिन रहता बर्थडे, वो एक दिन मजा करेगा. फिर भी ऐसा चल भाई कितना भी रहा तो भी बर्थडे चला गया. ऐसा कितनी चीजें चली गई रे लाइफ में. बट कैसा है मालूम क्या, ऐसा ही है रे लाइफ में, ऐसा ही है, सब चला जाता रे. ओके, और ये लोग भी जाते अंदर ऐसा. ओके, तो ऐसा ऐसा इंसान ऐसा सब जाता रे. ओके, what aspects are always we saw is something different and what actually life wants us to do is something different. इसीलिए कभी कभी बोलते हैं ना, okay, we miss our childhood days. What is the reason why we miss the childhood days? Okay, the सबसे पहला reason is Saturday Sunday. ओके, द सेकेंड पॉइंट इज बेसिकली उस टाइम पे कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई बोलता नहीं भाई अभी, मतलब सेकेंड थर्ड तक कौन बोलेगा भाई कितना क्या पास होना है नहीं होना है. अब स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, अरे भाई यार पास होना है, उसके बाद यार ये पढ़ाई करनी है, फ्यूचर का कितना सोच रहे हो. मेरे को बता ना तू सेकेंड फर्स्ट सेकेंड में तेरे को क्या था कि तू सेकेंड में रहे या थर्ड में जावे. तो सेकंड में भी रहे तो क्या तेरे को क्या समझ में आ रहा है सेकंड थर्ड का पॉइंट. ओके, वंस एंड वी ग्रो वी स्टार्ट एंटरिंग इनटू कंपटीशन, वंस एंड वी एंटर इनटू अवर लाइफ वी अंडरस्टैंड कंपैरिजन. बचपन की ये चीजें नहीं रहती एंड दैट्स हाउ द चाइल्डहुड इज डेफिनेटली बेस्ट. ओके, एंड नॉट टू मिस दैट चाइल्डहुड. अगर अपने को नहीं मिस करना है तो डेफिनेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड यू नीड टू बी अ चाइल्ड. ओके, और अगर तुम बच्चे बन गए तो सारी चीजें आसान है. ओके, और बच्चा बनना क्या कॉन्सेप्ट है, बच्चे बनना जैसे अपन बचपन में करते थे वैसे, सारी चीजें छोड़ देने का. ओके, रितिका को मैंने कितना भी डांटा, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, खत्म स्टोरी. रितिका को मैंने बोला भाई ऐसे कर, रितिका करती वो एक दो पांच मिनट करती, उसके बाद वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीती. आदि को तो बोलने का सवाल ही नहीं उठता, 6 महीने का है, उसको क्या बोलूंगा अभी तो भी क्या करेगा, बोले फू फू करेगा ऐसा, मतलब साला वो मेरा ही पोपट करेगा, तो उसको अभी ज्ञान नहीं देने का. ओके, बट नेवर, हाँ हाँ पोपट पोपट के कॉन्सेप्ट, बट मेक श्योर एक ये चीज आप ये एक लॉजिक डालो अपने दिमाग में. ओके, सर मैं बचपन में और अपने में डिफरेंस क्या है मेरे को बताओ ना, अभी मैं और बचपन में डिफरेंस क्या था. ऐसा मत बोलना कि सर मैं इतना छोटा था और अभी इतना बड़ा हो गया, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहे. तेरा ब्रेन डेवलप हो गया, तेरे ब्रेन में सोसाइटी का फियर आ गया, तेरे ब्रेन में फ्यूचर का फियर आ गया, तेरे ब्रेन में 10 जन का फियर आ गया, तेरे ब्रेन में 10 जन के बारे में सोचने का आ गया. ओके, बचपन में सिर्फ यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, देर वॉज नो कॉन्टेक्स्ट. तेरे लाइफ में ओके, वो 3-4 जन जो थे ना वही तेरे हीरो हीरोइन थे बस. ओके, दैट्स इट. अभी क्या हो गया, तेरे को परसेप्शन आ गया, तेरे सोसाइटी का परसेप्शन आ गया, और ये परसेप्शन से अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती है. तो भाई अगर अपने को ऐसा रिग्रेट नहीं करना रहता लाइफ में, मैं कभी नहीं करता, उसके कारण में एक कारण ऐसा होता है कि भाई अपने कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर इसने मेरे को कल बोल दिया ना कि भाई यार सर क्या कैसे हो आप, ठीक है भाई. ओके, इस कंटेक्स्ट में अपन ने रहने का, एंड दैट्स हाउ द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट कम इनटू पिक्चर, एंड दैट इज वेयर प्रिंसिपल्स कम. एवरी पर्सन इज करेक्ट.
ओके कोई भी बंदा आया, ओके ही इज करेक्ट, दैट फॉर श्योर. ये एक पहला प्रिंसिपल अपना ने दिमाग बिठा दिया ना, आधी चीजें वैसे ही आसान है. ओके कॉन्सेप्चुअली बात करें तो बहुत बार अपना डिबेट ये आता है कि भाई क्या होता है, अपना सबसे बड़ा बुरा लगने का पॉइंट क्या होता है कि भाई सामने वाला मेरे साथ ऐसा रिएक्ट करता है, ओके रिएक्शन करता है. एंड वी ऑलवेज थिंक यार सर मैं वैसा होता ना मैं ऐसा नहीं करता जो उसने किया. तू नहीं है ना वो, तू रहता तो ना, तू नहीं है वो दूसरा है, उसके हिसाब से वो परसेप्शन से करेक्ट है. द लॉजिक इज वेरी मच क्लियर, एवरी पर्सन इज करेक्ट. ओके मेरा बापू अगर मेरे को चिल्लाता है बोलता है तू गलत है, उसका कॉन्सेप्ट है क्योंकि बापू का परसेप्शन ही वही है. मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं अपने बेटे बेटी के साथ ऐसा नहीं करेगा, अरे पर मेरा परसेप्शन है वो, मेरे बापू का थोड़ा ना है. ओके और लॉजिकली यही होता है, दिस इज व्हाट ए डिफरेंस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कंसेंट पिक्चर. हम ऐसा रहेंगे तो नहीं, अरे मैं वैसा उसकी जगह रहता तो मैं ऐसा नहीं करता. ओके एंड द प्रिंसिपल ये दो तीन चीजें आपने कर दी ना तो आधे स्ट्रेस निकल जाते हैं. तो फिर अपने को अरे ऐसा फिर सैटरडे संडे के लिए वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर मंडे से लेकर संडे जो आए वो आए. अब एवरी डे बिकम्स बेस्ट. और लॉजिकली वो एवरी डे बेस्ट करने के लिए दो तीन चीजें आपने फॉलो करना का. पहला प्रिंसिपल, लाइफ में बुरा कुछ होता है ये कंटेक्स्ट रखने का ही नहीं. फीलिंग बुरी, अरे यार मेरे को ऐसा कैसा मेरे साथ हो रहा है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट, ओनली बहुत मस्त हो रहा है, लाइफ ऐसी ही होती है. ओके यही पॉइंट है. एंड दिस इज व्हाट एनवायरनमेंट. सेकंड देयर इज व्हाट इफ यू अंडरस्टैंड, इवन एसएमए पढ़ाते ओके वी ऑलवेज फोकस ऑन एक्सटर्नल एनालिसिस, वी डू एनालिसिस, वी फोकस ऑन फ्यूचर अनडाउटफुली. अरे वही तो करके तुम सीए बन रहे हो. अरे तुमने सीए क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि तुमने फ्यूचर को असर्टेन किया, फ्यूचर को एनालिसिस किया और तुमने सोचा, लेकिन फ्यूचर इज अनसर्टेन, व्हाई टू वरी. Once changes come, we will react, na? Why to react from starting only? Why to worry from starting only? अरे जब political party change होगा तब मैं देखेगा ना, जब तक अपना चल रहा है तब तक तो मजे मार. अरे यार अरे अपन अभी मजे माना छोड़ देते हैं. एंड दैट सेकेंड पॉइंट एट योर एंड कि हाँ भाई यार ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम आता. एंड थर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ इज दैट आप हर एक घंटे के अंदर है ना मूड स्विंग करते हो. ओके एक घंटा हुआ, एक घंटा आपका मूड स्विंग, एक घंटे दो दो घंटे में मूड स्विंग होता है. एक घंटे में बहुत भारी लगता है, एक घंटे में इधर जाता है, एक घंटे में उधर जाता है, एक घंटे में उधर जाता है, और लास्ट में लगता है मैं क्या, मतलब कैसा है. द मूड स्विंग कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. रितिका ले, ओके मैं रितिका इसलिए बोलता हूँ कि मच मोर कंटेक्स्ट मेरे को बैठता है, क्योंकि मैं उसको इंटरेक्ट करता, मैं देखता हूँ, और मेरे को ये समझ में आता है कि साला मेरा बापू मेरे लिए कितना इंटरेक्शन करता होगा, क्योंकि सेम लॉजिक आता है ना. जैसे मैं रितिका के लिए करता हूँ सेम लॉजिक मेरे पापा की भी फीलिंग मेरे लिए आती होगी. एंड दिस हाउ ओवरऑल कंटेक्स्ट गोज इनटू पिक्चर. मेरे को ऐसा लगता है कि रितिका मेरे सिक्योर्ड एनवायरमेंट में होनी चाहिए. रितिका ने एक भी चीज मेरे से पूछे बिना नहीं करनी चाहिए. इसीलिए नहीं कि भाई मेरा डोमिनेटिंग रोल है, भाई लाइफ पूरे संसार में सबसे ज्यादा प्यार मैं करता रितिका से, पूरे पूरा सब कुछ. अगर मेरे को लाइफ में कुछ लगता है तो मेरे को सिर्फ रितिका का कॉन्सेप्ट, रितिका का कॉन्सेप्ट लगता. ओके तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, शी शुड बी इन सिक्योर एनवायरमेंट. मेरे से पूछे भाई ना ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. और मतलब लिटरली बोल रहा हूँ, मतलब लास्ट अभी एक महीने भर से मैं थोड़ा सा रिलैक्स में था, बिकॉज आदि बॉर्न हुआ तो मैंने थोड़ी छुट्टी रखी थी मुंबई में. एंड आई वॉज स्पेंडिंग टाइम विथ माई फैमिली, मतलब फैमिली में मतलब मेरे दो ही पंटर, एक रितिका और अभी एक पंटर नया वाला, ओके न्यू बॉर्न, ओके आदि. तो उनके साथ टाइम स्पेंड करा था. आई फाउंड अ डिफरेंस इन रितिका विच अर्लियर रितिका वॉज देयर एंड दिस रितिका. ओके वॉट इज द बिगेस्ट डिफरेंस, नाउ शी इज एट 8 ईयर ओल्ड, नाउ शी गॉट हर ओन सोशल कल्चर. उसका अपना एक एनवायरनमेंट आ गया, उसका अपना एक फ्रेंड ग्रुप आ गया, उसका अपना एक सर्कल आ गया. अब पहले क्या होता था, मैं अगर घर पे पहुंचा ना, ऐसा कभी नहीं हुआ कि रितिका मेरे पास आई और गले नहीं मिली. ऐसा कभी नहीं हुआ रितिका मेरे पास आई और पप्पी नहीं दी. ऐसा हर रोज होता था, एवरी डे आफ्टर लेक्चर सबसे पहले वो आती थी, गले मिलती थी, पापा 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 तूने क्या लाया क्या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था. उसने मेरे को पूरे दिन के बाद देखा, ऐसा फैक्टर होता था. अरे ओके और कसम से बोल रहा हूं, मतलब ये लास्ट अक्टूबर सितंबर में ऐसा क्लास खत्म करके जाता था, वो अपनी बैठी रहती थी, रे आती भी नहीं थी. मेरे को ऐसा बहुत ऐसा लगा, मैं बोला क्या क्या मैंने ऐसा 10-7-8 दिन तो मेरे को ऐसा फीलिंग ही नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा. मैं बोला कुछ तो हुआ. उसको रोज आके बोलता तेरे को प्यार ही नहीं मुझसे. बोले नहीं पापा प्यार है ना, ऐसा बोल रही. अरे मैं ऐसा 1-7-8 दिन, फिर वो धीरे धीरे मनाली के साथ इंटरेक्ट करने के बाद समझ में आया कि भाई समझने कोशिश कर, उसका अपना एक सोशल कल्चर आ चुका है. पहले जब उसका 7-8 साल का फेज था ना, उसमें तू ही अकेला एक हीरो था, तू ही अकेला एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था, तू ही अकेला हीमैन था. अब तू अकेला नहीं है, उसके लिए अपना भी ग्रुप है. तो जैसे जैसे उसका ग्रुप बढ़ते जाएगा वैसे वैसे, शी इज नॉट अटैच विथ यू ऐसा नहीं है, लेकिन टू शो द अटैचमेंट इज ए बिग प्रॉब्लम फॉर हर नाउ. अब मेरे को समझ में आया कि भाई मैं अपने पापा के साथ कैसा इंटरेक्ट करता, उसमें क्या दिक्कत आती. मतलब साला मेरा बापू भी आज भी स्ट्राइव करता होगा मेरा बेटा, लेकिन अटैचमेंट, मैं आज भी तोड़ प्यार करता पापा से, नहीं करता ऐसा नहीं है ना, दिखाता कैसे.
ओके okay, किसी ने कुछ पूछा तो मैं क्या करता, नहीं नहीं भाई मेरा पूरा स्ट्रेस है, पूरा दिन काम है, मैं फीलिंग नहीं दे. अब मेरे को समझ में आया कि क्या होता है, एंड दिस इज व्हाट कम्स व्हेन आई बिकम ए फादर. ओके और ये एक सबसे इंपैक्टेड है. तो चाइल्डहुड ऐसा होता है और ये चीज करे, मतलब आई एम नॉट टेलिंग रितिका गलत सही, मैं आपको एक परसेप्शन बताया. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन चाइल्डहुड इज ओके अभी इसका मतलब वो प्यार नहीं करती, इसका मतलब मैं प्यार नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन शी इज हैविंग हर ओन रोल. दिस इज व्हाट कम्स विद चाइल्डहुड. एवरी एलिमेंट गोज ओके. मैंने उसको कितने 7 दिन लगातार बोला होगा, रितिका तुम उसे प्यार नहीं करती रे अभी. ओके नहीं करती पापा, बस खत्म, स्टोरी ओवर. ओके कोई कोई लेना देना ही नहीं है. मैं बोला माँ कसम क्या पागल हो गया क्या तू. ओके क्या है भाई क्या. और अगर मैं उसको कुछ बोलूं और उसकी टीचर उसको कुछ बोले, उसकी टीचर इज करेक्ट. मैं साला बोला बचपन से साला मेरा सुनती है और टीचर को ज्ञान देती थी, अब तुम टीचर का ज्ञान मेरे को दे रही है. ओके ऐसा कंटेक्स आता रे. ओके पर मेरे को समझ में आ गया दिस इज हाउ द साइकिल कम्स. तो दिस इज हाउ चाइल्डहुड ग्रोज हेड. ओके नाउ हर फॉर हर सोसाइटी कम्स इनटू पिक्चर और सोसाइटी का पैरेलेंस पिक्चर में आता, ऐसी चीज आती. चाइल्डहुड जितना तुम बेस्ट रखोगे, और आज भी तुम चाइल्डहुड नहीं जी सकते ऐसा नहीं है. एंजॉय एवरी लिटिल थिंग, एवरी लिटिल थिंग. ओके मतलब एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मतलब तुम उसको शायद किस वे में लो ये पॉइंट रखो. अगर 5 मिनट भी तुम्हारे लाइफ में ऐसा कुछ आता है, वो भी मजे मार के निकालो रे, वो 5 मिनट ही नहीं मिलने वाले हैं. एग्जाम्पल तुम्हारा ब्रेक आता 20 मिनट, तुमको ऐसा लगता है बहुत मजा, वो 20 मिनट तुम ऐसे जियो कि तुमको लगे पूरा दिन जी लिया. इट्स दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट कम्स. ऐसा नहीं होएगा कि तुमको जैसा 20 मिनट का ब्रेक मिलता वैसा पूरा दिन मिलेगा, और अगर 20 मिनट जैसा ब्रेक पूरा दिन मिला ना ओके पूरे लाइफ ब्रेक ही रहेगा और कुछ नहीं होने वाला. बिकॉज दिस इज हाउ द साइकिल विल गो. तो यू कांट एंजॉय एवरी टाइम, यू कांट हैव रिग्रेट एवरी टाइम. ओके पूरा दिन आप वेस्ट, ऐसा नहीं, बहुत एकदम ऐसा मजे से रहो. ठीक है वो मैं आते आते ऐसे ही मेरे को ऐसा आ गया इसलिए बता दिया. ओके बट टू द एक्सटेंट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि भाई हर पंटर ने क्या करना चाहिए भाई, चाइल्डहुड जीना चाहिए, दैट्स इट. और तुम चाइल्डहुड में सब एक ही एग्जाम्पल बता रहा, डोंट थिंक वॉट यू रिएक्ट. मतलब तुमने अगर कुछ एक्शन किया और तुमको ऐसा लग रहा है सामने वाला क्या सोचेगा, कहानी खत्म. तुमने ये डिसाइड कर लेना सामने वाला क्या सोचेगा, उधर तुम्हारे लाइफ का कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट्स एंड यू स्टार्ट बिकम टू बिग. ओके यू वरी फॉर सोसाइटी, यू वरी फॉर अदर्स. ओके इधर कहानी खत्म तुम्हारी. इधर तुमने अपना फ्यूचर, मतलब तुमने क्या किया मालूम है क्या, बचपन को खत्म कर दिया. खत्म मत करो रे, कुछ फर्क नहीं पड़ता किससे, कुछ फर्क नहीं. ओके एग्जाम्पल तुम इमेजिन करो, मतलब मेरे बोलने के लैंग्वेज में कितनी बार मेरे को ऐसा मतलब कितनी बार कोई, मैं बहुत ध्यान रख के बोलता हूँ, मतलब बहुत ध्यान रख के, मतलब मैं किधर बोलना ना उधर ही बोलता हूँ. मैं क्लास में आता हूँ, स्टूडेंट आते हैं, पहले 1-2 दिन लेक्चर में वो समझ जाते हैं, उसके बाद उनको समझता हूँ मेरी लैंग्वेज ऐसी है. अदरवाइज ये लैंग्वेज में थोड़ा सा ऐसा एटीट्यूड वाला लेक्चर, मतलब लैंग्वेज आता है. एटीट्यूड मतलब मालूम है ना, वो ऐसा इज्जत नहीं दे रहा करके. किसी नॉर्मल पर्सन से मिलूँ तो, अगर पुलिस में ट्रैफिक पुलिस ने कभी पकड़ लिया ओके और उसने बोला लाइसेंस वाइसेंस दिखा, मैं बता ये देख लो ना ओके, अब बोलते ये क्या बात कर रहे हो. ओके उनके लिए ऐसा आ गया क्या, अरे भाई एटीट्यूड में दिखा रहा है कि मेरे को, अरे पर मेरा ऐसा ही बोलता हूं मैं. तो इसीलिए आई नो वेयर टू स्पीक वेयर टू नॉट. ओके अभी मैं कितनी बार किधर भी जाता तो आई एंश्योर कि भाई मेरे साथ वो बंदा रहे और वही बड़बड़ करे, मैं चुपचाप बैठता. मेरे को जिधर बड़बड़ करना उधर बड़बड़ करने का, अपने को जो जानता उससे बड़बड़ करने का. और मैं हर जन को तो ऐसा नहीं बोलता, तू यूट्यूब पे देख ले मैं ऐसी बात करता. ओके वो बोलेगा भाई साले तो क्या हम बन नहीं है क्या, ये डिस्कशन आता. बट रैदर देन थिंकिंग फॉर अदर्स ये पॉइंट आएगा. तो ये सिनारे में, और मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके लाइफ में, और ये कॉमन है, आपका लाइफ क्या है, मेरा भी लाइफ वैसे ही हो गया ना. ओके तुम सोच रहे हो कि भाई यार तुम इमेजिन करो मेरा सीए बनने के बाद भी, मेरा भी तो सैटरडे संडे गया ना, ऐसा खाली तेरा थोड़ा गया. और तू बोलेगा सर ये प्रोफेशन गया, कोई ना कोई प्रोफेशन में कितना किधर कुछ कंपोजिट है ही. ओके तू बोलेगा प्रैक्टिस में जाएगा, प्रैक्टिस में भी अरे अपने काम में ना स्ट्रेस ज्यादा रहता, पर अपने काम में एक लिबर्टी रहती कि अपने हिसाब से कर सकते हैं. लेकिन स्ट्रेस क्या रहता है, ओके एक सिंपल सा एग्जांपल है, 20,000 तू जब तक कमाएगा ना तेरे को लगेगा 20,000 में लाइफ सेट है. जैसे ही 40 कमाना चालू करेगा तेरे को लगेगा और 50 चाहिए, 50 कमाएगा 1,00,000 चाहिए, 1,00,000 कमाया नहीं नहीं भाई 10,00,000 चाहिए, 10,00,000 कमाया नहीं भाई करोड़ आना चाहिए. यही लाइफ है, और ये तो फिर स्काई इज़ लिमिट है, फिर तो तू खत्म ही कर जिंदगी. फिर तो भाई तू जितना करेगा ऐसा नहीं रहता, एक स्लैब डिफाइंड, वो स्लैब में अपना लाइफ निकलता और ये लाइफ से आगे जाने का. ओके तो आज का सुबह का ज्ञान का कॉन्सेप्ट एक ही था. ओके मैं आया, हो जाता कभी कभी, आज पता नहीं ऐसे ही स्टार्ट में हुआ. तो ऐसा ज्ञान का एक ही कॉन्सेप्ट था भाई कि भाई यार एकदम फोकस करो. एंड वो कल वो वीडियो आया मेरे को इसके लिए, वो मनाली मैं इंटरेक्ट भी नहीं कर रहा था, आदि वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा था मेरे साथ. ओके कल एकदम मतलब मस्ती कर रहा था, ये ध्यान आया चाइल्डहुड इज़ बेस्ट. कोई मतलब मेरे लाइफ में मेरे को बेस्ट क्या लग रहा है कि रितिका का जैसे ही एज बड़ा हुआ और उसको शोशल चालू हुआ, ओके मेरे पास और एक आ गया जो 7 साल और देगा मेरे पास और 7 साल देने के, अब 7 साल और है मेरे पास और जीने के लिए, जो जबरदस्त जी सकता हूँ.
इट्स अरे इट्स अ डिफरेंट एनवायरमेंट, डिफरेंट कल्चर, ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट वो सिनेरियो में. और ये करने वाला कौन है भाई तुम? और कसम से बोल रहा हूँ टीचिंग में और दो चीज की वजह से मजा आता है, एक तो एक्टिंग बहुत मजा आता है और एक दूसरा है ना तुम्हारे साथ रहने के बाद ऐसा इंट्रैक्शन करने के बाद, मैं बोला ना तुमको ऐसा मेरे को लगता है कि भाई अपने पंटर है और अपने पंटर लगता है ऐसा भाई क्या फर्क पड़ रहा. अरे सच्ची में बोलो मैं किधर, तुमने ऐसा बोला ना किधर सेमिनार वेमिनार देने में, सेमिनार में मेरे को जमता नहीं भाई, किधर भी नहीं जमता, किधर गया वो बहुत बार गया है पर मेरे को नहीं जमता उधर, किधर प्रोफेशनल आ गया, प्रोफेशनल आ गया ना रे सीए केस में. मैं इंस्टीट्यूट का कितनी बार फोन आया रहेगा, कितने सेमिनार डीसा के ऊपर आए रहेंगे, डीसा के ऊपर जो प्रोफेशनल सीए के लिए, मैं हार्डली दो या तीन बार गया होगा, मैं जाता ही नहीं, कंटेंट नहीं आता कि अरे भाई तू मेरे को इंफॉर्मेशन सिस्टम का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है वो पूछ, मैं तेरे को बताता भाई. जैसे मैं तेरे को बता जीपीएस का वीपीएस विजुअल पोजिशन ये तू सर्च मार तेरे को मालूम नहीं रहा वो अभी है, उसका आगे का वर्जन क्या है ये भी मेरे को मालूम है. ओके क्योंकि उसको मैं अपडेट रहा, एंड आई एम नॉट टेक्नो डिपेंडेंट, आई एम टेक्नो सेवी. मोबाइल का अपडेट्स मेरे को सब कुछ मालूम, लेकिन तुम पूरे दिन का मोबाइल का यूसेज मेरा देखो हार्डली हाफ एन आवर, नॉट मोर देन दैट. इवन तो मेरे वो मैं जब तुमको नंबर दे दूंगा, तुम कस्टमर केयर नंबर, मतलब मेरा ही नंबर है वो, कस्टमर केयर सर्विस अपन ही है, उसमें क्लियर लिखा है भाई 10 से लेकर 6 बजे तक अपन रिस्पॉन्ड करते और इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करते भाई, एक आध दिन देने का कुछ चीज को. ओके जैसा तू बोलेगा अभी कभी फोन किया और अभी क्या अभी आए, मेरे से नहीं जमता भाई, अपन आराम से करते ना भाई, फोन का यूसेज जब करेंगे तब एक साथ में रिस्पॉन्ड करूंगा ना, एक साथ में रिस्पॉन्ड करेंगे. ऐसा नहीं रहता कि मैं अभी देखा व्हाट्सअप फिर बाद में दोपहर को वापस व्हाट्सअप देखता, नहीं भाई एक टाइम डिफाइन कर लेता मैं, जिस दिन का सुबह के टाइम पे डिफाइन कर लेता आज के दिन में ये टाइम पे देखने का, खत्म 15-20 मिनट में सारे व्हाट्सअप देखने के, सब रिस्पॉन्ड कर देने के. ग्रुप के भी व्हाट्सअप तो देखते ही नहीं मैं. ओके कितने सारे ग्रुप तुम्हारे भी व्हाट्सएप में, कितने ग्रुप बने होंगे ना, और कहा इधर का ग्रुप उधर का ग्रुप, ननियाल का ग्रुप, दादियाल का ग्रुप, मासी का ग्रुप, मासाजी का ग्रुप, और सब ग्रुप में ना खाली क्या होगा मालूम है, एक एक पर्सन कम ज्यादा होगा एक ग्रुप में. अरे कसम से बोल रहा हूँ मेरे ससुराल का ग्रुप तो इतने सारे में पक गया बे, मेरे ससुराल का ग्रुप है, मेरे मामा ससुर का ग्रुप है, मेरी मासी सासू का ग्रुप है, वो एक ग्रुप ऐसा है जिसमें मामा ससुर भी है मासी भी है, एक ग्रुप ऐसा है जिसमें तीन मामा ही है, एक ग्रुप ऐसा है जिसमें पांचवा मामा भी, मतलब पांच मामा. अरे मां कसम पागल हो गया, और उसमें दो चार जन तो ऐसे होते हैं जैसे गुड मॉर्निंग का तो हर ग्रुप में भेजते. अरे भाई हो गई मेरी गुड मॉर्निंग. ओके और कितनी बार ऐसा होता मालूम है, मैं कसम से बोलता हूँ, मैं उसमें से ग्रुप में से निकलता हूँ, मैं लीव ग्रुप करके कॉन्सेप्ट है ना, ग्रुप में से निकला और वापस वो लोग साला ऐड करते, बोले गलती से निकल गए होंगे जीजा जी. मैं बोला पागल अब कैसा बताऊँ तुमको, निकलना है भाई मेरे को, अरे नहीं रहना भाई. ओके कवर साहब निकल गए, कवर साहब बोलते हैं मारवाड़ी में वो ऐसा, कवर साहब मतलब कवर साहब बोल के माँ कसम तुम मार रहे हो मेरी. और एक ग्रुप में अरे यार, और मैं तो रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, पहले तो भी वो हाथ वाथ झोड़ लो भाई ठीक है भाई, अभी तो तुम गए तुमने तुम्हारी लड़की थी वो दर्द तुमने समझा नहीं समझा, तुमको भी नहीं समझा जोक जाने दो. ओके जोक समझने में टैलेंट लगता रे. ओके पांचर जोक नहीं था, पांचर जोक रहता तो टैलेंट ज्यादा लगता था. ओके नेवर्थलेस व्हाट वी हॉल्टेड यस्टरडे वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ईआरपी. मैं पहले रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं ईआरपी का जो मेरे को पूरा और पढ़ाने का जो बाकी है, मेरा एक 10-15 मिनट का कॉन्सेप्ट और बाकी है वो समझ लो, उसके बाद फिर पहले मैं एक बार रिवाइज कर लूंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पूरा खत्म कर लेंगे, फिर ईआरपी के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे. आज का टारगेट आपका ईआरपी का है, ईआरपी वंस ओवर देन विल एंटर इनटू योर, टुमारो मॉर्निंग विल बी एंटरिंग इनटू मॉड्यूल्स. कल का लेक्चर और परसों का फर्स्ट हाफ का लेक्चर अपना मॉड्यूल्स के अंदर ही खेलते हैं, डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो, मतलब इंटरेक्शन क्या क्या पॉइंट है, एंड वंस मॉड्यूल इज ओवर उसके बाद बिजनेस रिपोर्टिंग. तो बिजनेस रिपोर्टिंग का डेढ़ लेक्चर का कॉन्सेप्ट रहेगा अपने लिए, मतलब तीन घंटे लगते हैं बिजनेस रिपोर्टिंग को सारा का सारा कॉन्सेप्ट कवर करने को, एंड वंस दैट इज डन उसके बाद फिर अपन टेस्ट बुक में गो थ्रू कर लेंगे. ओके तुम्हारे हाथ में तो वैसे नोट्स है ही, तुमको जितना गो थ्रू करना कर लो, टेस्ट बुक कल आ जाएगी. ओके तो वो आप कल कलेक्ट कर सकते हो. ओके तो तुम्हारा हर कॉन्सेप्ट में, पर मैं टेस्ट बुक को अभी नहीं देखता, मैं पूरा चैप्टर ओवर होने के बाद टेस्ट बुक में एक साथ में जाता. ओके सबसे पहला कॉन्सेप्ट, और टेस्ट बुक में जब जाता मतलब मैं क्या वापस में बता रहा हूँ, टेस्ट बुक में अपन कंटेंट पूरा देखेंगे, उसका पॉइंट वो हेड पॉइंट कौन सा है वो स्ट्रक्चर देखेंगे, और उसके अंदर के कीवर्ड, जैसे कल मैंने आपको बताया कि भाई इसके अंदर ये कीवर्ड याद रखिए, वो कीवर्ड को अपने हाईलाइट करने का, ये प्रोटोकॉल तुमने बना ही लेने का. मैं आपको बता रहा हूँ अगर तुमने वो ऐसा कुछ नहीं किया ना, लास्ट में क्या होगा, फिर बहुत थियरी क्लमसी थियरी होगी रे, और इट विल नॉट बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर एवरीथिंग. वाई आई एम नॉट टेलिंग, खाली आपको EISSM देना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं. इफ यू हैविंग ओनली वन पेपर EISSM तो कोई दिक्कत नहीं, यू हैव 8 पेपर, यू हैव 4 पेपर, आइदर ऑफ इट कैसे भी आप दे रहे हो, आपके लिए यही पॉइंट है. और अगर आप ये चीज को अब भी समझते हो तो आपको खत्म. मैं वापस समझा रहा हूं, एग्जाम अगर देना है तो कॉन्फिडेंस चाहिए. कॉन्फिडेंस कब आता? ओके पढ़ाई करके तो मेरे को मत बताओ, पढ़ाई करने के बाद अपने को कॉन्फिडेंस कब आता? पढ़ाई कर ही रहा ना तू, अभी बैठी रहा ना, 3 महीने क्लास बैठेगा ही ना, 2 महीने 3 महीने जो भी है, कॉन्फिडेंस कब आएगा? पूरा तैयारी हुआ, तैयारी हुआ मतलब क्या हुआ? अपने को याद आ रहा, याद आना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना भाई,
होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक जा रहा बुक जा रहा बुक जा रहा खत्म हो गया, ऐसा बाजू में रखा, ओके भाई कॉन्फिडेंस आता, कह रहे नहीं अपने वो बुक में क्या है वो याद आने के बाद आता ना, ओके एक 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 सिलेबस करने के बाद, इवन जो दोनों ग्रुप दे रहे होंगे, ओके एग्जांपल बात करो, ऐसा कोई भी एक सब्जेक्ट तुम रिकॉल करो जो तुम्हारा ग्रुप वन भी हो गया होगा, लेकिन इट बिक्स ए चैलेंज, ओके टू रिकॉल एवरी एलिमेंट, ओके 100% है, तुम डिबेट करो मत करो, हर चीज मेरे को रिकॉल करके बता दो, और फिर अगर तुम उस पॉइंट पे बैठे तो फिर क्या होगा, एग्जांपल बोल रहा हूँ एक पर्टिकुलर कंटेंट पे बैठे तो फिर और 3-4 कंटेंट रिकॉल करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा एक पॉइंट है, तो ऐसा जितना तुम उसको स्ट्रक्चर वाइज खत्म करोगे और जितनी चीजें तुम आसान करोगे, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, तुम अभी 7 से लेकर 4 तक बैठ रहे हो, ओके 2 महीने बैठ रहे हो, 2.5 महीने बैठ रहे हो, वो तुम्हारा हार्ड वर्क है, लास्ट में तुमको सर्वाइव कराएगा वो स्मार्ट वर्क है, अगर उसके बाद भी हार्ड वर्क ही करोगे यानी वापस तुम ऐसा गधा मजदूरी करते रहोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, ओके मैं ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला पास नहीं होने वाला, पास होता, पास का प्रॉब्लम नहीं है, ओके कम टाइम में, ओके मैक्सिमम आउटपुट, दैट्स इट, ओके ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ओके मेरे को बताए इज इट ए सॉफ्टवेयर और इज इट ए प्रोसेस, प्रोसेस दे आर नॉन इंटीग्रेटेड प्रोसेस और इंटीग्रेटेड प्रोसेस, इंटीग्रेटेड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोसेस एंड नॉन इंटीग्रेटेड प्रोसेस, ओके एक बार रिकॉल करा दू, नॉन इंटीग्रेटेड प्रोसेस कहीं पर भी इंटीग्रेटेड नहीं है सर, इसका मतलब क्या, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन डेटाबेस, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन, कॉमन मतलब क्या सेंट्रलाइज, कॉमन मतलब क्या सेंट्रलाइज, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज डेटाबेस, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज डेटाबेस, ओके अगर आपके पास सेंट्रलाइज डेटाबेस है इसका मतलब आपके पास इंटीग्रेटेड है, अगर आपके पास सेंट्रलाइज डेटाबेस नहीं है तो आपके पास इंटीग्रेटेड नहीं है, ओके अगर आपको रिकॉल हो रहा है कॉन्सेप्ट, कल वाला पॉइंट अगर आपको याद है, पहले वाले डायग्राम में देखिए, आप पहले वाले डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं, ओके ये जो ऑर्गेनाइजेशन का है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये इंटीग्रेटेड नहीं थे, नॉन इंटीग्रेटेड है, याद है मालिक, इसका मतलब मेरे को बताओ, अकाउंट्स का प्रोसेस अपना खुद का था ना, एचआर का प्रोसेस अपना खुद का था ना, प्रोडक्शन का प्रोसेस अपना खुद का था ना, ओके वो कुछ भी अपडेट करते हैं तो मेरे को बताइए, सोच समझ के बताइए, वो अपने उनके पास ही अपडेट करते या सेंटर में अपडेट करते, अपने पास ही, दिस इज व्हाट ए कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, ओके अब थोड़ा सा लगाइए अगले डायग्राम में आइए जिसमें मैंने आपको समझाया था, अगर इधर कुछ अपडेट हो रहा है, इधर कुछ अपडेट हो रहा है, इधर कुछ अपडेट हो रहा है, तो वो इधर अपडेट होगा या सेंटर में अपडेट होगा, ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलने का, क्या था मैंने आपको समझाया, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट, समथिंग में अपडेट ऑन लोकल मशीन, समथिंग में अपडेट ऑन सेंटर, सेंटर में वो चीज अपडेट होगी जो सबको रिक्वायर्ड है, सेंटर में वो चीज अपडेट होगी जो सबको, मेरे को कैसे डिफाइन करना होगा कि ये रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस प्रोसेस से तुम डिसाइड करो, एग्जांपल याद कराता हूं, मेरे को बताओ परचेज डिपार्टमेंट को अकाउंट्स को अपडेट करना होगा, परचेज रिक्वेस्ट आने के ऊपर, परचेज रिक्वेस्ट आने के ऊपर नहीं, परचेज रिक्वेस्ट का इवैल्यूएशन करने के ऊपर नहीं, कोटेशन मंगाने के लिए नहीं, कोटेशन आने के बाद नहीं, परचेज ऑर्डर यस, क्योंकि अब परचेज ऑर्डर गया यानी इसका मतलब मेरे को रॉ मटेरियल आने वाले हैं और वो क्रेडिटर खड़ा होने वाला है, तो मेरे को किसको बताना पड़ेगा, अकाउंट, अब तू समझने कोशिश कर, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मेरा प्रोसेस क्या होगा, भाई परचेज तेरे पास जैसे ही अपडेट आया तो इमीडिएटली किसको करेगा, किसको अपडेट करेगा तू, परचेज ऑर्डर, परचेज डिपार्टमेंट, तेरे पास जैसे ही परचेज ऑर्डर आया, परचेज ऑर्डर तूने बनाया, मतलब तूने बनाया तो इमीडिएटली तू किसको अपडेट करेगा, हाँ अकाउंट्स को करेगा, अकाउंट्स को करेगा, क्योंकि अकाउंट के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट आ गया ना, अकाउंट के लिए क्या आ गया मालिक, अब अकाउंट्स के लिए अगर सोर्स डॉक्यूमेंट आ गया, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो तो अकाउंट का स्टार्टिंग प्रोसेस चालू हो गया ना, सोर्स डॉक्यूमेंट, जर्नल, लेजर, वो तो आगे का उनका प्रोसेस है, परचेज डिपार्टमेंट को उससे क्या है, परचेज डिपार्टमेंट को खाली क्या देना है, सोर्स डॉक्यूमेंट, अब ये उसको अपडेट करेगी, ये अपन ने डिसाइड किया, परचेज वाला किसको अपडेट करेगा, अकाउंट्स, ओके सर ये अपडेट करेगा, ये हमारे प्रोसेस डिफाइंड है, अब इसके लिए हम सॉफ्टवेयर लेंगे, जिसको सॉफ्टवेयर एग्जांपल सॉफ्टवेयर वेंडर आएंगे, सॉफ्टवेयर वेंडर को बोलेंगे भाई देख भाई हमारा परचेस का ऐसा प्रोसेस है, तेरे सॉफ्टवेयर में ऐसा होना चाहिए, जैसे ही ये परचेस इनवॉइस बनावे बनावे बनावे, ओके मेरे को बताओ परचेस इनवॉइस बनाने वाला लोअर लेवल मैनेजमेंट होगा ना, L1, देखो L1 L2 L3 अपन ये वर्ड यूज करते हैं, L1 मतलब लोअर, L2 मतलब मिडल और L3 मतलब टॉप, ये L1 है, ओके L1 ने परचेज ऑर्डर बनाया बनाया L1 ने परचेज ऑर्डर बनाया, ये डायरेक्टली सप्लायर के पास नहीं जाता, कोई ना कोई अप्रूवल लगेगा, क्योंकि अपन बहुत भारी ऑर्गेनाइजेशन पकड़ते हैं, कोई ना कोई अप्रूवल लगेगा, नहीं तो फ्रॉड होने की संभावना कितनी होगी, इसीलिए L2 का अप्रूवल लगेगा, जैसे ही कान खुले हाँ इसने परचेज ऑर्डर बनाया, परचेज ऑर्डर कैसे बनाया, वर्ड में, एमएस वर्ड में, सॉफ्टवेयर में, फिर वो परचेज ऑर्डर है ना, ओके जो अपन ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, जो सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूं मैं, वो सॉफ्टवेयर में ये अपलोड करेगी, वो अपलोड करते हैं सप्लायर के पास नहीं जाएगा, वो अपलोड करते हैं L2 के पास जाएगा, L2 परचेज ऑर्डर देखेगा, L2 अपने डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा, L2 बोलेगा ओके यस यस बराबर है परचेज ऑर्डर, ये यूनिट है, ये क्वांटिटी है, कोटेशन आया होगा ना, वो कोटेशन कंपेयर करेगा और ओके करेगा, किसमें, सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर पॉपअप करेगा ओके, जैसे ही ओके हुआ
परचेज ऑर्डर इमीडिएटली पहुंचेगा किसके पास? अकाउंट्स के पास. और एक हम लोग कर सकते हैं, ये हमारे सप्लायर के पास डायरेक्टली पहुंचना चाहिए. ओके, यानी सप्लायर के पास इसका ईमेल चला जाना चाहिए और अकाउंट्स के पास ये उसके सॉफ्टवेयर में पॉपअप होना चाहिए कि परचेज ऑर्डर इज क्रिएटेड. कुछ समझ में आ रहा मालिक? हम सॉफ्टवेयर को ऐसा बनाएंगे. आपको कैसे आता कि ऑर्डर प्रोसेस हो गया है, ऑर्डर कुरियर हो गया है, ऑर्डर इधर से उधर पहुंच गया है? क्योंकि ये ईमेल आता ना आपको, आपको क्या लगता है सामने बंदा बैठा हुआ ईमेल करता क्या? नहीं. क्या होता है, एक ईमेल बेसिक ईमेल ड्राफ्ट होता है. देखना आप, हर ईमेल के नीचे लिखा होता है दिस इज इलेक्ट्रॉनिकली सेंट ईमेल, प्लीज डोंट रिप्लाई ऑन दिस ईमेल. क्यों सर? क्योंकि उधर कोई बंदा नहीं बैठा हुआ है, ये सिस्टम जनरेटेड ईमेल्स है. इसने जैसे ही कुछ टास्क किया, ये सॉफ्टवेयर में अपडेट करती है. सॉफ्टवेयर को कमांड ऐसे दिया गया है, एक ईमेल हमने बना के दिया, वो ईमेल उसको भेज देने का. तो ये ईमेल किसके पास चला जाएगा? सप्लायर. एक अपडेट किसके पास चला जाएगा? अकाउंट्स. आप इमेजिन करो प्रोसेस का इंटीग्रेशन. ओके, अब मेरे को बताओ सप्लायर को इससे बात करने की जरूरत है क्या? नहीं. सप्लायर को क्या मालूम पड़ गया? उसके उसके कोटेशन को अप्रूव कर लिया गया है. ओके, ये खाली फोन पे बोल दे कि भाई कोटेशन अप्रूव है, तेरे को ईमेल आ चुका है. ओके, ईमेल के हिसाब से प्रोडक्शन कर और प्रोडक्शन करके फिनिश गुड्स मेरे को 10 दिन में भेज दे. उसके फिनिश गुड्स मेरे लिए रॉ मटेरियल्स, वो 10 दिन में भेज दे. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यानी आप इमेजिन करो कितना सारा कॉन्सेप्ट निकल गया अगर ये नहीं करते हम लोग इंटीग्रेशन. ओके, ये परचेज ऑर्डर बनाती, अप्रूवल लेती मैन्युअली, अप्रूवल लेने के बाद फिर वो किसके पास जाता? सप्लायर. या तो सप्लायर इधर आता या मेरे को उधर जाना पड़ता, एक दो दिन का टाइम एक्स्ट्रा जाता और उसके बाद सप्लायर उसको इवैल्यूएट करता और उसके बाद फिर आता. ये सारे प्रोसेस को ईआरपी इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या करता? ऑटोमेटिकली करने की कोशिश करता. मैं वापस बोल रहा हूं, जब मैं ईआरपी बोलता हूं, ईआरपी इज नथिंग टू डू विथ सॉफ्टवेयर, ईआरपी इज नथिंग टू डू विथ, ईआरपी इज इंटीग्रेटेड बिजनेस प्रोसेस, इंटीग्रेटेड. और जैसे ही इंटीग्रेटेड बिजनेस प्रोसेस आ गया, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे? ऑटोमेट. उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसको? ऑटोमेट. तो पहले ऑटोमेशन करने का है या प्रोसेस बनाने का? प्रोसेस. और प्रोसेस बनाने के बाद ऑटोमेशन. ऑटोमेशन के लिए अपने पास दो तरीके हो सकते हैं. एक तो क्या हो सकता है, मैं टीसीएस के पास जाऊंगा, टीसीएस मेरे लिए सॉफ्टवेयर बना के दो. यानी मैं क्या करूंगा, टीसीएस को बताऊंगा, मेरी रिक्वायरमेंट बताऊंगा, मतलब क्या बताऊंगा, मेरे प्रोसेस. और प्रोसेस बताने के बाद टीसीएस मेरे को क्या करके देगा? सॉफ्टवेयर. भारत माता की जय, सब लोग इधर मेरे को क्या बना के देगा? अब मेरे को बताओ सॉफ्टवेयर बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा ना, रेदर देन ओके मार्केट में 5-6 सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. सैप अवेलेबल है, सैप सुना होगा, SAP नहीं सुना होगा तो सैप ईआरपी सॉफ्टवेयर है, MFG प्रो करके आता है, Oracle का सॉफ्टवेयर आता है, ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. रेदर देन ये सॉफ्टवेयर बनाने को बोलू, सॉफ्टवेयर बनाना मतलब इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, और सालों लग जाएंगे. मैंने आपको बताया था भाई इंप्लीमेंटेशन कितना टाइम लगता, और सालों लगेंगे. रेदर देन ऑलरेडी सैप अवेलेबल है, मैं सैप वाले के पास गया, मैं बोला भाई मेरी ये परचेस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, तेरा सैप है वो इंप्लीमेंट कर दे, अगर तेरे सैप में ये सारी रिक्वायरमेंट है तो. मेरे को बताओ जो अपन आज सोच रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली सोच. मैं क्या सोचा मेरे को बताओ, परचेस नहीं, जैसे ही परचेस ऑर्डर बनाया क्या जाएगा? पहले दो चीज होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए परचेस ऑर्डर जैसे ही उसने ईमेल से बनाया और अप्रूव हुआ? ओके, तीन चीजें होनी चाहिए जैसे परचेस ऑर्डर बना. पहला क्या होगा, अप्रूव के जाएगा. जैसे अप्रूवल हुआ किसके पास जाएगा? अकाउंट्स के पास. और जैसे हुआ और किसके पास जाएगा? सप्लायर. ऑटोमेटिकली होना चाहिए ना ये किसने करना चाहिए? सॉफ्टवेयर. जैसा अपन सोच रहे हैं वैसा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी तो सोचेगा ना. तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो सॉफ्टवेयर की कॉमन रिक्वायरमेंट होगी सबकी. तो सैप में वो कॉमन रिक्वायरमेंट ऑलरेडी है. सैप बोलता है काहे के लिए बनाते हो, तुमको जो चाहिए वो मेरे पास है, तुमने जो बताया प्रोसेस ये मेरे पास है. ओके, थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि उसके पास जेनरिक सॉफ्टवेयर है. ओके, उससे ले लो, परचेस कर लो. आपको नहीं लगता बनाने का टाइम बच जाएगा? मेरे को बता, आज मेरे को फ्लैट चाहिए, रूम चाहिए. ओके, मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं रूम बनाऊ मतलब बिल्डिंग बनाऊ, या तो मैं डायरेक्टली रेडीमेड परचेस करूं. ओके, कौन सा ऑप्शन सूटेबल है आपको? कारण बताइए. टाइम बचेगा. ओके, टाइम बचेगा. डोंट यू थिंक कॉस्ट भी तो बचेगी? क्योंकि बॉस देखो सॉफ्टवेयर कभी ना कभी तो बना होगा, सैप है कभी ना कभी बना होगा, बनने का डेवलपमेंट कॉस्ट लगा होगा. कौन सा कॉस्ट बोला मैंने? अब थोड़ा सोचिए, वो डेवलपमेंट कॉस्ट मैं अकेला बियर कर रहा हूं या मेरे जैसे 10 परचेसर बियर कर रहे हैं? और इधर अगर मैं बनाऊंगा तो वो डेवलपमेंट कॉस्ट कौन बियर करेगा? लॉजिक का समझ में आ रहा है? तो डोंट यू थिंक लो कॉस्ट जाएगा? ये प्रीफर कर सकता हूं, ये तुम्हारे पास ऑप्शन है. मैं तुमको स्ट्रक्चर बताते जा रहा, ये तुम्हारे ऑप्शन है, तुम डिसाइड करो तुमको इसके साथ जाना है. तुम देखो ना तुम्हारा बजट बजट क्या है. चलो आइदर ऑफ इट, तुमने सॉफ्टवेयर ले लिए. ओके, यानी लॉजिक देखो, परचेस का प्रोसेस बता दिया, सॉफ्टवेयर बनाया या खरीदा, आइदर तुमने जो किया. थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, कल मैंने बताया था आपको दिक्कत किधर आएगी. दिक्कत इधर आएगी सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन. इफ रिमेंबर, बजाज का कितना साल लगा था याद आया? मैंने एग्जाम्पल बताया था 5 साल. सर्च ऑन गूगल अबाउट चाकन की फैक्ट्री, कम से कम 1.5 साल 2 साल बंद थी, 1.5 ईयर और बंद थी. उसके बाद स्ट्राइक पे थे सब लोग, बोले अरे ब्लू कलर एम्प्लॉय बोल रहा था मेरे को ये काम किधर आता रे, मैं प्रोडक्शन वाला बंदा हूं. अगर मैं टेक्निकली नॉन बंदा होता, क्योंकि कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा ना उनको,
मेरे को बताओ प्रोसेस, मैं समझ गया, ईआरपी इज ए प्रोसेस और सॉफ्टवेयर, ईआरपी इज ए प्रोसेस और सॉफ्टवेयर प्रोसेस, बट थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, ईआरपी मतलब क्या, इंटीग्रेशन, इसने कुछ किया तो दूसरे को अपडेट होना चाहिए, दूसरे को अपडेट होगा वो मैन्युअली थोड़ा होगा, तो विदाउट सॉफ्टवेयर ईआरपी विल नॉट बी इफेक्टिव, विदाउट सॉफ्टवेयर ईआरपी विल नॉट बी एफिशिएंट, तो सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए। टेक्निकल बंदा बोलता है मेरे को कार का क्लच बनाना आता है, टेक्निकल बंदा बोलता है मेरे को ब्रेक का गेयरबॉक्स बनाना आता है, तुम मेरे को इसमें किधर डाल रहे हो यार, सॉफ्टवेयर आता तो मैं ऑफिस में काम करता ना यार, मैं डेली वेज वर्कर होता क्या, डिबेट चालू हुआ, एम्प्लॉई आर रेजिस्टेंट, हुली, अब इमेजिन करो परचेस का प्रोसेस है, जैसे परचेस ऑर्डर बनाते हैं, जैसे ही ये प्रोसेस बनाएगा कुछ ना कुछ तो इसको अपडेट करना पड़ेगा आगे भेजने के लिए, तो जो इतने सालों से तुम काम कर रहे थे वही करने वाले हो, उसमें तरीके में चेंज होने वाला है, चेंज, मेरे को बताओ एक नाम मैंने कल बताया था जिसकी वजह से चेंज होने वाला है, मेरे को बताओ एग्जिस्टिंग प्रोसेस ही रहने वाला है या प्रोसेस को चेंज करेंगे, ओके मैं बता रहा हूं स्क्रीन पे देखिए मैं क्या समझा रहा हूं, ओके ये पुराना ऑर्गेनाइजेशन समझा, पुराना ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस थे तीनों अलग अलग थे ना, ओके मेरे को बताओ नए ऑर्गेनाइजेशन में तीनों प्रोसेस अलग अलग को इंटीग्रेट किया ना हमने, तो प्रोसेस वैसे ही रखे या हमने चेंज किए, इसको चेंज करने को हमने क्या वर्ड दिया था मैंने, हाँ कुछ मैंने ऐसे बोला था बीपीआर, बीपीआर का फुल फॉर्म बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, वापस बोल रहा हूं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, आत्मा क्लियर है, कान खुले, बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस, यानी पुराने जो प्रोसेस है वही नए रहेंगे या पूरे चेंज करेंगे, चेंज। अभी सर बीपीआर में होता क्या है, क्या नहीं करते, क्या करते, क्या एक्सपेक्ट करते, क्या एलिमेंट होता है, ओके प्लीज डू अंडरस्टैंड, ओके बीपीआर के साथ जावे या नहीं जावे, मतलब इन शॉर्ट मेरे नॉन इंटीग्रेटेड है, शुड आई गो विथ इंटीग्रेटेड, ओके कारण बताइए, कुछ भी कारण बताइए, जो जो कल पढ़े आपने या आज पढ़े, ओके मैंने कल भगवान मीत और सौरभ को लेके किया था, आपको जो एग्जांपल याद है कुछ भी याद है मेरे को बताइए, व्हाई आई शुड प्रीफर, व्हाई आई शुड प्रीफर, अरे सोने दे रहे उसको डिस्टर्ब मत कर रहे, व्हाई आई शुड प्रीफर, व्हाई आई शुड प्रीफर, प्लीज 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 इधर देखो, व्हाई आई शुड प्रीफर इंटीग्रेटेड सिस्टम ओवर नॉन इंटीग्रेटेड, माय सिंपल द क्वेश्चन, मेरे को बताओ इन्फॉर्मेशन विल बी अवेलेबल ऑन टाइम, सेकेंड पॉइंट डेटा डुप्लीकेशन होगा या नहीं होगा, कॉस्ट कम होगा, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी आई कैन आइडेंटिफाई इजीली, ओके कस्टमर को एग्जैक्ट स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाओ, जो मैंने आपको बताया, मेरे को बता सप्लायर के पास जाने की जरूरत है क्या, नहीं, क्या सप्लायर से रॉ मटेरियल आने का टाइम और जाने का टाइम, ये सब टाइम में भी बचत होगी, लीड टाइम में, प्रोडक्शन टाइम में, क्या क्या टाइम में बचत होगी तुम इमेजिन करो, इसीलिए तुम्हारा प्रेफरेंस क्या है, किसके साथ जाना, इंटीग्रेटेड, एवरीबॉडी क्लियर मालिक, अरे हाँ या ना, शांति से हाँ, सारी आत्मा इधर, इंटीग्रेटेड के साथ जाना कि नहीं जाना, तुमने एडवांटेजेस बताए, कंफर्म जावे, कंफर्म जावे, डिसएडवांटेज छोड़ दे, डिसएडवांटेज में आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कंफर्म जावे कि नहीं जावे, गिव मी करेक्ट आंसर, कल का लेक्चर का लिंक है मेरे भाई, जावे या नहीं जावे, पक्का जावे, तो तुम कहानी वापस बदल रहे हो, ओके पहले सबसे पहले प्रिंसिपल दिमाग में रखो, व्हेन यू शुड इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय बिजनेस, बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना या टेक्नोलॉजी के हिसाब से बिजनेस में इन्वेस्ट करना, ओके तो उसी तरह से इंटीग्रेट करना कि नहीं करना अपनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट, थोड़ा थॉट पर लगा, एक्सपर्ट डू यू थिंक इंटीग्रेट सिस्टम मैटर करता, क्यों अभी अभी तो तुम बोल रहे थे जाना चाहिए, साइज ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया कितने ऑपरेट हो रहे हैं, अरे पहले अपनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट, 2005 में यही लफड़ा हुआ, ओके अगर आप सैप के बारे में सर्च मारोगे, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज अपन बिजनेस रिक्वायरमेंट देखे नहीं और सबको लगा सैप 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 ईआरपी ले लो ईआरपी, लग गई ईआरपी, अरे कसम से बोल रहा हूं, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इज नॉट टेकिंग ईआरपी सॉफ्टवेयर, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज यू डोंट रिक्वायर ईआरपी एंड यू आर कन्वर्टिंग योरसेल्फ इनटू ईआरपी एंड क्रिएटिंग ए मेजर प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर्स, बिकॉज ईआरपी की वजह से तुम्हारा एक्सपर्टाइज एंड स्टाफ का सब प्रॉब्लम, इंप्लीमेंटेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज यू विल कम अक्रॉस, और यही प्रॉब्लम आता है ईआरपी का, तो सबसे पहले मेरे को बताओ क्या करूं, ईआरपी में कन्वर्ट करूं या बिजनेस रिक्वायरमेंट देखो, और बिजनेस रिक्वायरमेंट होने के बाद ईआरपी में जाना चाहिए, ठीक है अभी मैं सोच समझ के बताइए, गिव मी अ करेक्ट आंसर, मैं एटी एकेडमी, ओके अपने ऑलरेडी दो तीन ब्रांचेस है, तीन एक ब्रांचेस है अक्रॉस इंडिया, तीन ब्रांचेस है, अब मेरा टारगेट ये है कि अगले एक साल तक मेरे को अक्रॉस इंडिया में ओके टॉप 10 एकेडमीज में आना है, अब मेरे पास टॉप 10 एकेडमी में आने के बाद ऑप्शन क्या क्या है, मैं टॉप 10 एकेडमी में कैसे कैसे आ सकता हूं, या तो ब्रांचेस ओपन करना, डू यू थिंक ब्रांचेस ओपन करना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, उससे सस्ते वाला बताइए,
कोलैबोरेशन में जा सकता हो, ओके, वर्चुअल में भी ब्रांचेस तो लगेगा ना, फ्रेंचाइजी मॉडल, इधर फ्रेंचाइजी मॉडल जा सकता हो, या डोंट यू थिंक मैं किसी और एकेडमीज को टेक ओवर कर सकता हूं, ओके, ये होती है स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ये होती है स्ट्रैटेजी, लेट डिसाइड स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब एज्यूम करते हैं मैंने अक्रॉस इंडिया 50 एकेडमीज को टेक ओवर कर लिया, मैंने स्ट्रैटेजी डिसाइड की। अब मेरे को बताओ 50 एकेडमी का प्रोसेस सेम होंगे या अलग अलग होंगे? अब मेरे को बताओ चेंज करना पड़ेगा ना, चेंज करने के लिए क्या करूं अभी? ओके, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, ईआरपी बेस्ट ऑप्शन होगा ना, क्योंकि यार अक्रॉस इंडिया हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर, 50, तो लेट हैव ए कॉमन डेटाबेस, एक दो ब्रांचेस को कंट्रोल करना आसान है, 50 ब्रांचेस को तुम इधर कितने हैं, इधर कितना डेटा है क्या नहीं है कुछ मालूम पड़ेगा क्या? तो मेरे को बताओ सेंट्रलाइज करना बेटर है ना, और सेंट्रलाइज करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बीपीआर, क्या करना पड़ेगा? बीपीआर। बीपीआर कैसे करना, क्या करना, ईआईएस नहीं बताएगा, ईआईएस का लेना देना ही नहीं है, वो किसका लेना देना है? स्ट्रैटेजी, तुमने बीपीआर के साथ जाना कि नहीं जाना। चैप्टर 8 ऑफ एसएम विल गिव यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीपीआर, व्हाट आर द स्टेप्स इन बीपीआर, हाउ वी डू बीपीआर, व्हाट आर द फंक्शनलिटी ऑफ बीपीआर, बीपीआर करने के फायदे क्या, बीपीआर करने के नुकसान क्या, ओके, तो फिर ईआईएस में पढ़ने क्या पड़ा? बीपीआर होता है, इसमें क्या होता है? बीपीआर। किसमें होता है बीपीआर? यानी अब याद रखना, जब मैं चैप्टर 8 पढ़ाने जाऊं तब तेरे दिमाग में आना चाहिए बीपीआर के लिए किसकी रिक्वायरमेंट आएगी, ईआर नहीं, नहीं वो एसएम में, चैप्टर 8 ऑफ एसएम, चैप्टर 8 ऑफ एसएम, जब मैं ये आत्मा ध्यान दे इधर, चैप्टर 8 ऑफ एसएम में बीपीआर होगा, ओके। अब जब मैं बीपीआर समझाऊंगा तो मेरे को कौन से चैप्टर का लिंक लगेगा? ईआरपी का। अगर ये कॉन्सेप्ट याद है तो उधर का आंसर क्लियर, क्योंकि यही चीज तो उधर हो रही है और यही पॉइंट उधर तेरा काम आएगा। हाँ भाई, तेरे उधर के 4-5 आंसर में मैं कॉन्सेप्ट इधर का ही जागूंगा, वापस उधर कॉन्सेप्ट बताते नहीं बैठेगा, पर तेरे को खाली बीपीआर के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन सारा लॉजिक प्लस माइनस जो भी है वो कॉन्सेप्ट ये रहेगा, ओके। अब वापस इस स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो मेरा पहला पॉइंट है, सबसे पहले बताओ मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होंगे? प्रोसेस, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, अभी वापस अपने नॉर्मल क्वेश्चन पे आते हैं, जो अपना पूरा प्रोसेस होंगे, ओके, इंटीग्रेटेड या नॉन इंटीग्रेटेड? नॉन इंटीग्रेटेड। अभी अरे आराम से आइए वापस आइए मेरे को, ओके, इधर आइए सब लोग। आज लेट अज्यूम तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन चालू करनी है, आज नया बिजनेस चालू करना है, ओके, मेरे को बताओ बिना प्रोसेस के बिजनेस चालू होगा क्या? खाली फर्क ये होगा प्रोसेस आपके एडॉक हो सकते हैं। जब मैंने पहली बार क्लास खोला होगा, ओके भाई, इतना प्रोसेस नहीं था, जो आता था पैसे देता था, कैश हम लोग काउंट करते थे, रख लेते थे, लिख लेते, रिसीट देते थे, चले जाते थे, चेक करना वेक करना प्रोसेस नहीं था। आज पूरा फॉर्मल प्रोसेस है, तुम आते हो, फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म होने के बाद मेरे इधर बायोमेट्रिक लिया जाता है, ओके, उसके बाद बायोमेट्रिक होने के बाद, ओके, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लिंक्ड है मेरी रिक्वायरमेंट में, मेरे प्रोसेस में, ऐसा पूरा फॉर्मल प्रोसेस हुआ। फॉर्मल प्रोसेस एक दिन में होता है या बहुत सालों की मेहनत के बाद होता? सालों की मेहनत, यानी सालों का एक्सपीरियंस आना चाहिए ना रे, ओके, तो मेरे को बताओ, ओके, फर्स्ट डे जब बिजनेस चालू किया तो प्रोसेस था या नहीं था? नहीं था, क्या मजा कर रहे हो, ओके, इवन चाय वाला दुकान खोलेगा उसके बाद भी प्रोसेस होगा ना, भले वो चाय वाला यवले नहीं होगा, यवले चाय वाला नहीं होगा, ओके, मेरे को बताओ नॉर्मल चाय वाले पे चाय पीते हो आप, और एकदम फॉर्मल दुकान चाय वाला, ओके, उसके बाद भी चाय पिए, मेरे को बताओ नॉर्मल दुकान पे पहले चाय पीते हो या पैसे देते हो? पैसे देते हो, मां कसम देगा, पहले चाय पीते और उसके बाद पैसे देते हैं। अगर मैं यवले में जाता हूं तो सबसे पहले पैसे, प्रोसेस, फॉर्मल प्रोसेस, द थिंग्स आर चेंज, क्योंकि उधर सेपरेशन ऑफ पर्सन हु इज टेकिंग कैश एंड पर्सन हु इज डिलीवरिंग द प्रोडक्ट, ओके, ओल्ड चाय वाले के पास क्या है? देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पर्सन हु इज टेकिंग कैश एंड पर्सन डिलीवरिंग द प्रोडक्ट। अरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? और ये प्रोसेस और फॉर्मल होते गए ना, प्रोसेस जितना तुम आगे बढ़ते जाओगे फॉर्मल होते जाएंगे ना। अब मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक आता है, अगर मैं आज ऑर्गेनाइजेशन चालू करता हूं, वापस तुम समझे मालिक, तो मेरे को बताओ पहले दिन पे भी प्रोसेस होते हैं या नहीं होते हैं? ओके, वापस मैं बता रहा हूं भाई, तुम जितना अच्छे से रहोगे आज और कल का लेक्चर का सारा आंसर उसमें खत्म हो जाएगा, मतलब मैं जितना भी समझा रहा हूं उसमें, फिर वापस तुम्हें ना मेरा वो पॉइंट पे, और फिर अगर आंसर मैंने गलती से भी ऐसा, मेरे को देखो नींद में कोई रहना, कॉन्सेप्ट समझाते वक्त नींद में रहना मेरा दिमाग खराब होता, मैं कुछ पढ़ाऊ, देख मैंने तुमको बोला ना मैं नींद के लिए टाइम दूंगा, बोला कि नहीं बोला? नहीं बोला मैंने, बोला ना, मैं बताऊंगा ना, मैं दूंगा, मैं नहीं बोला क्या? नहीं बोला, मैंने बोला ना क्लियर, जब मैं बोल रहा हूं जब आज नींद का टाइम नहीं है तो नहीं है, क्योंकि ये नहीं झेपने वाला तुमको भाई, तुम अच्छे से समझो और इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझो। नींद का टाइम 100% दूंगा, सर मेरे को आज नींद चाहिए कल मिली, मतलब क्या होगा? ऐसा भी डिबेट करेगा तू? ओके, मीट मी एट 9:30, आई विल टेल यू। फिर पर्सनल टच, मतलब आज और कल के इसमें डिफेक्ट इफेक्ट, मतलब वो बताता ना सर आज की नींद इंपॉर्टेंट है, कल क्या है, वो 10 रुपया जो मैं बता रहा था, आज मिले कल मिलेगा, फीलिंग नहीं आएगा ना ऐसा। ओके,
तो प्लीज थोड़ा सा सेंसिटिवली ध्यान दो. मैंने आपको पहले परसों के दिन भी क्लियर किया था कि मेरा वो एक वन वन वे कम्युनिकेशन वाला सेशन है, तो कल मेरा आधा घंटा ही हुआ है. ओके, देख और वो कॉन्सेप्ट है जिसमें अपना जा रहा है, तो थोड़ा सा एक्टिवली रहो. सबसे पहला कॉन्सेप्ट मेरे को ये बताइए. ओके, इज ऑर्गेनाइजेशन चालू होता है तो प्रोसेस होता है या नहीं होता है? फॉर्मल या इनफॉर्मल? इनफॉर्मल होगा. ओके, डोंट यू थिंक जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी फॉर्मल प्रोसेस होंगे? अब थोड़ा थॉट पे लगाओ. आज ऑर्गेनाइजेशन मैं बनाता हूँ कुछ नई ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन लेनी लो, नई ऑर्गेनाइजेशन बनाता हूँ. आज के आज ही इंटीग्रेटेड सिस्टम होंगे या नॉन इंटीग्रेटेड होंगे? क्योंकि प्रोसेस डिफाइंड नहीं थे. इवन प्रोसेस फाइनल फॉर्मल होते भी गए ना, तो भी नॉन इंटीग्रेटेड रहेंगे ना. ओके, अब मेरे को बताओ नॉन इंटीग्रेट से इंटीग्रेट में कब जाने का? ओके, अपनी मर्जी से कन्वर्ट कर ही लेने का या बिजनेस की रिक्वायरमेंट देखने की? कुछ जेबरा मालिक. ओके, तो सबसे पहले अपन ने क्या देखने का? बिजनेस रिक्वायरमेंट. बिजनेस रिक्वायरमेंट आया, फिर इस प्रोसेस को मैं क्या करूंगा? बीपीआर. और बीपीआर कन्वर्ट होने के बाद फिर मेरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ईआरपी. और ईआरपी हुआ मतलब क्या हुआ? मेरा इंटीग्रेशन. और इंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद मैं किस में इन्वेस्ट करूंगा? सॉफ्टवेयर. आप ये पहले दिमाग में रख लीजिए. हो सकता है पुराने प्रोसेस, कान खुले, हाँ कान खुले, हो सकता है पुराने प्रोसेस, बीपीआर के पहले वाले प्रोसेस, बीपीआर के पहले वाले प्रोसेस, मैं एकदम क्लियर हूं, बीपीआर के पहले वाले प्रोसेस हो सकता है मैनुअल भी हो सकता है ऑटोमेटेड भी हो, पर 101% 101% ईआरपी के बाद प्रोसेस कोई भी मैनुअल नहीं रहते, वो क्या हो जाते हैं? ऑटोमेटेड. यानी कहीं ना कहीं आपको यह समझना होगा, पहले वाले प्रोसेस में आप सॉफ्टवेयर यूज भी कर सकते हो नहीं भी, लेकिन अगर ईआरपी किया है तो 101% 101% किसका यूसेज होगा? सॉफ्टवेयर. लेकिन दिमाग में क्लियर रखना, ईआरपी इज नॉट ए सॉफ्टवेयर. फॉर ईआरपी वी हैव ए सॉफ्टवेयर. ईआरपी इज नॉट ए सॉफ्टवेयर. फॉर ईआरपी वी हैव ए सॉफ्टवेयर. ओके, लेकिन विदाउट सॉफ्टवेयर ईआरपी इज नथिंग. मैं क्या बोल रहा हूं, टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करो. ईआरपी इज नॉट ए सॉफ्टवेयर. ओके, ईआरपी इज नॉट ए. फॉर ईआरपी इट इज यू रिक्वायर सॉफ्टवेयर. फॉर ईआरपी यू रिक्वायर, बट विदाउट सॉफ्टवेयर ईआरपी इज नॉट इफेक्टिव. यानी अगर आपने सॉफ्टवेयर नहीं लिया, आपने खाली इंटीग्रेट किया, कुछ काम के नहीं होंगे. आप पुरानी ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही चलने वाले हो, क्योंकि क्या इसको अपडेट करना वापस तुम मैन्युअली. वो हम जो टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो लीड टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो कम्युनिकेशन गैप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब वापस लगने वाला है. इसीलिए हम लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है? सॉफ्टवेयर. आत्मा पक्का क्लियर है? ओके, अब थोड़ी दो तीन चीजें आप मेरे को हाई या ना में बोलते जाइए, कन्वर्ट करते जाइए. ओके, मेरे ख्याल से पक्का कॉन्सेप्ट क्लियर. एनी डाउट विथ यस्टरडे का लास्ट वाला आधे घंटे का और अभी के पॉइंट पे? कॉन्सेप्ट पक्का समझा? ओके, नहीं समझा कुछ पॉइंट पे मेरे को बताना. ओके, लेकिन मैं पॉइंट पॉइंट डिस्कस करते जाता. मेरे को बताइए क्या यहां पर सेंट्रल डेटाबेस होता है या नहीं होता है? सेंट्रल ईआरपी में सेंट्रल डेटाबेस होता है या नहीं होता है? होगा सेंट्रल. देखो दो वर्ड समझ लो. ओके, अगर अभी भी वो कॉन्सेप्ट में उसको, ये वर्ड अपने सिलेबस में नहीं है पर ये मैं आपके लिए बता रहा हूं अभी. ओके, सेंट्रलाइज तो अपने को समझने की कोशिश करो. सेंट्रलाइज और एक होता है डिसेंट्रलाइज. एक क्या होता है? सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज. सेंट्रलाइज सब कंट्रोल मेरे पास, डिसेंट्रलाइज सब कंट्रोल तुम्हारे पास. मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा. डिसेंट्रलाइज. नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम कौन से थे? डिसेंट्रलाइज, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज. और अगर मैं सेंट्रलाइज बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि तुम्हारे पास डेटा नहीं स्टोर होता. सेंट्रलाइज मतलब मेजर कंट्रोल किसके पास आता है? सेंटर. मेजर कंट्रोल, तुम्हारे पास भी डेटा स्टोर होगा. तो ईआरपी में सेंट्रलाइज है या नहीं है? है. इंटीग्रेटेड या नॉन इंटीग्रेटेड? तो मेरे को बताओ, इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर सेंट्रली और नॉट? ओके, तो पहला तुम्हारे दिमाग में रखना है, इंफॉर्मेशन को हम इंटीग्रेटेड वे में स्टोर कर सकते हैं. इंटीग्रेटेड में स्टोर कर सकते हैं. किधर स्टोर कर सकते हैं? सेंटर में. किधर स्टोर कर सकते हैं? आत्मा. आत्मा पक्का क्लियर है? अरे हाँ या ना. ओके, दूसरा पॉइंट मेरे को बताइए, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट मिलेगी या इनएक्यूरेट मिलेगी? पक्का. क्यों? कल वाले एग्जाम्पल में समझ में आया, क्योंकि इधर जो अपलोड करेगा वही इंफॉर्मेशन उधर आने वाली है. डुप्लीकेशन नहीं है ना? डुप्लीकेशन होता है. एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो. परचेज ऑर्डर इसने बनाया था 10,000 का. ओके, इसने आगे दिया, हो सकता है वो टाइपो एरर, जब वापस सिस्टम में एरर होगा, 10,000 की जगह 1,00,000 एंटर हो जाए, 10,000 की जगह 1,000 एंटर हो जाए. टाइपो एरर तो होता है ना रे. कितनी बार तुम्हारा टेलीफोन नंबर में अगर तुम मेरे को दोगे, अगर इतने सारे जन का टेलीफोन नंबर टाइप करना है, डोंट यू थिंक मेरे से एरर होने की संभावना है? ऐसा हो सकता है एक या दो जन के टेलीफोन नंबर एरर हो ही जाए. ओके, अरे यार कितना भी किया, टाइपो एरर इज वेरी कॉमन. वी विल ट्राई कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ह्यूमन है. सॉफ्टवेयर किधर है? इसीलिए मेरे को बताओ, इधर इंफॉर्मेशन एक्यूरेट मिलेगी या इनएक्यूरेट? पक्का. ओके, परफेक्ट आत्मा. ओके, सोच समझ के बताइए. अब यहां पर ओके, देखिए, ऑर्डर देना, ऑर्डर देना, ऑर्डर देना. किसको ऑर्डर देते हैं अपन? पीओ. पर पीओ किसके लिए बनाते हैं? सप्लायर. ऑर्डर देना, परचेज ऑर्डर रहता ना, ऑर्डर देना और ऑर्डर के बाद डिलीवरी आना, ये सप्लायर को देते हैं. अब मेरे को बताओ, ईआरपी नहीं था तो अपन ऑर्डर देने के लिए टाइम जो लगता था, और ईआरपी आने के बाद ऑर्डर देने के लिए जो टाइम लग रहा है, एग्जाम्पल समझा?
ओके बचेगा या ज्यादा लगेगा? बचेगा। तो कहना है सही, मेरा ऑर्डर देने का जो टाइम है, ऑर्डर देने का, ऑर्डर मतलब समझा ना किसको ऑर्डर देने का, ऑर्डर देने का टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? कम लगेगा। ओके, क्योंकि मैनुअल की जगह क्या हो गया? ऑटोमेट। एग्जाम्पल बताइए, ऑर्डर देने का टाइम कैसे कम लग रहा है? मैंने एग्जांपल, सारे एग्जांपल समझाए, मैंने कोई भी चीज मैं आपसे एक्स्ट्रा पुट नहीं रहा हूं, तुम्हारे आउटसाइड नॉलेज नहीं पूछ रहा हूं, मेरा ही नॉलेज दिया हुआ पूछ रहा हूं। ऑर्डर का टाइम कैसे बचेगा मेरा? हाँ, एग्जांपल क्या क्या था मेरा? L1 मैनेजर परचेज ऑर्डर बनाएगा, फिर L2 उसको क्या करेगा? सॉफ्टवेयर में करेगा, जैसे ही वो ओके करेगा इमीडिएटली क्या होगा? अकाउंट्स के पास जाएगा, वो अकाउंट्स के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ओके, और साथ में क्या होगा? सप्लायर के पास जाएगा, सप्लायर के पास क्या जाएगा? ईमेल नोटिफिकेशन कि तुम्हारा कोटेशन एक्सेप्ट हो चुका है। हम फॉर्मल जो मैं बोल रहा हूं कुछ भी रख सकते हैं अपन उस ईमेल में, लेकिन हम यही बोलेंगे तुम्हारा कोटेशन ये हो चुका है, तुम्हारा इतना इतना ऑर्डर है, ये ऑर्डर ये डेट पे आ जाना चाहिए, आप पार्ट पेमेंट इतना विड्रॉ कर सकते हो और बाकी फुल पेमेंट आपका ऑर्डर डिलीवर होने के बाद होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो मेरे को बताओ ऑर्डर देने का टाइम बच रहा या ज्यादा लग रहा? बच रहा, पक्का? ओके, अब थोड़ा सा थॉट लगाइए कल वाले कॉन्सेप्ट में, कैन कस्टमर सेटिस्फाइड होगा या नहीं होगा? क्यों सेटिस्फाइड होगा? कारण बताइए। ओके, क्या है? कैन ही गेट द स्टेटस, कैन ही गेट द एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ द ऑर्डर? पक्का? ओके, मेरे को बताओ, डोंट यू थिंक, अब यही चीज जैसे ही प्रोडक्शन से निकलता है वेयरहाउस में जाता है, वेयरहाउस से जाएगा ओके, शिपमेंट में जाएगा, शिपमेंट से डिलीवरी जाएगा, डोंट यू थिंक अगर ये सब इंटीग्रेटेड रहा तो ये सारी चीजों में एक एक दिन भी बच सकता है? क्योंकि क्या होता था, वेयरहाउस वाला पहले बोलता था भाई, सॉरी प्रोडक्शन वाला वेयरहाउस को बोलता था मेरे आ रहा है ऑर्डर, तू जमा जगह रख ले भाई। अब क्या होगा, लेदर देन ये प्रोडक्शन वाला बता देगा कि दो दिन में प्रोड्यूस होकर तेरे पास पहुंच जाएगा। कैसे बताएगा? मैन्युअली बताएगा या सॉफ्टवेयर बता देगा? बॉस इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो डोंट यू थिंक डिलीवरी में मेरे पूरे गैप बच रहे हैं, एक एक दिन भी बचा, डोंट यू थिंक आई कैन डिलीवर द गुड्स मच फास्टर? और अगर मैं आप समझ कोशिश करो, अगर एक डिलीवरी में अगर मैंने दो दिन भी बचा है, ओके, डोंट यू थिंक सारी डिलीवरी में मैंने टोटल अगर 200 है तो 200-400 दिन बचा, मतलब 400 दिन का कॉन्सेप्ट बचा लिया, और 400 दिन का कॉन्सेप्ट मतलब कॉस्ट बचाई ना मैंने। ओके, तो याद रखना डिलीवरी टाइम भी बचता, डिलीवरी टाइम भी बचता। कौन सा टाइम बचता मालिक? आत्मा, कुछ समझ में आ रहा है? मैं बस बोल रहा हूं, मैं कोई भी क्वेश्चन आंसर में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट में, मैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट मिक्स कर रहा हूं, बस तुम इस कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। अगर ये सारा स्ट्रक्चर तुम्हारे जो स्क्रीन में अभी जितना लिख रहा हूं, ये स्ट्रक्चर तुम्हारे इसमें बैठ गया, डेफिनेटली ओके, ये सारे के सारे आंसर आपके सटीक जाएंगे। बस तुम खाली एक एक कॉन्सेप्ट में, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो मेरे को पूछो। डिलीवरी का कॉन्सेप्ट समझा तुमको? डिलीवरी का कॉन्सेप्ट कैसे होगा? अभी प्रोडक्शन वाला ओके, जिस दिन प्रोड्यूस होगा उस दिन जाके नहीं बोलेगा, दो दिन पहले सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाएगा कि दो दिन के बाद क्या होने वाला है, प्रोडक्शन रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स रेडी होने वाला है। ओके, तुम्हारे वेयरहाउस में जगह चाहिए, कितने यूनिट्स के लिए, वो सब डिटेल अब जाएगा ना, ये कौन करेगा? सॉफ्टवेयर। लेकिन सॉफ्टवेयर अपन ने, सॉफ्टवेयर इज नॉट ERP, तो अपन ने वैसे प्रोसेस बनाए होंगे कि हमारा प्रोडक्शन का जैसे ही आने वाला होगा, दो दिन होगा, दो दिन बचेगा फिनिश गुड बनने के लिए, हमारे प्रोसेस है। मैं एग्जांपल दो दिन बोल रहा हूं, हो सकता है तुम पांच दिन करो। ओके, दो दिन बचेगा, दो दिन में इमीडिएटली अपडेट किसके पास चला जाना चाहिए? वेयरहाउस। और वेयरहाउस जैसे ही डिलीवर करेगा शिपमेंट को, दो दिन का टाइम, इट्स ऑल ओवर टाइम, अपन कितने टाइम पहले उनको इन्फॉर्म करते हैं। देखो वेयरहाउस में सब गुड्स रखे होंगे, ओके, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, ओके, अगर नया गुड्स अचानक आ गया, डू यू थिंक वेयरहाउस में जगह मिलेगा? तो अगर मेरे को दो तीन दिन पहले मालूम पड़ा, डोंट यू थिंक आई कैन प्लान वेरी वेल कितना गुड सेल्स होने वाला है, कितना गुड्स आने वाला है, ये सारी चीजें प्लान हो सकती है। दिस इज ऑल कॉन्सेप्ट कम्स इनटू पिक्चर विद डिलीवरी। ओके, तो मेरे को बताओ, डोंट यू थिंक अगर ये दोनों चीज जबरदस्त हुई तो मेरा साइकिल टाइम बचता है? व्हाट इज द साइकिल टाइम? कस्टमर का ऑर्डर आया और कस्टमर को गुड्स डिलीवर हुआ, डोंट यू थिंक पूरे इसमें मेरा बचा? कैसे बचा? सुनो, कस्टमर का ऑर्डर आया, 10,000 यूनिट्स के लिए। कितने के लिए आया? 10,000 यूनिट्स। ओके, हमारे पास अभी तक रेडी नहीं है फिनिश गुड्स, अगर रेडी होते तो 2 मिनट में खत्म था ना स्टोरी, रेडी नहीं है। अब मैं अपन एज्यूम करते हैं अपन मेक टू ऑर्डर बना रहे हैं। एनी आइडिया मेक टू ऑर्डर? मेक टू ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर आने के बाद मैं बनाऊंगा। जेब रहा क्या तुमको? पक्का? ओके, कस्टमर का ऑर्डर आया, अब मेरे को बताओ, मेरे को कस्टमर का ऑर्डर 10,000 यूनिट्स का आया तो मेरे को 10,000 यूनिट्स के रॉ मटेरियल बताने पड़ेंगे ना, किससे मंगाऊंगा? सप्लायर। आपको नहीं लगता ये ERP सिस्टम की वजह से, जैसे ही ऑर्डर आया और अपना सप्लायर फिक्स है, वो सप्लायर को ऑटोमेटिकली अपने पास जैसे ही आया ऑर्डर सेल्स डिपार्टमेंट के पास आएगा, सेल्स डिपार्टमेंट ऑर्डर किसके पास भेजेगा? प्रोडक्शन। ओके, अब ये भेजेगा नहीं, जैसे ही आएगा सॉफ्टवेयर किसके पास चला जाएगा अपडेट? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के पास मालूम रहेगा, रॉ मेक टू ऑर्डर अपन बना रहे ना, प्रोडक्शन इमीडिएटली किसके पास भेजेगा? सप्लायर, मतलब परचेस। फिर वो PR VR जो करेगा प्रोसेस, डोंट यू थिंक फटाफट हो सकता है वो, क्योंकि मेक टू ऑर्डर है और वो इमीडिएटली अपडेट, जैसे ही L1 मैनेजर ने ओके कर दिया, L2 मैनेजर ने ओके कर दिया, इमीडिएटली किसके पास जाएगा? सप्लायर। क्योंकि इमीडिएटली मिला, डोंट यू थिंक डिलीवरी टाइम वो भी बचाएगा?
वो वापस भेजेगा, ओके प्रोडक्शन अपना काम करेगा और इफेक्टिवली वेयरहाउस में भेजेगा और वेयरहाउस से इमीडिएटली डिलीवरी होगी। ये टोटल को हम लोग बोलते हैं साइकिल टाइम। ओके, आपको क्या लगता है ये साइकिल टाइम बचाने से मेरा फायदा क्या होगा? कॉस्ट। और आप जो बोल रहे हो ना कॉस्ट का, आप इमेजिन करो, ओके ये कॉस्ट बचा के हम लोग बहुत ड्रामेटिक वे से ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइम बचा रहे हैं, ओके उसमें अगर आज मैं एग्ज्यूम करते हैं, आज अगर मैं सिर्फ 5 ऑर्डर ले सकता हूं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, डोंट यू थिंक मैं 5 ऑर्डर के 10 ऑर्डर कर सकता हूं? व्हाई? टाइम बचा के। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके एक बेस्ट एग्जांपल, ओके यही ईआईएस मेरे को तुम 200 घंटे दो, 200 घंटे भी लगते पढ़ाने को, पढ़ा सकता ना? ओके अगर मैं 1 घंटे में रिवाइज कर सकता हूं तो मैं तो 20 घंटे में भी खत्म कर सकता हूं। कुछ समझ में आ रहा है? ओके डोंट यू थिंक 50 घंटे में भी खत्म कर सकते अपन? ओके 200 घंटे भी जितना खींचना उतना खींच सकता हूं रे। ओके रिपीटेशन बढ़ेंगे। ओके 2-4 एग्जांपल और, कौन सा समझ में आ रहा है? लेकिन ऑप्टिमली क्या है मेरे लिए? I can spend 200 hours. It is not worth also for 50 marks. Okay. Nor it is relevant. अगर मैं उतने 30 घंटे 40 घंटे में खत्म करे वो वर्थ नहीं होगा क्योंकि कंटेंट उतनी वजह मार्क्स नहीं आएंगे। मैंने पूरा ओवरऑल क्या किया, रिसोर्स को यूटिलाइज बरोबर किया। मैंने क्या लॉजिक रखा, इधर तुम्हारा साइकिल टाइम बच रहा है लेकिन डेफिनेटली मैं रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि अरे साइकिल टाइम बचाने के लिए पूरे प्रोडक्शन की भी धजिया उड़ा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि भाई यार प्रोडक्शन तुम रॉ मटेरियल घटिया से घटिया मंगाओ, ओके इस क्वालिटी की वाट लगाओ। डू यू थिंक ये भी कर रहा हूं क्या मैं? अगर मैं टाइम बचा सकता हूं तो बहुत सारी चीजों में बचा सकता हूं ना? ऐसा नहीं होगा। इसीलिए याद रखना, जब मैं साइकिल टाइम बचाता हूं तो 100% मैं रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कैसे कर रहा हूं? ऑप्टिमली कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं? ऑप्टिमली। एंड 101% मेरे को बताओ क्वालिटी में इंपैक्ट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? क्वालिटी मेंटेन कर रहा हूं ना? ओके ईआरपी क्वालिटी मेंटेन कैसे करता है? तो फिर ईआरपी टाइम कैसे बचाता है? मेरा क्वेश्चन यहां आता फिर, अगर क्वालिटी इंपैक्ट नहीं हो रहा तो ईआरपी टाइम कैसे बचा रहा है मेरे को बताओ? ओके जब ईआरपी नहीं था तब भी आपका प्रोडक्ट का जो क्वालिटी था, और ईआरपी आने के बाद भी प्रोडक्ट का क्वालिटी वही रहेगा? अरे हाँ या ना? मेरे भाई मेरे माई बाप मेरे को बता, थोड़ा सोच के समझ और मेरे को बता, क्या ईआरपी प्रोडक्शन का प्रोसेस चेंज कर रहा है क्या? प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने का प्रोसेस चेंज कर रहा है क्या? वो प्रोसेस को इंटीग्रेट कर रहा। तुम प्रोडक्ट कैसे बनाते, ये बनता कैसे, इसका प्रोसेस चेंज हो रहा है क्या? ये बनाते वक्त ये किसके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, ये प्रोसेस चेंज हो रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मेरे को बताओ क्वालिटी इज मेंटेन और नॉट? मेंटेन्ड। ओके क्वालिटी इज मेंटेन और नॉट? मेंटेन्ड। लेकिन वही क्वालिटी तुमको नहीं लगता लो कॉस्ट पे आ रही है अभी? पहले यही क्वालिटी आपको हाई कॉस्ट पे आती थी, अब मेरे को बता क्वालिटी वही क्वालिटी लो कॉस्ट पे कैसे आ रही है? ये एग्जांपल। क्या क्या टाइम बच रहा तुम्हारा? डिलीवरी टाइम बच रहा, प्रोक्योरमेंट टाइम बच रहा, ऑर्डर टाइम, ऑर्डर से प्रोडक्शन का टाइम, ये सारा टाइम बच रहा। ये टाइम बचा बचा के कॉस्ट कम हो रही है, लेकिन कॉस्ट के साथ में हम लोग किसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं? क्वालिटी। क्योंकि प्रोडक्ट का प्रोसेस नहीं चेंज होता भाई। नहीं समझ में आ रहा? समझ में आया? मतलब मेरे को बताओ मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल है वो तो वैसे ही रहेगा ना रे, हम उसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ये करने के बाद दूसरे को क्या इंपैक्ट करना, ये टाइम करते वक्त दूसरे को क्या इंपैक्ट करना, इसको चेंज कर रहे हैं। इसीलिए याद रखो इसमें क्वालिटी इंपैक्ट होती है या नहीं होती है? होती है या नहीं होती है? नहीं होती है, लेकिन क्वालिटी वही आती है ना, लेकिन खाली क्वालिटी का क्या कम हो जाता है? कॉस्ट कम हो जाता है। आत्मा समझ में आया? ओके ईआरपी का डेफिनेशन क्या बताया था मैंने? इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेस, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेस। ओके कल का एग्जांपल रिकॉल करिए, मेरे को बताइए पुराने एग्जाम पुराने कॉन्सेप्ट में, कल वाले नॉन इंटीग्रेटेड में आपको कितने डिपार्टमेंट थे अपने एग्जांपल में? 3। नाम अकाउंट्स ही लेते, फाइनेंस छोड़ दे, अकाउंट्स, एचआर, प्रोडक्शन, तीनों अलग अलग थे ना? ओके मैंने आपको और एक चीज समझाई कल, अगर याद है आपको लास्ट में एकदम, मैंने ईआरपी सॉफ्टवेयर खरीदना मुश्किल है या इंप्लीमेंट करना मुश्किल है? सॉफ्टवेयर खरीदना हार्डली 15 दिन में पूरा हो जाएगा अपने हिसाब से, खरीद के कस्टमाइज करना चेंज करना वो सब हो जाएगा 15 दिन में, इंप्लीमेंटेशन में गो ईयर्स। ओके सॉफ्टवेयर खरीदने का कॉस्ट लाख्स होंगे, मतलब हार्डली एक 5 लाख में सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ओके इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट कैन गो अप टू 1 करोड़। कारण क्या? इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट, एम्प्लॉइज आर रिजिड, मेरे को बता प्रोसेस परफॉर्म कौन करने वाला है? एम्प्लॉय। ओके आपने बोला सर सॉफ्टवेयर आएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर को डेटा देगा कौन? एम्प्लॉयज। अगर एम्प्लॉयज रेडी नहीं है तो क्या करोगे? ओके और मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल, आप इसको हैबिट समझिए, जो समझिए। ओके आप जिस जो काम जैसे कर रहे थे, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप 5 साल से ऑर्गेनाइजेशन में जैसे काम कर रहे थे, आपको लगता है कि चेंज करना उसको इमीडिएटली बहुत ईजी होगा आपके लिए? तो मेरे को बताओ मैं आपको कैसे चेंज करवा सकता हूँ? ट्रेनिंग देके। ट्रेनिंग के साथ खाली ट्रेनिंग दूंगा या मोटिवेशन भी करते रहूंगा? ओके आपको क्या लगता है खाली मैं, आपको लगता है टॉप मैनेजमेंट सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास इतना टाइम है वो रोज रोज ट्रेनिंग और मोटिवेशन के लिए आते रहेंगे, एक्सपर्ट्स लगते जाएंगे? सब कॉस्ट आप देखिए, ये सारा पॉइंट है। ओके इसीलिए सुनिए,
मैं क्या डिसाइड करता हूं, अगर मैं ईआरपी सुनिया एकदम आराम से, ओके कितने डिपार्टमेंट है वापस अपने बताइए, कल के तीन नाम बोलिए, अकाउंट्स है, एचआर है, प्रोडक्शन है, ओके ये तीनों के प्रोसेस को अपन क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट प्रोसेस करते वक्त क्या करेंगे हम लोग, नहीं एक वर्ड, इंटीग्रेट से नॉन इंटीग्रेट से इंटीग्रेट में जाने में क्या करते हैं अपन, बीपीआर, बीपीआर का फुल फॉर्म, आराम से जाइए आराम से, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग से क्या वर्ड, वर्ड से क्या समझ में आता है, री इंजीनियर करना मतलब, एनीवे आई विल डिस्कस दिस इन एसएम, री इंजीनियर करना मतलब चेंज करना, ओके मेरे को बताओ री इंजीनियर वर्ड पे देखिए, री इंजीनियर मतलब छोटा मोटा चेंज करना या ड्रामेटिक चेंज करना, ठीक है थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, ये अकाउंट्स, ओके नहीं अपना कल का एग्जांपल, कौन कौन थे अपने एग्जांपल में, मीत का था, मीत मीत किस में था रे, अकाउंट्स, वो अकाउंट्स का बंदा, ओके भगवान किस में है, एचआर, और अपना सौरभ प्रोडक्शन, ओके अब मेरे को बताओ इनके अपने पहले से प्रोसेस थे हाँ या ना, कौन से थे, कौन से थे पहले से प्रोसेस थे, इंटीग्रेटेड या नॉन इंटीग्रेटेड, ओके याद रखो तुम मेरे पे उपकार नहीं कर रहे, मैं तुम पे उपकार नहीं कर रहा, ओके अपन दोनों म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव से आए हुए हैं और अपन दोनों का म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए, ओके तो मेरे भाई मेरे को वापस चाहिए, और मैंने आपको कल भी बताया जब तक मेरे को आवाज नहीं आती ना तब तक मेरे को झेपता नहीं, फिर कुछ कॉन्सेप्ट मेरा था, इंटीग्रेटेड थे या नॉन इंटीग्रेट थे, अब मेरे को बताओ इंटीग्रेट करने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस वही रखने पड़ेंगे या चेंज करने पड़ेंगे, छोटी मोटी चेंज या ड्रामेटिक चेंज, अब मेरे को सोच समझ के बताइए, ड्रामेटिक चेंज अपने करने की औकात होगी क्योंकि एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा, अपने को अगर इतना आता तो पहले से अपन ड्रामेटिक चेंज करके हुए थे ना, तो पहले वाले प्रोसेस ही अपने चेंज होते ना, पहले वाले प्रोसेस अपन ऐसा बेसिक धंधा कर रहे थे, बेसिक बिजनेस कर रहे थे, इसलिए अपने प्रोसेस वैसे थे, एक्सपर्ट को बुलाऊंगा चेंज करेगा, अब थोड़ा तौर पर लगाओ, ओके भाई सौरभ प्रोडक्शन का ध्यान रख रहा है, ओके प्रोसेस चेंज करना है, प्रोसेस चेंज करना है, प्रोसेस चेंज करना है, प्रोसेस चेंज करना है, मेरे को बता प्रोसेस करने वाला बंदा कौन, सौरभ, प्रोसेस चेंज करने के लिए अपने एक्सपर्ट को बुलाया, ओके एक एक्सपर्ट चाहिए रहेगा, कौन एक्सपर्ट अपने पास, रजत, रजत एक्सपर्ट, चलो रजत एक्सपर्ट है, रजत, रजत इज एन एक्सपर्ट, ओके रजत आया, ओके रजत आया, रजत इन एक्सपर्ट, आउटसाइड एक्सपर्ट, ही इज नथिंग, ही हैज नथिंग टू डू विद ऑर्गेनाइजेशन, ओके उसको कंसल्टिंग फीस मिल रही है और वो फीस के लिए हावड़े जैसे काम कर रहा, ओके बस वो कॉन्सेप्ट है, एक्सपर्ट एक्सपर्ट, ओके ऐसा हम लोग भी है, रजत किधर गया, दिख नहीं रहा आज, किधर है, अरे हाँ इधर है, ठीक है रजत, ठीक है ना, अब ले सकते ना अपन मतलब ऐसा, हाँ ठीक है थोड़ा बहुत, नहीं एयर वन ना, तो फिर थोड़ा सा ऐसा एयर वन ना, तू कौन रे भाई, नाम आपका, तेरा नाम, तेरा ग्रुप ही लेता मैं, ये पूरा कंसल्टिंग ग्रुप है, रजत के साथ रहते ना फुदकते हुए सितारे, अभी एक टाइम पे एक ही लेते, मैं इतने सारे नाम में कंफ्यूज हो जाऊंगा, पर तू तू तो तू एक दो तो है ही मेरे सिस्टम में अभी रडार पे, ओके तुम दोनों एसएम में गए आज, ये रेडी रहना मतलब, हाँ तू लेट आएगा भले ही, तो आएगा पर आएगा, तू आए तू आएगा ही ना, आते ही मैं लेगा ऐसा, ओके रजत को ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना है क्या, नहीं रजत मेरे से डिस्कस किया, मैं सीईओ था याद है ना, मैंने उसको बताया मेरे को पूरा ईआरपी डालना है, ओके प्रोसेस चेंज कर, रजत आया, रजत एक्सपर्टाइज है, रजत ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ईआरपी डाला है, अब मेरे को बताओ प्रोसेस यूज करने वाला कौन, सौरभ, ओके सौरभ है, ओके मैं खाली प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, ओके रजत उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, अब मेरे को बताओ रजत को अगर प्रोसेस को री इंजीनियर करना है, प्रैक्टिकली सोच के बताइए किसको टाइम देना पड़ेगा, प्रोसेस यूज कौन करने वाला है, सौरभ, ओके बनाने के लिए कौन आया, रजत, लेकिन रजत बनाने के बाद यूज कौन करने वाला है, किसका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, आपको लगता है ये री इंजीनियरिंग एक दिन में हो जाएगा, महीनों जाते हैं, ये महीनों जाएंगे, आपको लगता है महीनों तक मैं प्रोडक्शन एक्टिविटी बंद कर दूंगा, क्योंकि अगर इसको इधर टाइम देना पड़ा, याद रखो अपन ने जो सर आप बोलोगे कल अपन ने, अरे सर 5 मिनट तो प्रोसेस खत्म हो गया अपना परचेस का, वो क्योंकि 5 मिनट जितना ही था, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सोचिए, एचयूएल के हिसाब से सोचिए, ओके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सोचिए, और वही लोग ईआरपी लेंगे अपने जैसे नहीं, और अपने जैसे ने ईआरपी लिया ना तो दूसरे साल में बंद है, मैंने आपको बताया बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग विदाउट रिक्वायरमेंट, जिनको रिक्वायरमेंट है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है तो इनका बिजनेस सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स होने के बाद ना, सिंपल था तब तक नॉन इंटीग्रेट में जी रहे थे ना भाई, ओके आई डू थिंक सब लोग मेरे साथ में,
ओके अब मेरे को बताओ रजत को टाइम देना पड़े, रजत जब आएगा तो किसको टाइम देना पड़ेगा? डोंट यू थिंक मैन्युफैक्चरिंग पे इंपैक्ट होगा? आपको लगता है मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पूरा बंद करके बैठूंगा? ओके सेम लॉजिक आप लिखिए. ओके रजत आया किसको टाइम देना पड़ेगा? भगवान. सौरभ, सौरभ क्या, सौरभ के बाहर भी निकलो. ओके दूसरा किसको टाइम देना पड़ेगा? भगवान. भगवान किधर है बे? इधर. अरे तू क्या, अरे इधर इधर चेंज क्या करते रहे तुम लोग? ऐसा मैं उधर ही ढूंढते रहता ना मैं. अरे वो रडार और फिक्स रहता ना रे बेंचेस. हाँ मेरे को तो ऐसे लगता है ये चार पांच जन तो फिक्स ही है, मतलब ये इधर ऐसा मेरे को चेंज नहीं दिखता. इधर पीरियो वाला तो कभी उधर बैठ. अच्छा तू ये दिखता होगा उधर से बैठ के, तू कैसे, मतलब मैं कैसा दिखता हूँ? वो तो हर एरिया से दिखता होगा साला तातेड़, इधर से भी वैसे. अच्छा उधर ही वैसे ही दिख रहा है वो, पीछे से कल पीछे से बैठ के दिख रहा था. मीत उधर चला गया, इधर था. क्यों रे मीत? अच्छा नींद आ रही है. नींद आने के लिए उधर भी सोएगा तो कोई फायदा नहीं है. नींद आने के लिए हाइटेड बंदा ढूंढना जरूरी होता है. ओके हाइटेड बंदे के पीछे एकदम अच्छे से कॉन्फिडेंसली, मतलब. अब मेरे को बताइए प्लीज, गिव मी द करेक्ट आंसर. ओके रजत जब आएगा भगवान के साथ भी टाइम डालेगा, डू यू थिंक भगवान को भी एचआर की एक्टिविटी छोड़ के टाइम देना पड़ेगा? आपको लगता है सुटेबल है? बहुत प्रॉब्लम होगी. डोंट यू थिंक सेम अकाउंट्स के साथ होगा? ओके खत्म है स्टोरी. आप इमेजिन करो, मतलब खाली जब बीपीआर कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर तो बहुत आगे की बात है, सॉफ्टवेयर लाना उसमें भी तो टाइम देना पड़ेगा, सब लग जाती है. इसीलिए मैं क्या सोचता हूँ, ओके मैं सीईओ, तीनों इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल होगा और तीनों का काम बंद होना मतलब बहुत मुश्किल होगा. लेट डू वन थिंग, हाल फिलहाल के लिए दो चीज इंटीग्रेट करते हैं. ओके लेट डू वन थिंग. ओके आई विल इंटीग्रेट अकाउंट्स, आई विल इंटीग्रेट प्रोडक्शन. पहले इनका टाइम, इनका काम बंद करते हैं, एचआर का काम चलने देते हैं. एचआर के काम में इंपैक्ट नहीं करते, आप समझो ना, रूटीन काम में इंपैक्ट नहीं होगा. अब मेरे को बताओ एक्सपर्ट अगर रूम का काम निकालता है, ओके रूम का काम निकालता है, सारे रूम का काम निकाल देगा क्या एक साथ में? नहीं, एक दो रूम का काम निकालेगा, मतलब कुछ पेंटिंग वेंटिंग एज्यूमिंग. ओके और बाकी सब में क्लास चलने देगा, लेकिन क्लास को एडजस्ट करेंगे. एग्जाम्पल फाउंडेशन भी होगा, इंटर भी होगा, तो आज 8 घंटे का फाउंडेशन है और 8 घंटे का इंटर है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ. ओके 4 घंटे फाउंडेशन, 4 घंटे इंटर, एडजस्ट करके अपन काम तो चालू रखेंगे ना रे. अरे पूरा बिजनेस बंद कर दिया, डोंट यू थिंक मार्केट से नाम ही निकल जाएगा? ये सबसे बड़ा इंपैक्ट है. ओके ऐसा ऐसा नहीं बोलेंगे विनोद सर, चलो एक साल बैच ही नहीं लेते, एक साल पूरा पूरा रिनोवेशन करते हैं और अगले साल बैच लेंगे. अगले साल बैच में विनोद सर, मैं प्रशांत सर बैठे रहेंगे. कुछ समझ में आ रहा है? ओके डोंट यू थिंक वी नीड टू मैनेज दिस थिंग्स? मैंने क्या डिसाइड किया, ओके कॉन्सेप्चुअली समझो, मैंने क्या डिसाइड किया, सौरभ टाइम देगा और कौन टाइम देगा? मीत. ओके थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, अब कितने प्रोसेस इंटीग्रेट हुए? माय क्वेश्चन इज दिस ईआरपी कॉकरोच बे, अरे छोटा था, छोटा वो भी ईआईएस पढ़ने आया था, वो देख रहा था, वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर रहा था, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड, ही वॉज अंडरस्टैंडिंग वेयर टू इंटीग्रेट. मेरा क्वेश्चन क्या है, ओके माय क्वेश्चन इज दिस ईआरपी, मैंने क्या बोला इंटी, मैंने क्या बोला, सुना क्या तुमने? कल के कितने प्रोसेस थे? तीन, तीन में से मैं कितने इंटीग्रेट कर रहा हूं? तीसरा नहीं कर रहा. क्यों नहीं कर रहा समझ, क्यों नहीं कर रहा ये समझा क्या? मैं आपको बोल रहा हूं सारे आंसर, ये कॉन्सेप्ट है, क्यों नहीं किया वो समझा? अगर वो समझा तो मेरे को बताओ, दो मैंने खाली किए और कर दिए दो, इसने दो किए. ओके इसने रजत ने पूरा एक्सपर्टाइज दिया, दोनों इंटीग्रेट हुए, दोनों इंटीग्रेट होने के बाद हमने सॉफ्टवेयर लिया, तीसरे को हमने पिक्चर में लिया ही नहीं अभी तक, वो तीसरे का जो सॉफ्टवेयर चल रहा है चलने दो. ये दो को इंटीग्रेट किया और दो के लिए सॉफ्टवेयर हमने बना दिया और फिर हमने काम चालू किया. पहले तो सॉफ्टवेयर पूरा बनेगा ना, इंटीग्रेट किया. और अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ये ईआरपी है? मतलब दो इंटीग्रेटेड है और एक नॉट इंटीग्रेटेड है? ओके आंसर इज यस. ईआरपी बोलता है एक साथ में इतना सारा बड़ा इंटीग्रेशन करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ऑर्गेनाइजेशन को बंद भी करना पड़ सकता है. इसीलिए वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ईआरपी इज, ओके इवन इफ यू इंटीग्रेट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईआरपी? इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, वेर इट इज सेइंग इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन. इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस. इवन टू प्रोसेस इंटीग्रेटेड, इट मींस यू आर हैविंग, इसका मतलब दो प्रोसेस के लिए एक ही सॉफ्टवेयर होगा, यानी दो ही प्रोसेस ऐसे होंगे अभी तक बाकी सब चला. अरे सर क्यों नहीं कर सकते समझा क्या? अरे और मेरे को बता रहे नया नया ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेशन में नहीं जाएगा. नया ऑर्गेनाइजेशन किसमें जाएगा, इंटीग्रेटेड या नॉन इंटीग्रेटेड? काय के लिए मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करूंगा, पागल आदमी है क्या? जब तक बिजनेस बड़ा नहीं होता पैसे क्यों डालूंगा इतना सारा मैं? तो लेट गो विद नॉन इंटीग्रेटेड. लेकिन जब बहुत बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो मतलब कॉम्प्लेक्स हो गया ना बिजनेस, और बिजनेस कॉम्प्लेक्स हुआ इंटीग्रेट करने की सोचा, डू यू थिंक एक दिन का काम होगा क्या मेरे लिए? इवन दो प्रोसेस इंटीग्रेट हुआ तो ईआरपी चालू हो गया. ओके इसलिए ईआरपी का वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट इज इट इज वेरी फ्लेक्सिबल. इट इज वेरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी? इवन यू कैन इंटीग्रेट टू प्रोसेस. ओके ईआरपी आ जाता तो सर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? दो में ईआरपी सॉफ्टवेयर चलेगा, एक में पुराना सॉफ्टवेयर चलेगा. कुछ समझ में आ रहा है? ओके अब मेरे को बताओ, फिर दो यूज करना चालू करेंगे ना,
और दो यूज करेंगे, कितना टाइम हुआ? साल भर. ओके, डोंट यू थिंक कंफर्ट जोन आ जाएगा? क्या वो अडेप्ट हो जाएंगे? और अडेप्ट होने के बाद फिर हम क्या करेंगे? वापस रजत को बुलाएंगे और रजत को इसमें वापस और एक इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे. कौन सा? एचआर. कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ती है. एक दिन में नहीं होता. बीपीआर ऐसे करते भाई मेरे. और अगर आपने एक दिन में इंटीग्रेशन किया तो आप समझ लो ओके, अगले साल बिजनेस बंद करना पड़ता कन्फर्म, क्योंकि आप कुछ सर्विस दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके प्रोसेस मतलब तू वापस बोल रहा हूं, तू इसको प्रैक्टिकली समझ. मेरा ये प्रोसेस है 1 2 3 4 5 6 7, मेरे को बताओ सुबह 9 बजे आ रहा हूं तो ये 7 काम कर रहा हूं मैं, शाम को 5 बजे तक ये 7 काम कर रहा हूं मैं. ओके, अब तू थोड़ा शॉर्ट पे लगा. अगर रजत आता है और इसको री इंजीनियर करता है तो डोंट यू थिंक अभी जो काम करना होगा कैसे करूंगा? ये 7 करूं, वो री इंजीनियर बीच में चेंज कर रहा, मैं क्या करूं, किसको टाइम दूं, मैं इसको क्या समझाऊं? ओके, और खाली मेरा इन्वॉल्वमेंट साथ में नहीं रहेगा, मेरे साथ में कौन बैठेगा? दूसरा डिपार्टमेंट वाला भी साथ में बैठेगा, हम दोनों आपस में. मैं काय के लिए इसको अपडेट करूं? वो बोलेगा मैं काय के लिए अपडेट करूं? वो बोलेगा मेरे को डायरेक्टली डेटा चाहिए. अकाउंट्स वाला बोलेगा परचेस ऑर्डर बनने के बाद उसने अपडेट करना चाहिए. ये परचेस ऑर्डर बोलेगा मेरा क्या काम है, मेरा तो परचेस का काम है, मेरा कोई लेना देना नहीं है. ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट? अरे कॉन्फ्लिक्ट है, आपको ह्यूमन एटीट्यूड समझना चाहिए भाई. अरे को समझ में आया मालिक? लेकिन कॉन्सेप्चुअली आप समझेगा एक पॉइंट. ओके, डोंट यू थिंक ईआरपी शुड बी फ्लेक्सिबल और रिजिड? फ्लेक्सिबल मतलब समझा? फ्लेक्सिबल यानी कैन आई इंटीग्रेट ओनली 2 प्रोसेसेस? ओके, कैन आई इंटीग्रेट ओनली 2 प्रोसेसेस? ओके, कैन आई इंटीग्रेट 3 प्रोसेसेस? कैन आई इंटीग्रेट 4 प्रोसेसेस? ओके, कैन इट बी कॉल्ड एज ईआरपी ओनली? वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ईआरपी. रे भाई, ईआरपी फ्लेक्सिबल है. कॉन्सेप्ट समझा मालिक? यानी माय क्वेश्चन, कान खुले, आई डोंट नो हाउ मेनी फेयर अबाउट दिस वर्ड कस्टमाइज. कस्टमाइज मतलब पर्सनली, पर्सनल अपने हिसाब से. ओके, तो ईआरपी कैन बी कस्टमाइज एट एनी लेवल. ईआरपी कैन बी कस्टमाइज एट एनी लेवल. जितना तुम कस्टमाइजेशन, अरे तुमको खाली 2 ही करना है ना, 2 ही करो. तुमको 3 करना है ना, 3 ही करो. 4 करना है ना प्रोसेस, 4 इंटीग्रेट. ईआरपी है भाई, ईआरपी सॉफ्टवेयर आ जाएगा. तो फिर सर इस केस में सॉफ्टवेयर कैसे होगा? ओफू ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. इस केस में ये अभी अपने सिलेबस में नहीं रहेगा, लेकिन मैं तेरे को समझा रहा हूं. इस केस में सॉफ्टवेयर कैसे होगा? सैप ले लेंगे, लेकिन सैप के जितने इंटीग्रेशन हुआ उतने ही मॉड्यूल लेंगे. अपने प्रोसेस सारे इंटीग्रेट किए, खाली 2 किए. सैप के मॉड्यूल्स हो गए. मॉड्यूल्स मतलब क्या? पार्ट्स. 2 पार्ट ले लेंगे. बाकी परचेस नहीं किया, बाकी के लिए पैसे नहीं दिए, तो 2 इंटीग्रेट करेंगे. आगे जब इंटीग्रेशन आएगा और मॉड्यूल देते जाएंगे. This is how the concept comes into picture. आत्मा समझ में आया? तो इसका फायदा, don't you think अपन टेक्नोलॉजी भी पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? लेटेस्ट. बहुत सारे फायदे हैं ERP आने के लिए, बहुत सारे फायदे, जबरदस्त फायदे है. ओके, बट याद रखना, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड डिसएडवांटेज, प्लीज बी क्लियर. मैं डिसएडवांटेज कहीं पर भी नहीं बोल रहा हूं. मैं आपको क्या समझा रहा हूं? ओके, देयर आर 2 थिंग्स. वन इज रिस्क एंड वन इज कंट्रोल. लिसन केयरफुली, एकदम आराम से. ओके, मैं बोल रहा हूं, मैं किधर से किधर शिफ्ट होते जा रहा हूं वो तुमको समझेगा नहीं, पर तुमको कॉन्सेप्ट वाइज ध्यान रखना पड़ेगा एकदम. ओके, डू यू थिंक रिसीट चेक करना चाहिए हमने? व्हाई? क्लास में रिसीट क्यों चेक करना चाहिए? जिसने पैसे नहीं दिए वो भी आके बैठ सकता है. इसका मतलब देयर इज 2 कॉन्सेप्ट, वन इज ऑथराइज, वन इज अनऑथराइज. तो मेरे को बताओ क्लास में कौन आना चाहिए, ऑथराइज यूजर या अनऑथराइज यूजर? अनऑथराइज को रोकना पड़ेगा ना. तो मेरे को एग्जांपल बताइए, अनऑथराइज को रोकने के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं इधर क्लास के हिसाब से? रिसीट चेक करे, का रिसीट चेक कर सकते हैं? ओके, एक ही है. और बायोमेट्रिक से मतलब बायोमेट्रिक लगाना नहीं होगा खाली, आप समझिए दरवाजा ऐसा होना चाहिए, दरवाजे के बाहर वो मशीन होनी चाहिए. बायोमेट्रिक किया, अगर ऑथराइज हो दरवाजा खुलेगा, नहीं हो तो दरवाजा नहीं खुलेगा. ठीक है, और क्या हो सकता है? आईडी कार्ड्स, आईडी कार्ड दिया जा सकता है. आईडी कार्ड वे ऑफ किया, ऑथराइज हो दरवाजा खुलेगा. कुछ समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? तो इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल. क्या बोलते हैं हम लोग? कंट्रोल. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल? आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस, आई विल बी डिस्कसिंग चैप्टर 1. चैप्टर 1 में जब जाएंगे तब कंट्रोल के डेफिनेशन पे जाएंगे. बस अभी के लिए समझ लो. ओके, काका कंट्रोल है, काका कंट्रोल है, हुली कंट्रोल है. ओके, आईडी कार्ड जो यूज करते हैं वो कंट्रोल है, बायोमेट्रिक यूज करते हैं वो कंट्रोल. आपका बायोमेट्रिक कंट्रोल नहीं है, ये कंट्रोल नहीं है, ये लॉग्स है. ये मैंने आपको समझाया, क्या है? लॉग्स, रिकॉर्ड्स है, ये रिकॉर्ड्स रख रहा है. ओके, अटेंडेंस है ना, ये इसके बाद ही आप अंदर आने देते हो, ऐसा थोड़ा है. तो ये कंट्रोल नहीं है, ये लॉग्स का कंट्रोल है. तो कंट्रोल का एलिमेंट डिफरेंट है ये. ओके, तो मेरा क्वेश्चन, काका कंट्रोल है या नहीं है? हुली कंट्रोल है या नहीं है? ओके, आराम से हम लोग इस कंट्रोल को बोलते हैं कंट्रोल एक्टिविटी. क्या बोलते हैं बेटा? कंट्रोल एक्टिविटी. सोच समझ के सबकी आत्मा इधर आ, बिकॉज वापस मैं दूसरे ईआरपी से थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा हूं. ध्यान रखिए,
कंट्रोल एक्टिविटी, ओके थोड़ा थॉट लगाइए, इस रूम में एंट्री करने के कितने ऑप्शंस है? ओके दरवाजा छोड़ दिए, वो एक दरवाजा नहीं अज्यूम करते, ओके दीवारी है, एक ही दरवाजा है, ओके अपने पास ऑप्शन कितने हैं? दो। कैसे दो? एक इधर से और एक खिड़की, खिड़की से भी तो आ सकता है, खिड़की से भी तो आ सकता है। कौन बोला नहीं? जो अनऑथराइज है उसको आना है तो कहीं से भी आ सकता है वो, क्या वो खिड़की से भी एंटर कर सकता है? सुन मेरे को ज्ञान मत दे, तू बोलेगा ग्रिल लगाया है, ग्रिल इज कंट्रोल, कुछ समझ में आ रहा है? ग्रिल इज कंट्रोल, ये कंट्रोल डाल दिया है इसीलिए। अब इमेजिन जब ग्रिल नहीं था तो खिड़की थी ना, दो जगह से दो साइड से अंदर आ सकते थे अपन। ओके मेरे को बताओ काका को किधर रुकने बोलने का? व्हाई नॉट खिड़की? खिड़की भी तो, यानी मेरा क्वेश्चन ये है, थोड़ा थोड़ा तो लगाइए, डोंट यू थिंक खिड़की पे भी तो रिस्क है, इधर भी तो रिस्क है, तो आपने इधर ही कंट्रोल क्यों डाला, उधर क्यों नहीं डाला? उधर रिस्क कम है और इधर रिस्क आया तो एक हाथ आ सकता है। ओके इधर से आने की संभावना, तो मेरे को बताओ कंट्रोल किधर डालना? जिधर रिस्क ज्यादा, जिधर रिस्क कम है उधर कंट्रोल कम डालेंगे, जिधर रिस्क ज्यादा है उधर कंट्रोल। यानी सबसे पहले रिस्क को असेस करें या कंट्रोल डाले? यानी सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट या कंट्रोल एक्टिविटी? बाद में कंट्रोल एक्टिविटी डालेंगे ना, वापस आते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? रिस्क, फिर क्या करेंगे? प्रैक्टिकली सोचिए, अगर आपने रिस्क असेस नहीं किया कंट्रोल डालते गए तो बेवकूफी, लॉस होते जाएगा अपने को। काका उधर भी खड़े खाली देख रहे, कोई आ रहा क्या, कोई आ रहा क्या, कोई खुद अकेले ही आ रहे, नहीं आएगा, रिस्क कैसे है, इसलिए ग्रिल लगा के लो कॉस्ट में काम किया। काका का सैलरी हर महीने जाता ना, ग्रिल का तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट गया, कंट्रोल का कॉस्ट आता है, कंट्रोल का कॉस्ट रोल लग रहा, वो कॉस्ट को इवैल्यूएट किया। लेट अस्यूम मेरा इसमें बैच में खाली 5 एडमिशन है, काका को भी क्यों खड़ा रखूं मैं, 5 मैं देख सकता ना भाई, तुमको समझ में आ रहा है क्या? तो सबसे पहले क्या देखने का? रिस्क असेसमेंट, फिर क्या डालने का? तो सबसे पहले आप मेरे को समझाइए, रिस्क देखो या कंट्रोल डालो? पक्का? पक्का ना? ओके रिस्क देखो फिर कंट्रोल डालो। ओके अभी और एक एग्जांपल, दरवाजा और खिड़की, किधर से रिस्क ज्यादा था? खिड़की से रिस्क। एवरीबॉडी क्लियर? ओके कौन सा रिस्क था आपने इधर? अनऑथराइज एक्सेस, अनऑथराइज। आपको नहीं लगता पूना के रेलवे स्टेशन पे अनऑथराइज एक्सेस के रिस्क ज्यादा है? मेरे को बताओ कितने कितने जन होंगे जो बिना टिकट के ट्रेवल करते होंगे? ड्रामेटिक है, तो आपको नहीं लगता होली उधर जाके टिकट चेक करना चाहिए? आपने क्या बोला, रिस्क जिधर ज्यादा उधर कंट्रोल डालो। अपना रिस्क ऐसा मत बोलना मैडम, गलत है मैडम। मेरे को बताओ, मैं दिन में कम से कम 3-4 बार बोलता हूं भारत माता की जय, पूरा भारत मेरा है, पूरे भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, भारत देश मेरा है, भारत के लिए मैं जो चाहिए वो कर सकता हूं। ऐसा मत बोलिए सर अपना है, अपना नहीं है वो, ये अपना है। अरे क्या मजाक चल रहा है, भारत देश है अपना, पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर है। अब 2-4 जन बोल रहे भेज दो ना सर होली को, मेरा क्या जा रहा है। मेरे को क्वेश्चन बताइए, क्यों नहीं भेज सकता मैं? क्वेश्चन बताइए, नहीं तो मां कसम बोल रहा हूं मैं पानी फेंका नहीं, नाम बदल देना मेरे पास, 2-3 बोतल पड़ा है मेरे पास, मैं सीधा सीधा फेंक देता फिर, और तुम जिसके साथ कंप्लेंट करना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे मम्मी पापा है ना, तो मतलब तुम मेरे पास छोड़ देना, तुम याद रखना तुम बहुत रिस्क पे रहोगे, अगर मम्मी पापा को बुला दिया फिर मैं क्या बोलता तुम्हारे बारे में वो तुम सोचो, और तुम्हारे मम्मी पापा टीचर पे बिलीव करेंगे या तुम पे बिलीव करेंगे ये ध्यान रखना, और उसमें टीचर भी अमित, और हम भाई सब, मैं अरे भाई बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा, मैं बता मैं तो, और तुम ये ध्यान रखना, तुमको इतने 4th लेक्चर में तो समझ में आना चाहिए, इनोसेंस कैन बी एट पीक। जब मैं तुम्हारे मम्मी पापा के एक्टिंग स्किल्स रे बहुत तोड़े है। हाँ ओके बताइए मेरे को, मैं होली को उधर क्यों नहीं भेज सकता? रिस्क तो ज्यादा है ये कंफर्म था, लेकिन फिर भी होली को नहीं भेज सकता उधर, क्यों नहीं भेज सकता? हाँ इंडिविजुअली, यस पंडर, परफेक्ट। अगर होली उधर जाके बोलेगा टिकट दिखा, 2 चमाट खा के आएगा, इधर उसने बोला रिसीट दिखा, ओके तुम कुछ नहीं कर सकते,
ओके okay, यानी सबसे पहले मेरे को ये देखना है, मैं कान खुले हैं, मैं किधर ऑथराइज हूं, मैं किधर ऑथराइज हूं. इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट. क्या बोलते हैं? कंट्रोल एनवायरनमेंट. तो मेरे को बताओ, रिस्क असेस करूं या एनवायरनमेंट पहले देखूं? एनवायरनमेंट. तो सबसे पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट, फिर क्या होगा? रिस्क असेसमेंट. फिर ऐसा करता हूं मैं, कंट्रोल एक्टिविटी. वापस आते हैं, सबसे पहला कंट्रोल एनवायरनमेंट, पहले वो एनवायरनमेंट देखो जहां पर अपना ऑथराइजेशन आ सकता है. फिर बाद में क्या करो? रिस्क असेस करो. इधर रिस्क कम है, इधर रिस्क ज्यादा है. जिधर रिस्क ज्यादा है उधर क्या करो? कंट्रोल एक्टिविटी. कंट्रोल काका काका काका. वापस आते हैं, सबसे पहला कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एक्टिविटी. पक्का क्लियर है? ओके okay, आपने एडमिशन ले लिया था पहले दिन ही और आपको मालूम है रिसीट लेके आना है. आपको मालूम ही नहीं पड़ा, बोला ही नहीं किसी ने. ओके okay, काका बोले रिसीट, तुम बोले लाए नहीं बाहर. डोंट यू थिंक सबके सब ऐसे हो गए, हैवोक हो जाएगा? इसीलिए कान खुले, कंट्रोल जैसे ही डाला है, कंट्रोल जैसे ही डाला है, आपको कम्युनिकेट करना जरूरी है कि भाई कंट्रोल है, आपको रिसीट लेके आनी है. यूजर्स मत बी अवेयर अबाउट देयर अकाउंटेबिलिटी, यूजर मत बी अवेयर अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. कैसे मालूम पड़ेगा? कम्युनिकेशन. कैसे मालूम पड़ेगा? कम्युनिकेशन. दैट इज हाउ लैंग्वेज कम्स इनटू पिक्चर. लैंग्वेज, यूजर को कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है. एवरीबॉडी क्लियर? ओके, यानी मेरे को बताओ तुमको क्या कम्युनिकेट करना है? मेरे को कंट्रोल एक्टिविटी. मतलब क्या? काका खड़े रहेंगे, तुमने रोज रिसीट लानी है. एंड लास्ट पॉइंट, मेरे को खाली क्या करना होगा? मॉनिटरिंग, काका रिसीट चेक कर रहे कि नहीं, तो कंट्रोल बरोबर काम करेगा. मालिक समझ में आ रहा कुछ? मेरे को बता, सबसे पहला कंट्रोल एक्टिविटी, कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग. वापस आते हैं, कुछ समझ में आ रहा है? तो कंट्रोल कैसे डाले जाते हैं और कैसे किया जाता है, समझ में आया मालिक? तो सबसे पहले अपन ने क्या देखना? अपना एनवायरनमेंट. फिर उसमें क्या असेस करना? रिस्क. उसके बाद क्या डालना? लेकिन कंट्रोल डालना ही काफी नहीं है, क्या करना जरूरी है? कम्युनिकेट. और कम्युनिकेट करने के बाद मेरे को क्या करना? मॉनिटरिंग करूंगा तो मालूम पड़ेगा कंट्रोल काम कर रहा है कि नहीं. एवरीबॉडी क्लियर? ओके ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझाना. ठीक है, पार्किंग लॉट में डाल दो, इसको बाद में रिक्वायर्ड रहेगा, वापस निकालेंगे. ओके आत्मा, मेरा वापस क्वेश्चन है. ओके मेरे को बताओ कंट्रोल कब डाले? रिस्क होगा. ओके तो अल्टीमेटली डोंट यू थिंक रिस्क विल बी देयर इन एवरी बिजनेस? व्हाट इज द रिस्क, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट आर द रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी, चैप्टर 1, आई टोल्ड यू रिस्क मैनेजमेंट. बट ओके, वन ऑफ द क्वेश्चन विल बी देयर इन ईआरपी वेयर रिस्क एंड कंट्रोल कॉन्सेप्ट कम इनटू पिक्चर. तो अभी जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं इसी के लिंक में थोड़ा कॉन्सेप्टुअली समझिए रिस्क क्या क्या हो सकता है. कुछ कुछ कॉन्सेप्टली ध्यान रखिए, सोच समझ के बताइए. मेरे को बताओ ईआरपी फेलियर कैसे हो सकता है? मैंने जो जो समझाया, जितना समझाया उस केस में से ही बताइए. एक एक एग्जांपल समझाइए. इंप्लीमेंटेशन, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ. एग्जांपल मतलब प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ मतलब क्या? प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिला. यानी कॉन्सेप्चुअली समझिए, यानी रिस्क क्या है? ट्रेनिंग गलत हो गया. तो मेरे को बताओ ओके, इसको मिटिगेट कैसे कर सकता हूँ? मिटिगेट मतलब इसको कंट्रोल क्या डाल सकता हूँ? ट्रेनिंग शुड बी डन बाय माई सेल्फ और एक्सपर्ट्स. कुछ समझ में आ रहा है? ओके अब मेरे को बताओ इसमें पैसा ज्यादा जाएगा या कम जाएगा? तो किसका कमिटमेंट चाहिए? पैसा देने वाला कौन? बजट. बजट कौन अप्रूव करेगा? टॉप मैनेजमेंट. तो डोंट यू थिंक टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए? वन टाइम या कंटिन्यूअस? क्योंकि वन टाइम में आप जब बजट लेके आओगे तो बजट बोलोगे सर 1 करोड़ लगेगा, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में अपने को मालूम ही नहीं कितना टाइम लगेगा. वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज विल बी इंप्लीमेंटेशन ना मालिक. ओके अलॉन्ग विद दिस यू अंडरस्टैंड दो तीन एलिमेंट. ओके बीपीआर इज ऑल्सो ए चैलेंज. एनीबडी हु कैन हेल्प मी आउट वाई? आज सुबह का बताया था रजत के एग्जाम्पल से. मेरे को बताओ बीपीआर करना भी इजी है? रिस्क बीपीआर में भी करना रिस्क है ना? क्यों रिस्क है बीपीआर करना भी? ओके सबसे पहले अपना काम बंद करना पड़ेगा और थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाइए. और एक मैंने क्या बताया था, ये बोल रहा है ये मेरा नहीं है और ये बोल रहा है मेरा नहीं है. ओके डोंट यू थिंक पीपल कॉन्फ्लिक्ट इश्यू कम्स इनटू पिक्चर? देयर आर मेनी एलिमेंट ऑफ रिस्क. 100% एलडीआर क्वेश्चन. आप मई में दो या नवंबर में दो, चांसेस पूरे है कि 2020 में कन्फर्म आएगा. कन्फर्म मतलब कन्फर्म, स्टैम्प पेपर लिख के देता. अब मई में आता या नवंबर में आता उसमें मेरा थोड़ा डाउट है, लेकिन कन्फर्म मतलब कन्फर्म आएगा. रिस्क एंड कंट्रोल फॉर ईआरपी, आई बेट ये फॉर श्योर. ओके ये कॉन्सेप्ट रहेगा. अब सुन लीजिए क्वेश्चन का पॉइंट क्या है. डोंट वरी मैं मार्किंग कर रहा हूं भाई, पर मतलब तुम अपने फ्रेमवर्क में डालिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और तुमको कितना ध्यान से समझना पड़ेगा. ओके तो ये ओवरऑल ईआरपी का कॉन्सेप्ट समझा पक्का मालिक? ओके तो अभी सबकी आत्मा इधर. ओके मेरे को एक बार चार्ट रिकॉल करके बताइए. चैप्टर 2 का चार्ट. चैप्टर 2 के चार्ट में पहला पॉइंट क्या क्या है? चैप्टर 2 में खाली मैंने इन दोनों को पढ़ाया, ये दो बेंच को पढ़ाया करे, सबको पढ़ाया ना मैं.
तो बोलो ना थोड़ा सा, तो थोड़ा तो बोलो ना, कंसेप्ट ऑफ अकाउंट, ईआरपी मॉड्यूल्स, बिजनेस रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग एंड टैक्स कंप्लायंस सॉफ्टवेयर. मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है. ओके, पहला कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में कितनी चीजें थी, नाम, टाइप्स ऑफ डेटा, वाउचर, लेजर, फ्रंट एंड बैक एंड एंड वेज ऑफ यूजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. याद आया मालिक एवरीबडी? ओके, ये पॉइंट है. अब ईआरपी का चार्ट देख लीजिए. ओके, ईआरपी के चार्ट में आप ध्यान रखिए, ईआरपी के चार्ट में क्या है, ईआरपी के चार्ट में पहला है आपके लिए बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी. अगेन ए गुड कैंडिडेट क्वेश्चन. ओके, एलडीआर है, आने की संभावना है. व्हाई एलडीआर? बिकॉज अमेंडमेंट. पुराना बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी और नया बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी में आंसर चेंज है. ओके, कॉन्सेप्चुअली सब सेम था. अब पुराना जो स्टूडेंट बैठा हुआ है उसको भी सेम आंसर था, अभी भी है, बस फर्क इतना हो गया कि अब इसके अंदर मसाला डाल दिया. मसाला मतलब एग्जांपल्स है, पहले खाली स्टेटमेंट फॉर्म में थे, लाइन स्टेटमेंट स्टेटमेंट. ओके, यानी अपना ये आंसर खाली दो मिनट में खत्म हो जाता था. ओके, जरा ठके, अभी थोड़ा सा मेरे मसाला डिस्कस करना पड़ेगा और मसाला को याद रखना पड़ेगा. दैट इज द ओनली डिफरेंस व्हिच इज देयर. तो एलडीआर बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट. अमेंडमेंट मतलब, अमेंडमेंट मतलब, जब मैं अमेंडमेंट बोल रहा हूं इसका मतलब ये कौन से आइटम से एप्लीकेबल है? मई 20. मैंने आपको बताया 30 questions का पॉइंट है भाई, मई 20 से आपको ध्यान रखना होगा. तो मई 20, नवंबर 20, आइदर ऑफ इट, और मई 21, आइदर ऑफ इट अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा भाई. अरे समझ में आएगा मालिक? दूसरा पॉइंट, फीचर्स ऑफ ईआरपी. क्या नाम है मालिक? फीचर्स ऑफ ईआरपी. ओके, ये क्वेश्चन पुराने सिलेबस में एक बार आ चुका है, अमेंडमेंट नहीं है. ओके, अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, मई 18 में ये क्वेश्चन गया था, फीचर्स ऑफ ईआरपी सिस्टम. ओके, इसके बाद आता है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट, आरएनसी. आरएनसी मतलब क्या था, ये क्या था? रिस्क एंड कंट्रोल. रिस्क एंड कंट्रोल कौन से है, क्या क्या रिस्क है ईआरपी को और क्या क्या कंट्रोल है. तो आराम से, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्वेश्चन या बिगेस्ट क्वेश्चन एज सच, लॉन्गेस्ट क्वेश्चन एज सच. लॉन्गेस्ट क्वेश्चन क्यों? क्योंकि रिस्क एंड कंट्रोल में इन लोग ने बोला हम सबसे पहले देखेंगे पीपल का रिस्क. कौन सा रिस्क? पीपल का रिस्क, यानी पीपल के रिलेटेड क्या क्या रिस्क होंगे, पीपल के रिलेटेड क्या क्या रिस्क होंगे. बेस्ट एग्जाम्पल, अभी थोड़ी देर पहले अपने बात की, डोंट यू थिंक ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड? ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड बाय हूम? नॉर्मल पर्सन या एक्सपर्ट्स? ये सब रिस्क है. अभी अपने को एक्सपर्ट रजत मिला, लेकिन वो ही एक्सपर्टाइज, वो एक्सपर्ट है ईआरपी में, लेकिन ही हैज नॉलेज, ही इज हैविंग ए नॉलेज ऑफ एचयूएल इंप्लीमेंटेशन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसमें उसने इंप्लीमेंट किया है. एफएमसीजी कंपनी जो साबुन वाबुन ये सब मैन्युफैक्चरिंग करती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, बजाज मोटर वाला उसको बुलाएगा, एक्सपर्ट है, लेकिन डोंट यू थिंक प्रोजेक्ट स्कोप सब अलग है, रिस्क. तो आपने एक्सपर्ट कौन से बुलाने के, क्या लॉजिक समझ में आ रहा है मालिक? तो इसको कंट्रोल करने के एलिमेंट, तो ये रिस्क पहला होगा पीपल इश्यूज. कौन सा इश्यूज? पीपल. पीपल इश्यूज में अपने को ध्यान रखना होगा भाई क्या क्या एलिमेंट वर्कआउट होगा, क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये देखना होगा. सेकेंड इज प्रोसेस इश्यूज. प्रोसेस. ओके, एंड बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूंगा, इसमें सबसे छोटा आंसर ये प्रोसेस इश्यूज. ओके, बीपीआर. बीपीआर करना आसान या मुश्किल? क्यों समझ में आया? रिस्क है, उसको कैसे कर सकते कंट्रोल, वो अपन डिस्कस करेंगे. तीसरा सिनेरियो विल बी टेक्नोलॉजिकल रिस्क. कौन सा रिस्क? टेक्नोलॉजिकल. ओके, टेक्नोलॉजिकल रिस्क मतलब क्या सर? ओके, सॉफ्टवेयर के रिस्क, सॉफ्टवेयर रिलेटेड रिस्क. मेरे को बताओ, आज सॉफ्टवेयर आपने लिया? यस मैडम. आज आपने सॉफ्टवेयर लिया? ओके, आपने आज सॉफ्टवेयर लिया. ओके, डोंट यू थिंक सॉफ्टवेयर में अपडेट्स आते हैं? ओके, एग्जाम्पल बोल रहा हूं, आज के डेट में अपने को क्या लगता है, वी आर बेस्ट इन टेक्नोलॉजी, लेकिन डोंट यू थिंक अगर अपन आज सोच लिया ऐसा, जो कंपनी एग्जाम्पल एप्पल है, सैमसंग है, सैमसंग ने फोल्ड बना दिया और सैमसंग बोला भाई वी आर बेस्ट इन इंडस्ट्री, खत्म. इसके बाद सैमसंग का विजन खत्म हो जाएगा, सैमसंग अभी कोई प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, एंड डोंट यू थिंक अदर पर्सन विल कम्पीट? ओके, सो डोंट यू थिंक वी आर बेस्ट इन इंडस्ट्री, ऐसा बोलना बेवकूफी होगी. तो मेरे को आज मैंने ये ले लिया, यानी ये ईआरपी है सपोज. ओके, और मेरे को लग रहा है आज मैं बेस्ट है, डू यू थिंक खत्म है लाइफ? ओके, तो इसलिए इसमें अपडेट्स आते रहेंगे ना. वन ऑफ द रिस्क इज आपने अपडेट के ऊपर ध्यान नहीं दिया. वन ऑफ द रिस्क इज ये टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो चुकी. ऑब्सोलेट मतलब अभी इसको कोई सपोर्ट ही नहीं है. ओके, अरे वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, आपने सॉफ्टवेयर खरीद लिया, सैप ले लिया, लेकिन सैप वेंडर बोलता है अभी इसको मैं वर्जन, इसको सपोर्ट नहीं करूंगा. एग्जाम्पल, ओके, टैली सबको पता है, टैली 4.5 वाज द फर्स्ट वर्जन एंड टैली 10th है. अज्यूम करते हैं टैली 10 है, टैली 10, अब मेरे पास टैली 4.5 है, व्हेन यू शुड इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी? नहीं, आंसर मेरा दो, व्हेन यू शुड इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी? व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. मेरे पास टैली 4.5 है, टैली वाला आता है, टैली वाला बोलता है कि भाई ओके टैली 10 आया है, मैं बोला नहीं चाहिए मेरे को, टैली 4.5 पे काम हो रहा है. मैं बोला टैली 10 में फीचर्स क्या है, तो उसने 10 फीचर बताया. मैं बोला ये मेरे को होता ही नहीं है काम,
मेरा टेली 4.5 में जितना काम है उतना काम है, तो शुड आई इन्वेस्ट इन टेली 10 और नॉट? ओके, बट टेली बोलता है, वो वाला वेंडर आके बोलता है, सर टेली 4.5 को सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर कल कुछ करप्ट हो गया डेटा हम रिकवर करके नहीं देंगे. कुछ समझ में आ रहा है? अब मेरे को बता, मेरे को अपडेट करना पड़ेगा ना, इवन इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय बिजनेस. रिस्क. आई डू थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट. देखो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में यही पॉइंट ऐसे देखोगे ना, समझोगे तो कॉन्सेप्ट समझेगा. अब इसको फिर लिंक करेंगे ईआरपी में. यानी आप इमेजिन करो, ईआरपी का सॉफ्टवेयर ले लिया, मैडम ने ईआरपी का सॉफ्टवेयर बेचा ना, सुबह मैंने एग्जांपल में क्या बोला था, मैंने खरीदा सॉफ्टवेयर, याद आया? अब थोड़ा थॉट पर लगाओ, खरीद लिया. ओके, अब मैं अगले साल मैडम आए बोले हमने वर्जन अपग्रेड किया है. वर्जन अपग्रेड मतलब अभी मैंने जो खरीदा वो 10th वर्जन है. अगले साल मैडम लेके आए 12th वर्जन. मैडम ने बोला 12th वर्जन पे अपडेट करो. मैं बोला हमको जरूरत नहीं है 10th वर्जन में. मैंने बोला फीचर्स क्या है? मैडम ने बोला जरूरत नहीं है, मतलब मैडम ने बोला ये फीचर्स है. मैं बोला जरूरत ही नहीं फीचर्स के, तो व्हाई शुड आई अपडेट? ओके, मैडम ने बोला ठीक है आप अपडेट नहीं करोगे, ओके तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम वर्जन 10th को सपोर्ट नहीं करेंगे. यानी कल कुछ प्रॉब्लम आ गया, हमको फोन करते मत बैठना. हमको फोन किया भी कि इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ये चल नहीं रहा है, ये इसमें इश्यूज आए, मालूम है ना? ओके, वो बोलेंगे हम इसको सपोर्ट नहीं करते, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट. टोयोटा फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर है मेरे पास, फॉर्च्यूनर का कॉन्सेप्ट एग्जांपल बोल रहा हूं. फॉर्च्यूनर अपने पास और एक गाड़ी है. ओके, फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर पुराना वाला है. ओके, जो रद्दड़ था, नया वाला वो एकदम हल्का बना है, एकदम वो ऐसा. पर पुराने वाले फॉर्च्यूनर में वो पीछे का एक पीछे का कुछ टूट गया, वो मतलब ठोक दिया. ओके, इसके इधर घुस रहा था, वो घुसते वक्त वो पार्किंग में डालते वक्त पीछे मालूम नहीं पड़ा और वो टूट गया. ओके, गया मैं सर्विस सेंटर में, मैं बोला भाई ये फॉर्च्यूनर ये टूट गया, नया रिप्लेस करो. तो बोला सर अवेलेबल नहीं है. मैंने 50 सेंटर सर्विस सेंटर में 50 मतलब उनके आपस में लिंक करके पता किया, सब जगह अवेलेबल नहीं है. क्यों? फॉर्च्यूनर वाले ने इसका मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया. क्यों बंद कर दिया? क्योंकि इसको आउटडेट करना है, नहीं तो नया वाला चलेगा नहीं ना. कुछ कॉन्सेप्ट आया? ओके, अब डोंट यू थिंक, अभी ये तो मैं चला रहा है, मेरे को चला, वो रद्दड़ गाड़ी इसलिए मेरे को चाहिए रहती है. ओके, बट डोंट यू थिंक अगर मैं दूसरा वर्जन रहेगा और बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, मेरे को कार चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पार्ट्स. सॉफ्टवेयर का रिस्क, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. ये तेरा तीसरा पॉइंट, सबसे ब्लंडर. इसके बाद चौथा होगा इंप्लीमेंटेशन रिस्क. और मेरे ख्याल से तेरे को ये समझाने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम क्या होगा? इंप्लीमेंट करते वक्त दिक्कत क्या आएगी? इंप्लीमेंट करते वक्त कौन मना करेगा? एम्प्लॉय. करना नहीं है, जो उखड़ना उखड़ लो, हम नहीं होने देंगे. क्या करेंगे? हड़ताल. आत्मा समझा? और एक कॉन्सेप्ट होगा, ओके, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिस्क. क्या बोला मैंने? पोस्ट इंप्लीमेंटेशन. एनी आइडिया व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोस्ट इंप्लीमेंटेशन? जो रिस्क आज मेरे पास है शादी होने के बाद. ओके, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिस्क हमेशा एक ही होता है, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट. There is no other risk. Okay, only commitment is required. क्योंकि लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट आपने नहीं दिया तो प्रॉब्लम चालू होंगे ना फिर. इसमें भी यही है, आंसर वही है, वर्डिंग में उधर की बोल रहा हूँ, बस वो अपने आपको अप्लाई कर रहा हूँ. ओके, तो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क. आत्मा समझ में आया? तो हाउ मेनी रिस्क एंड कंट्रोल्स आर देयर इन अवर सिलेबस? 5. ए आत्मा, रिस्क एंड कंट्रोल फॉर ईआरपी करके क्वेश्चन नहीं रहेगा. नहीं, जो जो उड़ गया ठीक है ना, तो हसरा क्या रहे? अरे ठीक है ना भाई. ओके, रिस्क एंड कंट्रोल ईआरपी करके क्वेश्चन नहीं रहेगा भाई. तेरे को 100 अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो छोड़ देना रिस्क एंड कंट्रोल फॉर ईआरपी, क्योंकि इतना सारा आंसर लिखना होगा तो खत्म है कहानी. ओके, देयर विल बी टोटल 5 क्वेश्चंस इन रिस्क एंड कंट्रोल. यानी पॉइंट टू बी नोटेड. ओके, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, रिस्क एंड कंट्रोल इज नॉट थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन 3 इज पीपल रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल, प्रोसेस रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल, टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड रिस्क एंड कंट्रोल, इंप्लीमेंटेशन एंड पोस्ट इंप्लीमेंटेशन. जिसमें से 101% इसमें कोई दम नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है. तो 2 क्वेश्चन आप भूली जाए, मतलब इसमें एक एक पॉइंट रे, इसमें मतलब ये इंडिविजुअली, ये एमसीक्यू रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल रिलेटेड होगा. यानी अपने लिए मेन क्वेश्चन कितने होंगे? 3, उसको रटने होंगे आपको, दैट फॉर श्योर. आत्मा क्लियर है? एंड लास्ट क्वेश्चन जो आएगा, ओके, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑडिट ऑफ ईआरपी. क्या रहेगा मालिक? ऑडिट ऑफ ईआरपी. तो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन ईआरपी? 4. आराम से 5वां और एक सेट बनाऊंगा मैं, लेकिन 4 पहले दिमाग में रखिए. 4 कौन से? सबसे पहला बेनिफिट्स, दूसरा फीचर्स, तीसरा रिस्क एंड कंट्रोल, चौथा ऑडिट. वापस चाहिए, बेनिफिट्स, फीचर्स, रिस्क एंड कंट्रोल. वापस आते हैं, एवरीडे क्लियर मालिक? एंड आखिरी कॉन्सेप्ट विल बी, ओके, लास्ट, थोड़ा सा ध्यान रखना और ये जेनरिक में याद रखना, एक्सेस कंट्रोल. क्या रहेगा मालिक? एक्सेस कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. विल डिस्कस रिलेटेड टू दैट. वो भी ईआरपी रिलेटेड है, लेकिन दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू ईआरपी. आत्मा क्लियर है? ओके, आज जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सब ईआरपी के डायरेक्ट क्वेश्चंस है, डायरेक्ट क्वेश्चंस. कल का जो लेक्चर होगा वो भी ईआरपी पे ही है, लेकिन ईआरपी के मॉड्यूल्स पे है, दे आर नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू ईआरपी.
कल वाले मॉड्यूल्स इन ईआरपी, मॉड्यूल्स मतलब क्या, पार्ट्स। तो ईआरपी के कितने पार्ट्स होंगे, 12 पार्ट है और एक पार्ट का आंसर, पर ईआरपी के मॉड्यूल्स है वो, पर वो डायरेक्ट क्वेश्चन ईआरपी के रिलेटेड नहीं है। ओके, सो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर फॉर ईआरपी? ओके, अभी तो अभी कितना याद रखेगा, 5, जिसमें से 4 इज डायरेक्ट क्वेश्चन, एक ईआरपी के सेट में दिया है उन्होंने सिलेबस में, दैट नीड टू बी कवर्ड। ओके, बेनिफिट्स, फीचर्स, रिस्क एंड कंट्रोल, ऑडिट एंड एक्सेस कंट्रोल। बेनिफिट्स, फीचर्स, एक्सेस कंट्रोल, रिस्क एंड कंट्रोल 5 में, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजिकल, इंप्लीमेंटेशन, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन। इसको मुझे कोई शॉर्ट चाहिए नहीं याद रखने के लिए, डोंट वरी, इट टेक्स ए टाइम, बट लेकिन वापस आते हुए इमेजिनेशन में घुस जाता वो। ओके, तो चैप्टर 2 तेरा आते ही, सबसे पहले अभी आया तेरा कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, क्लियर है मालिक? दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है, ईआरपी। ईआरपी में आती सबसे पहला बेनिफिट्स, दूसरा, तीसरा रिस्क एंड कंट्रोल, चौथा, पांचवा एक्सेस कंट्रोल। रिस्क एंड कंट्रोल में कितने आंसर है, 5, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजिकल, इंप्लीमेंटेशन एंड पोस्ट इंप्लीमेंटेशन। पक्का क्लियर है मालिक? ओके, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ईआरपी का डेफिनेशन बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, डज इट इंक्लूड सेंट्रलाइज डेटाबेस? यस, डज, बाय इंटीग्रेशन इट ऑल्सो क्रिएट सेंट्रलाइज डेटाबेस, कैन दैट डेटाबेस बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम? इसीलिए तो ईआरपी का फायदा है, इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। कैन दैट डेटाबेस बी एक्सेस फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन? वेक, नहीं मतलब वो डेटाबेस सेंटर में जो रखा हुआ है, कैन इट बी एक्सेस फ्रॉम एचआर, मतलब एचआर का टू अदर ऑल्सो? दैट्स द लॉजिक, दिस इज कॉल्ड क्रॉस फंक्शनल। क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस फंक्शनल, एक फंक्शन एचआर, एक फंक्शन अकाउंट्स, इसको हम लोग क्या वर्ड बोलेंगे, क्रॉस फंक्शनल। आत्मा क्लियर है? ओके, तो मेरे को बताओ ईआरपी में क्रॉस फंक्शनल एक्टिविटीज होती है या नहीं होती है? होती है, ईआरपी ऑल्सो फोकस ऑन क्रॉस फंक्शनल एक्टिविटीज। ओके, मेरे को बताओ विच सिस्टम इज प्रिफर्ड, नॉन इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेटेड? इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड में दिक्कत क्या थी, बहुत सारी थी, कल का याद है? ओके, लेकिन अपने बुक में सिर्फ और सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट में कवर किया है, देर इज कम्युनिकेशन गैप, क्या बोला मैंने वर्ड, देर इज ए कम्युनिकेशन गैप एंड देर इज मिसमैच डेटा, देर इज मिसमैच डेटा, ओनली 2 पॉइंट्स, no head masala, nothing, only 2 words remembered. The disadvantage of non-integrated systems are only 2 words, only 2 words, again I'm telling you, only 2 words. और मैं ये revision में भी करने वाला नहीं, एक बार समझा दिया काम खत्म है, MCQ में आया तो देख लेने का बस, और conceptually मैंने कल बहुत अच्छे से समझा इसको। ओके, 2 ही रहेगा, एक होगा communication gap और एक होगा mismatch data. Communication gap समझा, because there is no accountability. ये बोल रहा है मैं, उसने दिया, उसने दिया, उसने दिया, ये क्या हुआ, कम्युनिकेशन गैप। और मिसमैच डेटा समझ में आया, मिसमैच डेटा मतलब क्या, ओके, फिगर्स इसने डाले और मैं दूसरे फिगर्स डाल रहा हूं, देयर इज अ चांसेस ऑफ मिसमैच डेटा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन विच यू नीड टू रिमेंबर इज अबाउट योर बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी। बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी में हेड पॉइंट मसाला है, मैंने आपको बताया एलडीआर क्यों दिया, मैंने एलडीआर इसलिए दिया क्योंकि ये अमेंड किया गया है। वापस याद रखना, कॉन्सेप्चुअली कोई चीज अमेंड नहीं हो सकती ईआरपी में, इट्स ओनली अबाउट द लेंथ ऑफ आंसर व्हिच हैज बीन चेंज्ड एंड द लेंथ ऑफ आंसर नाउ इट इंक्लूड्स हेड पॉइंट एंड मसाला। तो घाई मत कीजिए, थोड़ा सा बड़ा आंसर रहता, मसाले के साथ में थोड़ा सा याद रखना रहता। ओके, आप यहां पर याद रखते जाइए, याद रखते जाइए कीवर्ड्स के साथ में, एंड ऑटोमेटिकली जैसे ही पॉइंट आएगा, जैसे ही अपन चैप्टर एंड करते हैं उस टाइम पे जब करेंगे मार्क्स कर, मार्क करना, हाईलाइट करना, वो देख लेंगे। ओके, वापस मैं बता रहा हूं, आपके हैबिट में मैं मतलब 1-2 दिन तक मैं वो बोलते ही रहता हूं, उसमें कोई चेंज नहीं है, एक बार 3-4 दिन में आप मेरे साथ पूरे प्रोटोकॉल में ढल गए, उसके बाद मेरे को पूरा झिप जाता वो, कितना भी कर लो। ओके, स्ट्रक्चर वाइज आपको ये सारा याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड पॉइंट, याद रखने का तरीका एक ही है, कॉन्सेप्चुअली पहले समझो और कॉन्सेप्चुअली रहना तो उसका फ्लो पूरा याद आएगा। सर आंसर्स बढ़ते जाएंगे, 100% बढ़ते जाएंगे, चैप्टर 2 खत्म होगा, चैप्टर 3 ये खत्म होगा, चैप्टर 4 भी खत्म होगा, चैप्टर 1 होगा, ऐसे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा अपने आंसर्स की क्वांटिटी बढ़ते जाएगी, और ये सिर्फ ईएएस का होगा, फिर ईएएस के साथ में एसएम का होगा, फिर दूसरे सब्जेक्ट्स का होगा, आपके पास एफएम का होगा, फिर इको का होगा, अकाउंट्स का होगा, क्यूमलेटिवली आपने नोट रखना बहुत जरूरी है। ओके, आप खाली ऑन स्पॉट का कंटेंट याद मत रखिए, क्यूमलेटिव कंटेंट को याद रखते जाइए, जितना आप क्यूमलेटिव को कंटेंट को याद रखोगे, ओके, ये पॉइंट आपके लिए रहेगा। दिस इज कॉल्ड स्विच ओवर टेक्निक विच आई ऑलवेज यूज। ओके, अगर तूने मेरे को अभी कोई भी बुक का क्वेश्चन पूछा, मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ कि मैं ये है, ओके, एक कारण ये भी हो सकता है कि आप बोलोगे सर आप 2-3 सब्जेक्ट ही देखते हो, इसके लिए आपका कंटेंट कंट्रोल है, ठीक है, आई एग्री दैट, ओके, आई एम नॉट डिबेटिंग ऑन दैट, ओके, इवन आई एम टीचिंग दिस फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स, ओके, बट वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड इट इज, ओके, आई रिकॉल एवरीथिंग थ्रू ए चार्ट,
I recall everything through a chart. अगर मेरे को किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा ओके तो वो क्वेश्चन पहले कौन से चैप्टर में घुसता वो चार्ट से याद आता फिर वो चार्ट रिकॉल होता वो चार्ट रिकॉल होने के बाद ओके वो चार्ट का रिकॉल का पॉइंट याद आता फिर वो पॉइंट का एग्जाम्पल मेरे को जैसे ही किसी ने पूछा कि भाई पीपल रिलेटेड इशूज ऑफ ERP बताइए तो मेरे को समझ में आता चैप्टर टू ERP तो चैप्टर टू है ERP का पार्ट ERP में घुसा फिर कितने क्वेश्चन थे 5 फिर उसमें आया रिस्क एंड कंट्रोल ये रिस्क एंड कंट्रोल में पीपल फिर इसके आंसर्स और ये जो आंसर है ये तो अपन ने चार्ट ऐसा बना दिया रे ओके जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है जो मेरे को नोट्स में बनाना है वो क्या होगा वो यही होगा ये चार्ट बनेंगे और नीचे चार्ट के नीचे सारे हेड पॉइंट्स आ जाएंगे तुम्हारे तो तुम्हारा एक पर्टिकुलर पूरे पे कहानी खत्म है ना भाई तेरे को किधर क्या रिकॉलिंग का पॉइंट किधर तेरे को एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगने वाला है बस मेक श्योर ओके हेड पॉइंट आई एम नॉट वरीड मसाले पे यू रिमेंबर व्हाट यू नीड टू राइट दैट फॉर श्योर एंड वो हाईलाइटिंग पॉइंट जरूरी रहेगा जब लिखाते मतलब मैं हाईलाइट करूंगा तब मैं हाईलाइट कराते जाऊंगा कि भाई ये वर्ड पे आपने फोकस करना है इसको हाईलाइट करना है बट एट द सेम टाइम तुमने क्लास में इसको याद रखना बहुत जरूरी है बेनिफिट्स ऑफ ERP थोड़ा बड़ा आंसर है ओके आई डोंट थिंक सो यू शुड रिक्वायर ऑल द पॉइंट्स दे हैव मॉडिफाइड इट बट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ रिमेंबरिंग ऑल द पॉइंट्स यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स वंस अगेन बोल रहा हूं मैं यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स बिकॉज ऑफ MCQ You understand all the points because of MCQ. You understand all the points because of MCQ. But while remembering, remember only 5 to 6 points or max to max 8 points, not more than that. Yani aap samjhiye iske andar kitne point hai. 10-11 points hai. Sare points yaad rakhne ki zarurat nahi. Kitna bhi raha to ek question aa sakta hai wo 8 mark ka. Yaad hai? Ek question kitne marks ka aa sakta hai maximum? 8. Uske upar nahi aayega. Aur 8 mark ka aaya to 8 point hai. That's it. Uske upar nahi rahega. Okay, kyunki ye answer head point masala hai. Statement rehta to alag issue hota tha. सबसे पहला डिस्कशन ओके मेरे को बताओ यहां पर इंटीग्रेटेड है या नॉन इंटीग्रेटेड है इंटीग्रेटेड मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं व्हाट इज द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन बेनिफिट्स ऑफ ERP मेरे को बताओ इंटीग्रेशन या नॉन इंटीग्रेशन क्या इंटीग्रेट हुआ है प्रोसेस अगर आपने प्रोसेस इंटीग्रेट किया है तो माय क्वेश्चन इज डोंट यू थिंक इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर आल्सो इंटीग्रेटेड तो पहला आपका एडवांटेज है वर्डिंग्स पे ध्यान रखिए इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन ओके क्या बोला मैंने इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन व्हाई इंफॉर्मेशन इज इंटीग्रेटेड प्लीज अंडरस्टैंड इधर कुछ अपडेट हुआ वो खाली इधर ही होगा या सेंटर में होगा इधर कुछ अपडेट हुआ ये इधर ही होगा खाली सेंटर में होगा इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन यानी याद रखना अपडेट बिटवीन डिपार्टमेंट्स कान खुले अपडेट बिटवीन इज ऑल्सो अपडेटेड इन सेंटर ओके बट अनडाउटफुली मैंने आपको समझाया हुआ रिलेवेंट जो होगा वही होगा मेरे को बताओ ओके याद होगा तो ओके HR का HR में नाम एड्रेस ये सब चाहिए क्या सेंटर में नहीं ओके वो उसके पास ही रहेगा जो सेंटर में चाहिए वो सेंटर में अपडेट होगा बट दैट इज योर फर्स्ट एडवांटेज इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन तो इसके मसले में याद रखना अपडेट इज डन इन विच सेंट्रलाइज डेटा बेस आत्मा क्लियर है रे अरे हाँ या ना ओके मैं सीक्वेंस थोड़ा सा मॉड्यूल का जो दिया हुआ है उसको फॉलो ना करके जो अपने सीक्वेंस अपने कॉन्सेप्चुअल सीक्वेंस है उसको फॉलो करता हूँ तो पहले वो देख लेना तो अपन जब मॉड्यूल देखेंगे तो उसमें करेंगे और उसमें मैं मॉडिफाई करूंगा कुछ ना कुछ इसके लिए मेरे को उसको मॉडिफिकेशन लगेगा दूसरा पॉइंट इधर इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट आएगी या इनएक्यूरेट आएगी और ये मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है आप समझाइए मेरे को कारण क्या था मैंने कल समझा था इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट क्यों होगी मेरे को बताओ ओके यहां पर कितनी बार डेटा एंटर किया जाता है एक बार या देर इज अ डुप्लीकेशन एक बार अगर तेरे को कल का एग्जांपल याद होगा तो एक सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट था वही अपडेट दूसरे सॉफ्टवेयर में भी होता था के अंदर भी चांसेस ऑफ इनएक्यूरेसी यही पॉइंट इधर दिया हुआ है बिकॉज डेटा इज नॉट एंटर्ड अगेन एंड अगेन एग्जाम्पल सुबह का याद है परचेज ऑर्डर कितने जन को लग रहा था नहीं इसने हाँ कर दिया लेकिन लग रहा कितने जन को था दो कौन अकाउंट्स एंड सप्लायर अब इमेजिन करो अगर अलग अलग बनाते हैं तो डोंट यू थिंक डुप्लीकेशन होते थे डुप्लीकेशन के साथ में हो सकते चांसेस ऑफ इनएक्यूरेसी भी ना लेकिन एक बार अपडेट हो गया दोनों जगह ऑटोमेटिकली चला गया आर यू गेटिंग द पॉइंट ओके अब मेरे को बताओ अल्टीमेटली व्हाई वी रिक्वायर इन्फॉर्मेशन फर्स्ट डे डिसीजन मेकिंग तो इन्फॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट एंड इनएक्यूरेट मेरे को बताओ अगर इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है तो डिसीजन मेकिंग भी तोड़ होगा ना तो याद रखना सेकंड पॉइंट में आपको डिसीजन मेकिंग का भी जिक्र किया हुआ है एवरीडे क्लियर मालिक तो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी एंड डिसीजन मेकिंग तो ये पहले दो पॉइंट तुम इन्फॉर्मेशन के बारे में याद रखोगे तो सबसे पहले क्या याद रखोगे इन्फॉर्मेशन इज इंटीग्रेटेड एंड इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट तो याद रखो तो वर्ड पे जा रहा हूं मैं खाली वर्ड पे फिर धीरे धीरे उसको फॉर्मल करेंगे तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड एंड एक्यूरेट पहले दोनों इन्फॉर्मेशन से इंटीग्रेटेड एक्यूरेट नेक्स्ट चारों कॉन्सेप्ट डिलीवरी 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 डिलीवरी
ओके, याद आया कुछ कॉन्सेप्ट डिलीवरी का? सबसे पहला कॉन्सेप्ट, अब थोड़ा सा थॉट में लगाओ, ओके मेरे को बताइए, ओके जब मैं ऑर्डर करता हूं गुड्स और जब मैं रिसीट होते हैं गुड्स, मैं किसको ऑर्डर करूंगा? सप्लायर, और वो रिसीट करेंगे, क्या वो कॉन्सेप्ट, वो टाइम मेरा बचेगा या नहीं बचेगा? कैसे बचेगा? जैसे परचेज ऑर्डर बनेगा, इमीडिएटली सप्लायर के पास जाएगा, आत्मा समझ में आया, और सप्लायर इमीडिएटली मैन्युफैक्चर करके मेरे को भेज सकता है ना, तो डोंट यू थिंक द टाइम इज सेव्ड? इमेजिन अगर ये मल्टीपल ईआरपीज रहे तो, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाइए, मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जा रहा, आप इमेजिन करिए मेरे सप्लायर को पास भी रॉ मटेरियल नहीं है, उसके मतलब उसके पास जो मेरे को चाहिए वो रॉ मटेरियल उसके पास नहीं है, वो भी मैन्युफैक्चर करेगा, तो उसका भी तो सप्लायर होगा। अगर ये मल्टीपल ईआरपीज रहे तो आप थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाइए, आप कितना लीड टाइम बचा सकते। I think you're getting the point. और यही चीज आज के ऑर्गेनाइजेशन में है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन ईआरपी पे ना, वो सामने वाला सप्लायर भी ईआरपी वाला चुनता है। Why supplier are shifting themselves? Supplier are shifting themselves to ERP. The reason is their customers are on ERP. और उस ईआरपी की वजह से ये लोग शिफ्ट करते हैं। तो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट याद रखना, अभी मैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब टाइम पे जा रहा हूं। ओके, तो थर्ड पॉइंट बोलता है लीड टाइम बचेगा। कौन सा टाइम? लीड टाइम, रिड्यूस इन लीड टाइम। और ये लीड टाइम याद रखना ऑर्डर और रिसीट में बचेगा। ऑर्डर और रिसीट, ये ऑर्डर किसको देंगे हम लोग? सप्लायर। और रिसीट किससे आएगा? सप्लायर। मसाले की बात करना, ऑर्डर एंड रिसीट यही लिखना है, गड़बड़ मत करना, नहीं तो लीड टाइम में तुम लिख दोगे डिलीवरी टाइम, मसाला गड़बड़ मत करना। इसलिए तो थोड़ा सा आराम से समझिए एक बार के लिए आंसर। तो सबसे पहला कौन सा टाइम बच रहा मेरा? कौन सा टाइम बच रहा? लीड टाइम। आपको नहीं लगता मेरे को शिपमेंट का टाइम भी बच जाएगा? ओके, मैंने आपको जरा एग्जांपल बताया शिपमेंट का टाइम कैसे बचेगा। शिपमेंट मतलब मेरे इधर से फिनिश गुड्स बन गया है और वो वेयरहाउस से शिपमेंट में जाएगा, कुछ याद आया? ओके, कैसे बचेगा मेरे को बताइए वो टाइम? फिनिश गुड्स, वेयरहाउस, शिपमेंट। ओके, मेरे को बताइए टाइम कैसे बचेगा? मैंने पहले 20 मिनट 7 से लेकर 7:20 तक ज्ञान दिया, बचपन की यादें बताई मैंने, मैंने आपको बताया बचपन जैसे रहे वैसे रहना, तो आई डोंट थिंक सो, मैंने स्टार्टिंग से लोड चालू किया, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद स्टार्ट ऑल्सो, फिर साढ़े मतलब 7:20-7:25 को मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया, जस्ट जेनरिक था, 7:30 को एग्जैक्टली कंटेंट चालू किया, 7:30 को जैसे ही कंटेंट चालू किया, ओके मैंने पहले आधा घंटा पूरा ज्ञान दिया, और वो ज्ञान पूरा रिलेवेंस है जिस वजह से तुमको एग्जाम्पल वाइज समझे। मैं ऐसा चाहता है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि तुमको A to Z आंसर याद आए, पर ये आंसर था थोड़ा ना, था कॉन्सेप्ट था। ओके, और कॉन्सेप्ट में मैंने क्या समझाया था, कैसे समझाया था कि शिपमेंट टाइम अपना बचता। तुमने पहला वाला बरोबर बोला लीड टाइम, यू आर वेरी करेक्ट, क्योंकि तुमने उस टाइम पे ध्यान दिया, तुमने बोला, मैंने बोला लीड टाइम कैसे बचा, सामने वाला, तुमने बोला इधर से परचेज ऑर्डर गया, उधर घुस गया और उधर से वापस आ गया, ये हो गया। अब मेरा कॉन्सेप्ट आता है शिपमेंट का टाइम, ये भी मैंने बताया था 100% बताया था, नहीं तो मैं अभी के अभी मतलब रिकॉर्डिंग निकाल के दिखा सकता हूं, एविडेंस है अपने पास, लॉग्स। ओके, ऐसा है तो मेरे को कोई बताएगा कैसे बच सकता है ये टाइम? वेयरहाउस को अपडेट कहां से आएगा? सेंटर से। कहां से? सेंटर को कौन देगा? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितने दिन पहले बोलेगा? मैंने बोला था अपना प्रोसेस होगा 2 दिन। ऐसा हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन बोले 5 दिन पहले बताओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन बोले 10 दिन पहले बताओ, इट डिपेंड्स ऑन आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो। कोई एक प्रोडक्शन यूनिट है, एग्जाम्पल कार, कार को प्रोडक्शन टाइम लगता है यार महीनों का, तो वो कार में जो इन्फॉर्म करना होगा वो 15 दिन होगा, क्योंकि कार रखने के लिए जगह कितनी चाहिए। लेकिन अगर मेरे फिनिश गुड्स यार ये वो फ्रूटी है, मैं थोड़ा ना बोलूंगा 15 दिन पहले बताओ, बोले मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ है, मैन्युफैक्चर तो होने दे, मैन्युफैक्चरिंग टाइम ही उनका 2 दिन है, तू थोड़ा ना बोलेगा 2 दिन पहले बता। अरे फिर उनको क्या रहता है, उनका टाइम लगेगा, हर एक का प्रोसेस अलग होगा, लेकिन उनको इन्फॉर्म होगा ना, कौन इन्फॉर्म करेगा? प्रोडक्शन किसको करेगा? वेयरहाउस किसको करेगा? शिपमेंट। तीसरा सिनारियो आप ध्यान रखिए, मतलब दूसरा सिनारियो याद रखिए, और मैं टाइम की बात कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट अपना कौन सा टाइम बचता? शिपमेंट टाइम, यानी मेरे को बताइए शिपमेंट अभी ऑन टाइम होगा या डिले होगा? तो याद रखना ऑन टाइम शिपमेंट होगा, और ऊपर में लीड टाइम कम होगा। आत्मा समझ में आया? मेरे को बताइए, और एक बताया था मैंने स्टार्ट, हेलो आज मुझे समझ में आया कि तूने ठीक है बोला, मतलब मेरी जिंदगी में मेरे को ऐसा बहुत ऐसा बैटरी डाउन हो गया और तूने ठीक है बोला, मेरे को कितना मोटिवेशन आया, ऐसा बहुत भारी लगा। किसने बोला? भगवान ने। भगवान, थैंक यू भगवान, मतलब आज मेरे को मालूम पड़ा भगवान का उपकार है मेरे ऊपर,
ऐसा कितना एहसान है भगवान का, ऐसा मतलब क्या जबरदस्त इम्पैक्ट है। मतलब अगर तू ठीक है नहीं बोलता तो शायद मैं बैटरी बदल भी नहीं पाता। तूने ठीक है बोला इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि बैटरी बदलू। इट्स सो सेटिस्फेक्शन मैन थैंक्स मैन ड्यूड आई एम यार व्हाट टू से भगवान यार ड्यूड थैंक्स मैन यू मोटिवेटेड मी। बचा रहे और एक टाइम बचा था, एक स्टार्ट टू एंड का टाइम याद है, साइकिल टाइम, पूरा साइकिल टाइम। साइकिल टाइम इन्वॉल्व्स कहां से, सप्लायर टू कस्टमर, दैट इज कॉल्ड साइकिल टाइम। ओके मेरे को बताओ साइकिल टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, किधर किधर बचा, समझ में आया? अरे उस इन दोनों के पॉइंट की वजह से कम हो गया ना, तो यहां पर साइकिल टाइम कम लगेगा। साइकिल टाइम पर, साइकिल टाइम का मसाला क्या होगा, साइकिल टाइम में क्या लिखोगे, साइकिल टाइम मतलब कहां से, सप्लायर टू कस्टमर, मसाले का ध्यान रखना। और ये तीनों चीज करते वक्त मेरे को बताओ रिसोर्स कैसे यूज कर रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से कर रहा हूं या ओके बकवास वैसे कर रहा हूं, ऑप्टिमम। इसीलिए याद रखना रिसोर्स का यूटिलाइजेशन इज इंप्रूव्ड, रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज इंप्रूव्ड। आत्मा समझ में आया, रिसोर्स यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो गया। ओके व्हेन आई से रिसोर्स यूटिलाइजेशन, वर्ड याद रखना ईई पे फोकस करना, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ओके और इसका मसाला थोड़ा सा लेंदी है जिसमें लिखा हुआ है कि रॉ मटेरियल्स आते हैं, हम इफेक्टिवली मंगाते हैं, एफिशिएंटली मंगाते हैं, कन्वर्जन प्रोसेस होता है, प्रोडक्शन में आने के बाद प्रोडक्शन से अपडेट आता है वेयरहाउस में, यानी अगेन यू नीड टू राइट एवरीथिंग व्हाट यू रिटन इन थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ओके यानी आपका याद रखना ओके जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पॉइंट है ये सब एक जैसे ही है, बस खाली एक एक को अलग अलग कर दिया। पहला क्या था, सप्लायर, दूसरा क्या था, कस्टमर, तीसरा क्या है, पूरा, और इनको यूज करने के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो अच्छे से यूज किए। कुछ समझ में आया मालिक, आराम से। ओके पहला सेट वापस आते हैं पहले सेट पे। ओके पहले सेट पे सोच समझ के बताइए, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, पहला पॉइंट इंफॉर्मेशन, स्टार्ट विद ईआरपी का मेन क्रक्स क्या है, इंफॉर्मेशन मत बोलिए, मेन क्या है, इंटीग्रेट, स्टार्ट विद दैट ओनली ना, इंफॉर्मेशन इज इंटीग्रेटेड, इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट। ओके कौन सा टाइम बचा, लीड टाइम, कौन सा टाइम बचा, शिपमेंट, शिपमेंट डिलीवरी बोलो। ओके और एक कौन सा टाइम बचा, और ये सब के लिए क्या यूज होता, रिसोर्स, कैसे यूज किया, ऑप्टिमली। आती मतलब मालिक पक्का क्लियर है, एवरीबॉडी पक्का? ओके याद रखना क्योंकि रिस्क एंड कंट्रोल में वापस यही पॉइंट्स कुछ ना कुछ रहेंगे, क्योंकि रिस्क एंड कंट्रोल इधर से ही आने वाला है। ओके अगले पॉइंट में सोच समझ के बताइए। ओके मेरे को बताइए दो जन कौन खुश होंगे, अभी अपन खुशी है लेकिन दो जन बहुत खुश हो गए, एक होगा इधर वाला खुश, एक वाला इधर वाला खुश, कस्टमर भी खुश सप्लायर भी खुश। आर यू गेटिंग द पॉइंट माई क्वेश्चन, वाई कस्टमर इज हैप्पी, टाइम पे डिलीवरी, डोंट यू थिंक ही नोइंग एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ ऑर्डर। ओके अब प्रैक्टिकली सोचिए, उसको एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ ऑर्डर मिलना ही सेटिस्फेक्शन है। मेरे को बता डोमिनोज पिज्जा मैंने ऑर्डर किया, आधे घंटे में आ जाएगा, मेरे को क्या मतलब है ओवन में जाने का, ओवन में, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑर्डर डोमिनोज पिज्जा ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑर्डर करना कभी। ओके देखना ऑनलाइन ऑर्डर करोगे ना वो बताएगा अभी ओवन में गया है, ओवन से आया, बोलेगा टॉपिंग हो रहा है, टॉपिंग के बाद पैकिंग हो रहा है ये भी बताते हैं, और पैकिंग होने के बाद अभी डिलीवरी हुई है। ओके क्या है वो बता के क्या कर रहा है अपने को, क्या मतलब आधे घंटे में आने वाला मेरे को मालूम है, लेकिन डोंट यू थिंक इट क्रिएट ए क्यूरियोसिटी बिटवीन द यूजर। अभी पिज्जा हट और डोमिनोज में यही है, डोमिनोज का ऑर्डर करने के बाद अपना खाने का क्यूरियोसिटी बढ़ता है। तुम ये नोट करना कभी, दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी ऑल्सो वर्क। ओके देयर बिजनेस स्ट्रेटजी एंड देयरफॉर फर्स्ट इज कस्टमर इज हैप्पी। ओके तुमने ऑर्डर किया कुछ, आई डोंट नो मतलब हाउ मेनी कस्टमाइज कुछ चीजें बनाते हो क्या, मैं बहुत कस्टमाइज चीजें, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन मतलब मेरा बचपन का ड्रीम था, अपन ऐसे बचपन से बहुत भारी था, ऐसा नहीं था, बचपन से एटीट्यूड बहुत भारी था बचपन में, मतलब कसम से बोल रहा हूँ, मतलब चाइल्डहुड अपना बहुत भारी गया, अपन ने कभी किसी का सुना नहीं, पापा से बहुत मार खाई, बहुत मार खाई, मतलब इतना मारा पापा ने, पापा ने इतना मारा रहेगा, मतलब मैं मतलब लिटरली बता रहा हूँ, मतलब तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हर टाइम ऐसा। 10th 11th तो हमारा पूरा टपोरीगिरी में गया मेरा, पूरा पूरा एकदम ऐसा बहुत भयंकर टपोरीगिरी में गया। 12th के बाद मेरे को एक्टिंग में जाना था, एक्टिंग में एक्चुअली मैं ट्राई, मैं मराठी मूवी में भी छोटा मोटा रोल काम किया, मी तुझा सेट्टी करके, वो एक वर्षा उसगांवकर की मूवी थी, तो उसमें एक एकदम बारीक रोल, एकदम छोटा सा रोल था रे, मतलब फाइल लेके जाके देता, मैडम तुम जैसा डिला अनिल फाइल ऐसा। तो उस टाइम पे ये ऐसा नहीं था, मैं उस टाइम पे 10th में था, तो 10th में कोई हीरो तो बन नहीं सकता ना भाई। ओके अपन बॉडी वॉडी कुछ क्या, तुम समझो तुम क्या था। और वो टाइम पे फिर ऐसा मैं पिक्चर में जाने की सोच रहा था, मेरे बापू ने मना कर दिया सीधा, मेरे बापू ने बोला घर पे रहना है तो भाई पिक्चर छोड़ दे, भूत उतार दे और सीधा सीए बन, मेरी औकात नहीं है।
खत्म हो गया, पढ़ाई का एक पैसे से इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी पढ़ाई किया, भगवान कसम बोल रहा हूँ, मतलब सीए फाउंडेशन मेरे को भी नहीं मालूम कैसे पढ़ा, ओके एक रूम में था ऐसा पढ़ा, मैंने दुबोला भी था उस दिन, ओके और ऐसा ही मेरे को फीलिंग आया कि भगवान ने मुझे पास किया और रैंक में लाया, और इसीलिए सीए इंटरव्यू में भगवान के भरोसे दिया। मेरे को मालूम नहीं था वो पिछली बार भगवान बोले ठीक है मैं दे देता, दूसरी बार लड्डू दिया नहीं, मतलब ऐसा गेम होते गया, ऐसे होते गया। लेकिन इन ऑल दिस, इन ऑल दिस पॉइंट, ओके मेरे बचपन के ड्रीम एक्टिंग करने के भी ड्रीम क्यों थे, ओके देयर आर टू थिंग्स, वन इज फेम, मतलब पैसा है, नाम है, ये सब चीज़ें थी, और दूसरा पॉइंट एक्टिंग करने में मज़ा आता था। तो मतलब वो कॉन्सेप्ट आते गया धीरे धीरे, साइकिल बढ़ते गए, लाइफ निकलते गया, एंड देर आर फ्यू थिंग्स। जब मैं टीचिंग में आया, टीचिंग में 2-3 साल बहुत मुश्किल के थे, उसके बाद 2012 थोड़ा बहुत मुश्किल से गया, आई डोंट थिंक सो, फिर 2013 से मेरी लाइफ रुकी, 2013 वाज लाइफ ड्रामेटिक चेंज होते गया, और उसके बाद चेंज होते गया। मैं कुछ भी कस्टमाइज ऑर्डर करता ना, तो ये सारे ऑर्डर प्रोसेस में मैं तुमको ये समझाता कि क्यूरियोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ह्यूमन बिहेवियर। आपको मैं कुछ समझाता हूँ, मतलब एग्जांपल, मैं कुछ कुछ भी पॉइंट बताता हूँ और मैं बोलता हूँ ये एग्जांपल एक गिफ्ट मिलने वाला है, लेकिन कल मिलने वाला है, ऐसा डोंट थिंक क्यूरियोसिटी पूरा दिन क्या सोचने में जाता, क्या मिलने वाला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एंड दिस इज वॉट द ईआरपी इज यूजिंग इट। ईआरपी सेज वी विल यूज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बिहेवियर ऑफ ह्यूमन दैट इज कॉल्ड क्यूरियोसिटी। ओके आप ऑनलाइन कभी एग्जांपल नाइके शूज ऑर्डर करना ऑनलाइन, ओके कस्टमाइज करके, उसमें आपको आपका नाम वाम सब लिख के देता है नाइके, दूसरे और कोई शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में नहीं है, नाइके इज इनटू दैट, तो आपको नाम, मैं तो अपने शूज में तोड़ वोड़ सब लिखवाता, ओके ऐसे ये सब लिख के देता, वो सब कस्टमाइज करके देता नाइके वाला, ओके वो आपको पूरा बताएगा अभी शूज ये हो रहा है, फिर उसके ऊपर ये हो रहा है, उसके पास ये एम्ब्रॉसिंग हो रहा है, ये पूरा बताता और फोटो भेजते रहता। इमेजिन करो क्या सेटिस्फेक्शन आता, शूज आया नहीं हाथ में, पैसा ले चुका है, पर डोंट यू थिंक ये अगला शूज खरीदने का मौका दे रहा है मेरे को, क्योंकि वो मेरे को प्रोसेस बता रहा है कि ऐसा ऐसा हमारा होता है। ओके ईआरपी का सबसे बड़ा फायदा, कस्टमर को जो उसका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है उसी को एक्सप्लॉइट करो, एंड दैट इज व्हाट दे आर सेइंग वी आर फोकसिंग ऑन। 7th and 8th याद रखना, मैं भी शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, CRM एंड SCM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हम क्या करेंगे, कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे और एट द सेम टाइम किसको और एक सेटिस्फाई करेंगे, सप्लायर। मेरे को बताओ सप्लायर को सेटिस्फाई कैसे हुआ, कस्टमर का तो सबको समझ में आ गया, कस्टमर का मेरे को समझाने की जरूरत नहीं ना, मसाला समझा क्या, एक ही मसाला याद रखिए, एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ ऑर्डर, खत्म है स्टोरी। ओके वो क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है, उन्होंने पूरा मसाला में लिखा है, वो कस्टमर को ऐसा करते अपन, ऐसा ये होता वो होता, ठीक है भाई वो समझ में आ जाता, लेकिन लॉजिकली इट इज अबाउट क्यूरियोसिटी। ओके सप्लायर कैसे खुश होता है, सप्लायर कैसे मैनेज होता है, टाइम पे ऑर्डर मिलना तुम्हारे लिए खुशी का टाइम है और वो अपन ने लिख दिया है, ये देखो ओके टाइम पे ऑर्डर आना, ये पॉइंट हो गया ना भाई। ओके सप्लायर क्यों खुश होगा, टाइम पे पेमेंट जाएगा, पेमेंट कैसे जाएगा मेरे को बताओ अभी। अरे दिमाग लगा सकते हो अभी आप, मेरे को बताओ तो सही कैसे जाएगा वो परचेज इनवॉइस, ईमेल किसको करेगा, परचेज इनवॉइस किसको ईमेल करेगा, अकाउंट्स को किधर ईमेल करेगा, वो किसके साथ इंटर कर रहा है, परचेज। वो जैसे ही ईमेल करेगा अपना सिस्टम ऐसा होगा, जैसे ही इसको ईमेल मिलेगा द सेम ईमेल विल बी रिसीव्ड बाय होम, अकाउंट्स को समझ में आ रहा मालिक, और वो अकाउंट्स उसी टाइम पे अपडेट होगा क्योंकि उसके प्रोसेस वैसे डिफाइन हो गए, क्योंकि हम आपको डायरेक्टली सिस्टम के थ्रू दे रहे हैं, एंड जितना ऑन टाइम पेमेंट होगा डोंट यू थिंक ओके अल्टीमेटली अपना ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, वो सप्लायर और खुश होगा बिजनेस करने के लिए हमारे साथ में। सेकंड पॉइंट वही है, तो देयर इज टू थिंग्स, वन इज याद रखना, वन इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मैंने उसको सीआरएम क्योंकि आपको वर्ड समझाना था, ये वर्ड है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जबरदस्त होता है रे भाई, और यहां पर सप्लायर का परफॉर्मेंस तोड़ हो जाता है, सप्लायर क्यों परफॉर्म करने लगता है रे, अरे टाइम पे पैसा मिल रहा है उसको, और तुम उसको ऑर्डर बार बार दोगे ना, फिर क्यों बार बार दोगे, जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, दैट्स हाउ थिंग्स वर्क्स। तो नेक्स्ट दो पॉइंट, लेकिन दो वर्ड और एक याद रहने चाहिए तेरे दिमाग में, सीआरएम एंड एससीएम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरएम, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, एंड एससीएम सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मसाले में जाएगा वो, लेकिन हेड पॉइंट होगा बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड इंप्रूव्ड सप्लायर परफॉर्मेंस। तो कस्टमर सप्लायर, मेरे ख्याल से तो ये पॉइंट, इधर 8 पॉइंट में दिक्कत नहीं मालिक, पक्का 8 पॉइंट मेरे को फटाफट बता। सबसे पहले इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट, कोई तो टाइम बचा, लीड टाइम बचा, शिपमेंट टाइम पे हुआ, साइकिल टाइम बचा, ये सबके लिए रिसोर्स बरोबर यूज हुआ, एवरीडे क्लियर मालिक। और दो, कस्टमर खुश सप्लायर खुश, ओके तो अब क्या बोलेंगे, कस्टमर खुश सप्लायर का परफॉर्मेंस बेटर, एवरीडे क्लियर मालिक, पक्का ओके। कैन वी कस्टमाइज ईआरपी,
कैन वी कस्टमाइज ईआरपी? एग्जाम्पल ऑफ कस्टमाइजेशन ऑफ ईआरपी. ईआरपी कस्टमाइज करना मतलब क्या? एग्जाम्पल दो कर सकते हैं, तीन कर सकते हैं, चार कर सकते. एवरीबडी ओके? यानी फ्लेक्सिबल या रिजिड? फ्लेक्सिबिलिटी नो इशू. ओके, तुमको जैसा चाहिए वैसा है. ओके, मेरे को बताओ ईआरपी आया, कैन वन डिपार्टमेंट इंटरेक्ट विद अदर? अगर मैंने ईआरपी डाला, कैन वन डिपार्टमेंट इंटरेक्ट विद अदर? पक्का? ओके, यानी मेरे को बताओ पुराना नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में डिपार्टमेंट बैरियर्स थे. डिपार्टमेंट क्या थे? बैरियर्स. अब मेरे को बताओ डिपार्टमेंट बैरियर्स है या क्रॉस फंक्शनल काम कर रहे हैं? फ्लेक्सिबिलिटी के मसाले. तो फ्लेक्सिबिलिटी के मसाले में दो चीज याद रखना, तुमको जैसा चाहिए वैसा ईआरपी डालो और डिपार्टमेंट बैरियर्स नहीं है, निकल चुके. आत्मा क्लियर है? फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ. ओके, मेरे ख्याल से एवरीडी कुछ समझ में आ रहा ना मालिक? ओके, वापस बोल रहा हूं, ये अगले पॉइंट मेरे हिसाब से जो पॉइंट याद रखने चाहिए या जो मैं पहले पढ़ाता था, जैसे 8 पॉइंट याद रखो बस हो गया आंसर लिखने के हिसाब से. बाकी पॉइंट क्यों समझो? एमसीक्यू बस ये है. मैं ऐसे ही समझा था. ओके, जितने पॉइंट है 12 के 12 पॉइंट तेरे को लिखने की जरूरत नहीं भाई, फालतू में टाइम वेस्ट मत करना. यू विल नॉट बी गेटिंग 12 पॉइंट लिखने के बाद तेरे को ऐसा लग रहा है कि 7 मिलने की जगह 8 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होएगा. जितने जैसा कॉन्सेप्ट है वैसा ही कॉन्सेप्ट है. और ये लोग हमेशा ऐसे करेंगे, राइट एनी 6 पॉइंट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी एंड दिस इज व्हाट मतलब जैसे ही आ जाएगा जिस दिन मैं लास्ट डे मैं पुराने पेपर को डिस्कस करूंगा तब तुम देख लेना उसके अंदर वही रहेगा तुमको, तब तुमको समझ में आ जाएगा. एंड अगर उन्होंने 5 मांगे और तुमने 6 लिखे, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तुमने उन्होंने 5 मांगे और तुमने 6 लिखे, अपने को ऐसा लगता ओके आई डोंट नो मतलब ये तुमको पता है कि नहीं, अगर उन्होंने 5 मांगे और तुमने 6 लिखे, पहले 5 ही चेक किए जाएंगे. अगर उसमें 3rd रॉन्ग भी है और 6th करेक्ट भी है तो भी 6th को चेक नहीं किया जाएगा, पहले 5 ही चेक किए जाएंगे, 6th वाला अनचेक्ड रहेगा. मेक श्योर इफ दे हैव टोल्ड राइट एनी 2 द मार्क्स विल बी अवेडेड टू 1st 2, बेटर 2 नहीं. मालिक समझ में आया? ये मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है ना, तो याद रखना. तो इसका मतलब अपने को उतना ही चाहिए जितना कंटेंट रखना है. तो आप आगे का कॉन्सेप्ट खाली कॉन्सेप्चुअली एमसीक्यू के लिए समझो, बाकी पहले 8 पॉइंट बहुत इजी है वो याद आ जाते. आत्मा क्लियर है एवरीबडी? ओके, मेरे को बताओ क्वालिटी मेंटेन होगी या उड़ जाएगी? सर टाइम तो कम लग रहा ना, प्रोडक्शन क्वालिटी को इम्पैक्ट करके टाइम कम नहीं लग रहा है. जिधर जिधर हमारा डिलीवरी अदर थिंग्स था वो बचा रहे ना हम लोग, तो क्वालिटी वही है लेकिन कॉस्ट कम है. तो मेरे को बताओ डोंट यू थिंक यू हैव रिड्यूस द क्वालिटी कॉस्ट? रिड्यूस द क्वालिटी कॉस्ट. तो ये लोग बताते हैं कि प्रोडक्शन हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, ओके हम लोग डिलीवरी टाइम्स बचा रहे हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी का डेज जो बच रहा है जिसकी वजह से हमारी वही क्वालिटी कम दिन में आ रही है. मसाला समझ में आया मालिक? तो रिड्यूस क्वालिटी कॉस्ट, रिड्यूस क्वालिटी कॉस्ट. एवरीबडी क्लियर मालिक? अब मेरे को बताओ सब कुछ क्या था? ये इंटीग्रेटेड. अब मेरे को बताओ सारी इंफॉर्मेशन एक जगह है? ओके, डू वी डू क्या हमने प्लानिंग करनी चाहिए फ्यूचर के लिए? ओके, ठीक है. एग्जांपल कल का ही रिकॉल करो, तुमको वो तुम रिकॉल किए बना. मेरे को बताओ मीत को मैंने कल क्या बोला था क्या बनाने के लिए? अकाउंट्स का डिपार्टमेंट का हेड है, क्या बनाने बोला था? प्रोजेक्टेड फिगर. प्रोजेक्टेड फिगर के लिए उसको इन्फॉर्मेशन के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा था ना. अब मेरे को बताओ भटकना पड़ेगा क्या? यानी मेरे को बताओ क्या प्लानिंग हम लोग आराम से कर सकते हैं? क्या एनालिसिस हम लोग आराम से कर सकते हैं? बेटर प्लानिंग एंड एनालिसिस. ओके, प्रोजेक्टेड फिगर्स के लिए इन्फॉर्मेशन किधर शेयर है अभी? सेंटर में. तो डज ही नीड टू गो टू डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट? तो इन्फॉर्मेशन विल बी एक्यूरेट और इनएक्यूरेट? स्टोरी खत्म है. तो अगला पॉइंट याद रखना, प्लानिंग एंड एनालिसिस कैपेबिलिटी बढ़ जाती है. बेटर प्लानिंग एंड एनालिसिस. ओके, मैं आराम से जा रहा हूं भाई, कहीं पर भी घाई नहीं कर रहा, पर तुम मसाले के ऊपर फोकस करते रहो. ओके, आई एम टेकिंग ओन टाइम, स्वीट टाइम, आराम से, लेकिन तुम कॉन्सेप्टली ध्यान में रखना. ओके, बेटर प्लानिंग एंड कैपेबिलिटी कैसे करता है? एंड लास्ट पॉइंट मेरे को बताओ, ईआरपी जब इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास पुराना सॉफ्टवेयर यूज करने का मौका होगा या नया लेना पड़ेगा? पुराना क्यों यूज करोगे? पुराना मेरे को बताओ, पुराने का एग्जाम्पल मेरे को बताओ. 3 डिपार्टमेंट अलग अलग थे जब नॉन इंटीग्रेटेड थे, मैं कसम नॉन इंटीग्रेटेड थे, 3 डिपार्टमेंट अलग अलग थे. ओके, तो तीनों डिपार्टमेंट में सेम सॉफ्टवेयर था या अलग अलग? क्यों, तीनों अपना अपना था ना. अब मेरे को बताओ जब इंटीग्रेट हो गया वो पुराना सॉफ्टवेयर काम आएगा क्या? नहीं. ओके, नया टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, यानी हम क्या करेंगे ईआरपी में? हमेशा ओके अपडेटेड. ओके, एंड इसीलिए याद रखना यहां पर हमेशा हम लोग विल अपडेट टू विच टेक्नोलॉजी? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. ओके, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, 9, 10, 11, 12. ओके, आप मेरे हिसाब से मसाले पे ज्यादा ध्यान मत देना. ओके, मसाला इग्नोर करना. रिवाइज करते वक्त अपन 12 के 12 पॉइंट देखेंगे, लेकिन 9, 10, 11, 12 में आप टाइम स्पेंड मत करना.
ओके आपने पहले 8 में टाइम स्पेंड कर लिए, ओके वो काम खत्म हो जाता, दैट्स इट एवरीडे के लिए मालिक। लास्ट चार मैं बोल रहा हूँ, लास्ट चार क्या क्या है, सबसे पहला फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट समझा, ओके सेकंड पॉइंट अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा क्वालिटी कॉस्ट, क्वालिटी वही रहेगी लेकिन क्वालिटी कॉस्ट कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट प्लानिंग जबरदस्त हो सकता है और टेक्नोलॉजी अपने यूज होगी। तो चार चीजें क्या क्या है, लास्ट की चार चीजें, सबसे पहला परफेक्ट, ओके सेकंड पॉइंट क्वालिटी, तीसरा पॉइंट प्लानिंग, वर्ड पे जा रहा प्लानिंग, एंड लास्ट पॉइंट क्या होगा अपने लिए, टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ओके व्हाट आर द 12 एडवांटेजेस ऑफ ईआरपी सिस्टम्स, आराम से, पहले दो, इंटीग्रेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट, लीड टाइम, शिपमेंट टाइम पे हो रहा है, साइकिल टाइम बच रहा है, रिसोर्स अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है, एवरीडे के लिए मालिक। और नेक्स्ट दो पॉइंट, कस्टमर खुश है, सप्लायर का परफॉर्मेंस अच्छा है, और नेक्स्ट चार पॉइंट फ्लेक्सीबल है, ओके क्वालिटी कम कॉस्ट में मिल रही है, प्लानिंग अच्छे से हो रही है, एंड लास्ट पॉइंट टेक्नोलॉजी अपन यूज कर रहे हैं। आत्मा क्लियर है, कॉन्सेप्टली पक्का समझा, मैं वापस बोल रहा हूँ, सेम चीज बता रहा हूँ, ओके 8 मसाले पे आपने याद रखने का, ओके बाकी 4 के मसाले अभी आपको जो कंफर्ट जोन आ रहा है वो करिए, आपको जो कंफर्ट आ रहा है, लेकिन यू विल बी डूइंग हार्ड वर्क विच इज ऑफ नो यूज, ओके तो मेरे हिसाब से जो इजीली याद आते हैं ना 8 पॉइंट, अगर क्वेश्चन आया बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी तो 8 पॉइंट कौन से है, वो स्टार्टिंग के 8 पॉइंट बहुत ईजी है, ओके इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन, टाइम टाइम टाइम, रिसोर्स, कस्टमर, सप्लायर, स्टोरी ओवर, समझा क्या मालिक, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट, लीड टाइम, शिपमेंट टाइम, साइकिल टाइम, रिसोर्स, कस्टमर, सप्लायर, 8 पॉइंट आत्मा क्लियर एवरीबडी, ओके परफेक्ट। आई डू थिंक मेरे ख्याल से इधर तक दिक्कत नहीं किसी को, पक्का, ओके तो अगर तुम्हारा सही है पॉइंट, ओके एनीबडी हु कैन टेल मी, ओके मुझे ईआरपी करना मतलब सारे के सारे पूरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करना है या खाली दो भी इंटीग्रेट किया तो चलेगा? तो अब समझ कुछ करो, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ईआरपी सिस्टम, ओके एक बार आ चुका है, मई 18 में एक क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक सो रिपीट होएगा ये, क्योंकि ईआरपी का मैंने आपको बता दिया, एलडीआर है ना आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है, 101% श्योर शॉट, ओके आपके अगले अटेम्प्ट में, नहीं तो उसके अगले अटेम्प्ट में, कौन सा क्वेश्चन, रिस्क एंड, और हो सकता है दोनों अटेम्प्ट में वापस आ जाए, चांसेस पूरा पूरा पूरा, मतलब हार्डकोर बोल रहा, हार्डकोर मतलब ये तो जजमेंट तोड़ है, ये तो क्लियर है, ओके पर ये है कि फीचर्स वाला क्वेश्चन एक है, फीचर्स वाले क्वेश्चन बिना आपने ज्यादा दिमाग फोड़ी नहीं करने की, लेकिन फीचर्स जब मैं समझा रहा हूं ना तो कुछ चीजें मैं थोड़ी सी मंडे की समझाऊंगा, ओके मंडे को समझाऊंगा नहीं, मंडे की अभी समझाऊंगा, फीचर समझाते ऐसा है, ओके और भूख वूक लगी रहती है, भूख वूक लग जाती है 9 बजे कभी कभी लग जाती है, तो हाँ नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को मालूम है ना, शक्ल से मालूम पड़ता तो भाई थोड़ा कंट्रोल करने का, कंट्रोल मैकेनिज्म करने का, क्योंकि अगर वो तुमने क्या मेरा क्या कंटेंट का मैंने लॉजिक बरोबर सेट किया, वो सेट लॉजिक सेट में होने दो, क्योंकि क्या है, दिस इज आई एम टेलिंग यू, मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम विच आई एम एंजॉइंग दिस वन, अदरवाइज क्या होता था, हर टाइम ना टाइम के रेस्ट्रिक्शंस होते थे मेरे को, जितनी बार भी टाइम का रेस्ट्रिक्शन मिले, विनोद सर जब मेरा डिस्कशन हुआ एंड आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज पहले भी मैं यही बोलता था कि मेरे को ईआईएस ऐसा नहीं होता कि यार तुम मतलब 2.5 घंटे में, आप इमेजिन करो 2.5 घंटा मिलता था और जब तक मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं तब तक खत कहानी खत्म होती और अगले दिन वापस चालू करना तो कॉन्सेप्ट समझाना पड़ता था, एंड आई रिक्वायर मतलब ये इसको ऐसा इतना टाइम चाहिए मेरे को, 2.5-3 घंटा मेरे को अच्छे से दो, वो कॉन्सेप्ट होता और पूरे दिन में वो दूसरा टाइम बैठ नहीं रहा था, तो मॉर्निंग का टाइम, और मॉर्निंग का टाइम वैसे भी मेरे लिए सुखद अनुभव है, आई एम वेरी हैप्पी, मतलब ऐसा पॉइंट रहता तो, पर बस इसमें मेरे को यही मालूम था जब सर डिस्कशन कर रहे थे, बोले जुल्म होएगा बच्चे लोग पे, मतलब ऐसा वो किसका, तो मतलब ठीक है सर थोड़ा सा अभी जुल्म सह लेंगे, लेकिन जुल्म के साथ में अभी क्या मतलब ऐसा, तो देखना भाई, ओके मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई कुछ एक भी 25-30 दिन जो भी रहे तब तक है ना थोड़ा पेट वेट को कंट्रोल कर लेना, तुम ऐसा तुम कुछ खा के आना, नहीं बद्दुआ मत देना मतलब खाने का, मतलब ऐसा कोई 2-4 जन बैठे होंगे उधर से, साले तातेड़ कीड़े पड़े तेरे को, भूख लगी है, ऐसा भूख लगा है वो, मतलब अरे नहीं वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता, बद्दुआ का इम्पैक्ट साला किधर ना किधर चला जाता और साला उसके बाद ना मेरे को खाने को नहीं मिलता, क्योंकि मैंने तने को खाने से रोका ना, कल वैसे ही हुआ, ओके कल वैसे ही हुआ, किसी ने तो बद्दुआ दी होगी मेरे को और उस चक्कर अचानक मालूम नहीं ये दांत क्या पता अपने आप टूट गया, लेफ्ट साइड वाला दांत ही नहीं है, इधर नीचे सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे जाके खा नाश्ता करने गया, नाश्ता करके वो एक कैप था, कैप ही निकल गया, गायब ही है, तो वो बोला भाई आज के आज तो कुछ हो नहीं सकता, 2-3 क्लिनिक में गया, बोला इमीडिएटली कुछ करके दे, और वो ये साइड से कुछ खाने को ही नहीं आ रहा है, तो कल से मैं लिक्विड पे हूँ, तो ऐसा मेरे को बहुत ऐसा दुख हो रहा था कि मैंने किसी ना किसी की आत्मा दुखाई होगी, तो इसीलिए मैं आज सोच के रखा था कि 9 बजे बोल दूंगा, भाई और बहनों प्लीज मुझे माफ करना, जो जो हावड़े है वो हावड़े लोगों को आधे घंटे के लिए किसी ने बोला ही होगा कल तो बहुत एक हाथ जन को भूख बहुत लगी होगी और इसने बोला होगा तातेड़ कीड़े पड़े साले तेरे को,
बहुत कसम से नहीं, ऐसा अचानक थोड़ा होता है यार, ऐसा कुछ ऐसा थोड़ा होता है। किसने किसने मीत तूने बोला क्या? जय तेरे को नाश्ते की जरूरत है? तेरे को ऐसा नहीं लगता तू सुबह जाके हवा ऑक्सीजन ले लिया काम खत्म है? नाश्ते की जरूरत होनी चाहिए रे ऐसा। ए, मजाक कर रहा हूं भाई, मेरे को मालूम नहीं। अरे भाई बिल्डर विल्डर अंदर से निकला है सर, वो ऐसा पोपा है द सिलर मैन के पालक खाएगा। ऐसा रहता ऐसा रहता, नाश्ते की जरूरत ऐसा, वो लास्ट बेंच पे वो नाश्ते की जरूरत रहती उसको, ऐसा देख देख के ये है नाश्ते का, ऐसा देख देख के नाश्ते का जरूरत मालूम पड़ता। बाकी तो क्या है, बाकी तो ऐसा दो चार जन तो सिर्फ मेरे को तो लगता है कि भाई दो चार जन मिले मैं ऐसा, मोदी जी तुम भी मोदी जी जैकेट पहन के बढ़ते ओके ऐसा मतलब फिजिक्स में नहीं करता, पर लेकिन ठीक है भाई है तो है। और ऐसा ऐसा आप सोचो मत सर, ऐसा क्या मजाक उड़ाते भाई, मैं मोटा तो मैं रितिका को भी समझाता, रितिका इस थोड़ी हेल्दी इसमें मतलब 8 साल की, तो उसको बहुत ऐसे चिढ़ाती है कि उसके दोस्त लोग बुलाते हैं कितनी मोटी है, मैं बोला बोलने का ना तू पतला है। मैं तो उसको ऐसे बोलता हूँ क्या है तो है भाई, और उसको क्या वो मेरे जैसी अपने को वॉकिंग नहीं जमता, मतलब इवन सीढ़ी चढ़ना बोला ना मेरी जान नहीं, मतलब खत्म हो जाता मेरा ओके। ये 2011 तक आई वॉज वेरी एक्टिव विथ माई हेल्थ एंड अदर थिंग, उसके बाद गया थे लेने ओके। अभी लिफ्ट मिलती तो लिफ्ट, सुबह तो लिफ्ट को गालियाँ देता मैं, इसलिए प्रशांत सर अभी ये साइड से लेके आते, वो लिफ्ट दिखती चालू दिखती पर आती नहीं नीचे, मतलब समझ में नहीं आता क्या है, तो दो चार गाली दे के निकलता मैं, परसों तो दिया मतलब ऐसा। फिर उसके बाद प्रशांत सर बोले चल रहे भाई इधर से चल भाई, और वो लेके आते पैदल, इतना पैदल। तो रितिका को भी नहीं जमता, रितिका को फिजिकल एक्टिविटी, और उसके स्कूल में ग्राउंड ही नहीं है, मुंबई में ग्राउंड इज मतलब बोला ना मुंबई में लैकिंग, ग्राउंड ही नहीं होता हमारे स्कूल में, हमारे स्कूल में तो ग्राउंड नहीं है, तो फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स कुछ नहीं होता, पीटी होता है, खत्म हो गया पीटी, पीटी का कोई लेना देना नहीं है। तो हमारी बेटी को क्या है भाई, फिजिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना है, हमारी बेटी एकदम तोड़ है, और खाने में चिप्स तो चाहिए चाहिए, और पॉपकॉर्न मतलब ये मतलब वो थिएटर में जाने का कारण होता है पॉपकॉर्न ओके तो जिसको जिसको भूख लगी होगी ना प्लीज तुम कंट्रोल करो, जिसको जिसको लगी नहीं होगी बहुत अच्छे इंसान हो ओके लेकिन याद रखना मेरे को ऐसा समझ में आता है कि सबको लगी हुई है, क्योंकि सबकी शक्ल से मालूम पड़ता है ओके कंट्रोल करिए ओके। फीचर्स ऑफ ईआरपी में कहानी क्या है, फीचर्स ऑफ ईआरपी में ओके माय क्वेश्चन इज कस्टमाइज कर सकते ईआरपी को कि नहीं, हाँ या ना ओके जब मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ, इसीलिए वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है कोई भी ईआरपी में आपको एग्जैक्ट फीचर बता नहीं सकते, फीचर्स डिपेंड ऑन कस्टमाइजेशन टू कस्टमाइजेशन। अब जितना पूरा ईआरपी किया तो उसके फीचर्स अलग होंगे, आपने दो डिपार्टमेंट इंटीग्रेट किया तो उसके फीचर्स आपको अलग मिलेंगे, तीन डिपार्टमेंट इंटीग्रेट किया तो फीचर्स अलग मिलेंगे, चार डिपार्टमेंट, आप जितना इंटीग्रेशन करोगे उतना इंटीग्रेशन के फीचर्स अलग होंगे। इसीलिए ईआरपी जब समझाता है तो बोलता है मेरे पास एग्जैक्ट फीचर्स नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन विच डिपार्टमेंट यू इंटीग्रेट। इसीलिए आपका स्टार्टिंग फीचर्स का स्टार्टिंग का मसाला आपको यही लिखना है ओके, स्टार्टिंग का पहला मसाला यही लिखना है, देयर इज नो एग्जैक्ट फीचर्स ऑफ ईआरपी सिस्टम। व्हाई? बिकॉज ईआरपी इज कस्टमाइज्ड, क्योंकि ये कस्टमाइज होता है तो आपको एग्जैक्टली सारे फीचर्स बताना मुश्किल है, लेकिन हम लोग ये देख सकते हैं कि कितना डिपार्टमेंट कितने एक्सटेंट तक कस्टमाइज होता है, उसके हिसाब से उसके क्या आते हैं फीचर्स, और वो फीचर्स के हिसाब से हम लोग आगे देख सकते हैं। तो सर आगे उन्होंने टोटल पॉइंट दिए हुए हैं ओके, ये सारे पॉइंट्स में क्या लिखा है सर उन्होंने, ये सारे पॉइंट्स में दे हैव रिटन विच डिपार्टमेंट कैन बी इंटीग्रेटेड, और जितना इंटीग्रेट करोगे उसके फीचर्स आपको आते जाएंगे। सबसे पहला डिपार्टमेंट ओके, हमने कौन से लिए नाम बताइए ओके, पहला कल कौन सा लिया नाम, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, दूसरा कौन सा था रे एचआर, तीसरा खत्म हो गया, पहले तीन हेड पॉइंट मसाला क्लियर है, और पहले तीन हेड पॉइंट मसाले में क्या मालूम क्या है, मसाले में कुछ भी नहीं है, एक एक दो दो लाइन का मसाला है जिसमें वो डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है वो लिखना है ओके। मेरे को बताओ फाइनेंस एंड अकाउंट में ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट सब बनते हैं ओके, डोंट यू थिंक एनपीवी मतलब आएगा वर्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू ओके, ये सारा कैलकुलेट करना, प्रोजेक्टेड सिस्टम्स कैलकुलेट करना, ये सारा मिलता है मालिक ओके। सेकंड पॉइंट मेरे को बताओ एचआर में क्या क्या एक्टिविटी होती है, सैलरी पेरोल बेनिफिट्स बोनस कंपनसेशन एक्सेट्रा, मसाला खत्म। ये क्या बोलते हैं, तुम कितना इंटीग्रेट करते हो उसके ऊपर तुम्हारा फीचर्स आने वाला है ना रे, हम बता ही नहीं सकते, बस दैट्स इट, दैट्स हाउ मसाला कम्स इनटू पिक्चर। थर्ड प्रोडक्शन में भी तेरा सिनेरियो वैसे ही है, प्रोडक्शन में जो जो एक्टिविटी तू आता है वो आता है, रॉ मटेरियल कन्वर्जन इनटू डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड्स, ये सारी एक्टिविटी प्रोडक्शन के रिलेटेड रहती है ओके। दो और नाम तेरे को दिए मैंने,
CRM एंड SCM, मेरे को बता CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, थॉट प्रोसेस लगा के बता CRM में क्या क्या होता होगा, कस्टमर को एग्जैक्ट स्टेटस मिलना, कस्टमर का ऑनलाइन पेमेंट लेना, कस्टमर को डिलीवरी टाइम पे करना, कस्टमर को क्वालिटी इंस्पेक्ट करना, कस्टमर का फीडबैक भी तो लेते होंगे ना, सारा का सारा पॉइंट है. डोंट यू थिंक यही कस्टमर अगले प्रोडक्ट के लिए मेरे पास आ सकता है अगर फीडबैक बरबर दिया तो, अगर कुछ इश्यूज आए, हमने इश्यूज टाइमली रिसॉल्व किए, डोंट यू थिंक वापस वो मेरे लिए प्रोडक्ट के पास आ सकता है? क्या ये कस्टमर किसी और को भी सजेस्ट कर सकता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब क्या? कौन सा टाइम? नहीं नहीं इधर का कौन सा टाइम बचा? लीड टाइम. सप्लाई चेन मैनेजमेंट. अब मेरे को बता सप्लायर को ऑर्डर कब देंगे? जब अपने पास ऑर्डर आएगा, नहीं तो इन्वेंटरी होल्ड करने का कॉन्सेप्ट. तेरा सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग, ईओक्यू. ओके, इकोनॉमिक ऑर्डर कौन? दो कॉस्ट बचाते ना तुम, कुछ यार मालूम है ना कौन से दो कॉस्ट बचाते रहे? ओके, अब ये किसी को नहीं मानूंगा तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करके कॉन्सेप्ट होता है. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जब भी हम लोग इन्वेंटरी मंगाते हैं मेरे पास दो कॉस्ट होते हैं. सबसे पहला होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट. 10 बार ऑर्डर किया, ओके, तो कॉस्ट ज्यादा होगा. एक बार ऑर्डर किया तो कॉस्ट कम होगा. और स्टोरेज कॉस्ट, ओके, कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं उसको अपन. कौन सा कॉस्ट? कैरिंग. मैंने एक बार ऑर्डर किया, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि मेरे को उतना इन्वेंटरी रखना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर एक ही बार किया हुआ है. 10 बार ऑर्डर किया तो ऑर्डर करने के कॉस्ट बढ़ जाएंगे, कैरिंग करने का कॉस्ट कम होगा क्योंकि इन्वेंटरी कम होती जाएगी ना. ये दोनों को अपने को बहुत ऑप्टिमली करना होगा ना. ये कॉन्सेप्ट करता, दैट इज कॉल्ड SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ये ईआरपी ध्यान रखता. ईआरपी बोलता है बार बार ऑर्डर करना, बार बार कैरी करना, कितना स्टोरेज करना, ये सब देखेंगे. आत्मा समझ में आया मालिक? दैट इज व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. और अगर ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट अभी भी ईओक्यू किसी को समझ में नहीं आया, डोंट वरी. ओके, SM, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, चैप्टर 5 में ये डिटेल्ड में कवर है. चैप्टर 5 में, चैप्टर 6 में, इफ यू रिमेंबर, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज. फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज में सप्लायर देखेगा ना भाई, लॉजिस्टिक्स सप्लायर, उसके अंदर ये पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट है. तो अगर यहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आता, ब्रीफ में डिस्कशन होता है क्योंकि यहां पर ब्रीफ दिया है, तो इसका मेजर डिस्कशन किधर है? स्ट्रेटजिक. अरे यही तो चैप्टर तेरा 6 रहेगा रे भाई मेरे, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी. तो वो उधर की स्ट्रेटजी उधर यूज कर, इधर का इधर खाली ये कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि ईआरपी में क्या क्या आना चाहिए. एंड लास्ट कॉन्सेप्ट तेरे पास और एक आता है, ओके, प्रोजेक्ट सिस्टम्स. कौन सा आता है? प्रोजेक्ट सिस्टम्स, यानी आप कौन से प्रोजेक्ट लेते हो, कौन से नहीं लेते हो. ये 6 पॉइंट एवरीडे क्लियर मालिक? 7वां पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन 7वां पॉइंट में मेरे को कुछ तो दूसरा पॉइंट बताना पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए. ओके एवरीबडी हियर, ओके, मेरा पहला क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ ईआरपी क्या है? पहले आप एक दो लाइन का मसाला लिखोगे, एग्जैक्ट फीचर ऑफ ईआरपी आएंगे क्या? नहीं. क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ईआरपी क्या होता है? कस्टमाइज. और बिजनेस के हिसाब से अपन कस्टमाइज करेंगे. व्हेन यू शुड इन्वेस्ट इन आईटी? व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. इसको ब्लड में डाल के रखो. व्हेन यू शुड इन्वेस्ट इन आईटी? इफ रिक्वायर्ड बाय बिजनेस. तो पहले बिजनेस देखिए या आईटी में इन्वेस्ट करे? तो उसी तरह ईआरपी में कब इन्वेस्ट करना? बिजनेस. व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय बिजनेस. मेरे को ऐसा बिजनेस का रिक्वायरमेंट है कि सारे के सारे डिपार्टमेंट मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता अभी क्योंकि मेरे सब हॉल्ट पे आ जाएगा. इसीलिए अभी खाली कितने इंटीग्रेट करने हैं? 2. आप जितना ज्यादा इंटीग्रेट करोगे उतने फीचर्स बढ़ते जाएंगे, जितना कम इंटीग्रेट होगा उतने फीचर्स कम होंगे. फीचर्स डिपेंड्स ऑन विच डिपार्टमेंट यू इंटीग्रेट. फीचर्स डिपेंड ऑन विच डिपार्टमेंट यू इंटीग्रेट. फॉलोइंग आर द डिपार्टमेंट विच कैन बी इंटीग्रेटेड. तो फीचर्स के अंदर आपको किसके बारे में लिखना है? डिपार्टमेंट विच कैन बी इंटीग्रेटेड. तो हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स वी हैव डिस्कस्ड? 6. और एक एक दो दो लाइन का ही पॉइंट है, उसमें कुछ है ही नहीं जो कल अपन ने डिस्कस किया. कौन से? अकाउंट्स मतलब फाइनेंस दिया इधर, व्हाट फाइनेंस वाला पॉइंट. सेकंड पॉइंट एचआर, प्रोडक्शन, सीआरएम, एससीएम, प्रोजेक्ट सिस्टम्स. प्रोजेक्ट सिस्टम मतलब नया प्रोजेक्ट लेना नहीं लेना, क्या करना, ये सब कुछ प्रोजेक्ट सिस्टम में आता. वेदर वी शुड गो अहेड विद ए न्यू प्रोजेक्ट और वी नॉट, ओके, कितना बिलिंग होगा, कितना टाइम होगा, कितना एक्सपेंस होगा, ये सब प्रोजेक्ट सिस्टम देखता. अपन एक एक प्रोजेक्ट लेते ना, वो प्रोजेक्ट का कितना कॉस्ट आएगा, क्या आएगा, ये सब कुछ उसमें कवर होगा प्रोजेक्ट सिस्टम्स के अंदर. एवरी क्लियर मालिक? यानी प्रोजेक्ट सिस्टम अभी भी किसी को नहीं समझ में आया. सेल्स फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ओके, सेल्स फॉर ए पर्टिकुलर, वो कितना एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करना है, वो प्रोजेक्ट लेवे कि नहीं लेवे हम लोग, ये कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्ट सिस्टम का. आत्मा क्लियर है? ओके, अब इसके बाद और एक पॉइंट दिया इन्होंने, डेटा वेयरहाउस. क्योंकि मैं अभी अगर इवन इफ आई डिस्कस दैट रिस्क एंड कंट्रोल ना, वो खत्म नहीं होगा, इसलिए आई एम डिस्कसिंग डेटा वेयरहाउस, दैट इज व्हाट आई डिस्कस. तो डेटा वेयरहाउस में मैं अभी काम खत्म कर रहा हूँ. डेटा वेयरहाउस को सुनिए, डेटा वेयरहाउस मतलब क्या होता है? एक वर्ड आया आपके साथ में, डेटा वेयरहाउस.
एनीवे पहले एक बार आंसर खत्म कर दीजिए. ओके मैंने दो आंसर खत्म कर दिया आपके. दो आंसर कौन से खत्म किए आपने? बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी एंड फीचर्स ऑफ ईआरपी. ओके यानी एक मेरा आधे घंटे का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है ईआरपी का. ओके जो मैं कल सुबह करूंगा ईआरपी केस में. रिस्क एंड कंट्रोल एंड ऑडिट. ऑडिट दो मिनट का आंसर है. खाली रिस्क एंड कंट्रोल को मेरे को समझाना है. ओके हाउ मेनी बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी आर देयर? 12. 8 को तोड़ याद रख, 4 के हेड पॉइंट याद रख. कौन से कॉन्सेप्ट है? सबसे पहले दो, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट. क्लियर है? नेक्स्ट, लीड टाइम, शिपमेंट साइकिल, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कस्टमर खुश, सप्लायर का परफॉर्मेंस. नेक्स्ट 4 पॉइंट. सबसे पहला वर्कर्स क्या 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 पर फ्लेक्सिबल रहेगा, पर क्या 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 क्वालिटी का कॉस्ट कम होगा, क्वालिटी का कॉस्ट कम होगा, प्लानिंग और एनालिसिस में मदद मिलेगी, और टेक्नोलॉजी अपन अपडेटेड यूज करेंगे. मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है. एवरीबडी हाउ मेनी फीचर्स ऑफ ईआरपी आर देयर? 7. 7 फीचर्स 7. लेकिन ये साथ लिखने के पहले अपन लिखेंगे कि क्या फीचर्स नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. तो साथ फीचर में क्या क्या आएगा? फाइनेंस. ओके उसके बाद एचआर, प्रोडक्शन, सीआरएम, एससीएम, प्रोजेक्ट सिस्टम्स एंड डेटा वेयरहाउस. मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है. सब लोग इधर, एवरीबडी. ओके आई एम स्विचिंग सम कॉन्सेप्ट विद सम अदर कॉन्सेप्ट, बट डेटा वेयरहाउस इज रिक्वायर्ड. तो डेटा वेयरहाउस का मसाला भी समझाना है तो मेरे को समझाना ही है. ओके आप सबने एडमिशन लिया और एडमिशन लेके आपका नाम है मेरे पास, एड्रेस है मेरे पास, आपने फीस कितनी पे की, आप कौन से बैच में हो, बैच 1, बैच 2, ये कौन से बैच में हो, और आपका आइटम कौन सा है, ये सब मेरे पास डिटेल है. ओके आपको लगता है ये मैंने डिटेल बनाए होंगे? हाँ या ना? पक्का? दिस इज कॉल्ड डेटाबेस. दिस इज कॉल्ड डेटाबेस. ओके आप समझिए डेटाबेस क्या होता है, प्लीज अंडरस्टैंड ना. ओके क्योंकि फिर मेरा ना मंडे का फिर ये 10 मिनट बचेगा. ओके तो फिर वापस वो डिस्कशन में नहीं आता. तो डेटाबेस मेरे को है ही, तो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट कैसा रहेगा? ओके आपका है सीए इंटर की फाइल, आपकी है सीए इंटर की फाइल. ओके एक्सेल शीट में मैंने क्या स्टोर किया है? नाम, एड्रेस, जो मैंने आपको बताया वो स्टोर किया है. सीए फाइनल की फाइल सेम है. सीए फाइनल के मेरे एग्जाम्पल, मेरा मुंबई में सीए फाइनल का लॉ का फाइल है. ओके सेम लॉजिक सीए फाइनल ऑडिट का फाइल है. ओके सीए इंटर का फाइल है. ओके मेरे लिए तो ईआईएस का ही है, ईआईएसएसएम का फाइल मेरे लिए सेम लॉजिक. कंपलसरी का कॉन्सेप्ट छोड़ दो, पर मैं ईआईएसएसएम का फाइल. उसी तरह मेरा एक एग्जांपल पूना का फाइल. ओके एग्जांपल वैसे ही मेरा अलग फाइल. ऐसे 5 फाइल है, एक्सेल शीट्स है. फाइल मतलब एक्सेल शीट्स है. एक में 150 स्टूडेंट है, एक में 200 है, एक में 400 है, एक में 200 है, एक में 200 है. आप समझे मालिक? ओके 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों एक एक फाइल जो ही है वो डेटा है. और जब ये कंबाइन फाइल मिलके एक फोल्डर बना होगा. ओके ये फोल्डर जो बना है मेरे पास नवंबर 1920 एडमिशन. मालिक समझाइए, दिस इज कॉल्ड डेटाबेस. कंबाइन फाइल्स. ओके यानी डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स. डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ. ये कंबाइन क्या हुआ? डेटाबेस. क्या कंबाइन हुआ बेटा? डेटाबेस. आत्मा पक्का क्लियर है एवरीबॉडी? ओके अब थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाइए, सोच समझ के बताइए. ओके मैं 20 to 23 अब समझ में आ रहा है? मैं 1920 मतलब ईयर. ओके 20 to 23 मतलब ईयर 2022 2023. नहीं भाई कोई ऐसा बाद में बोलेगा सर मतलब क्या कुछ मालूम नहीं, कभी कभी एक हाथ निकलता भाई. ओके अब मेरे को समझाइए 20 to 23 में आपकी जो फाइल थी एक्सेल शीट या मेरे पास जो आज 5 फाइल थी, क्या ये स्टोर करने की जरूरत है? आज मैंने स्टोर किया ये मैं समझा, आज मैंने स्टोर किया. एंड डोंट टेल मी इनकम टैक्स के हिसाब से. इनकम टैक्स के हिसाब से 8 साल रखने वो है तुम्हारे रिसीट्स. मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सेल शीट जिसमें तुम्हारा नाम है, कितने एडमिशन थे मेरे पास, कितने एडमिशन में कौन से सब्जेक्ट के एडमिशन थे, ये तेरा है, सीए फाइनल वाले का है, सबका है. मेरा क्वेश्चन है क्या 20 to 23 में मैंने रखना चाहिए नंबर? हाँ या ना? क्यों रिकॉर्ड? क्यों रिकॉर्ड क्यों रखना चाहिए? वही बोलो. आपको नहीं लगता ऐसे रिकॉर्ड रखते गए तो रिडंडेंट होते जाएगा? रिडंडेंट मतलब ऐसा कितने सालों तक अपन ऐसे ही रिकॉर्ड रखते जाएंगे? मेरा क्वेश्चन है रखना चाहिए कि नहीं? कुछ कारण के. देखो भाई सिंपल कॉन्सेप्ट वापस आओ, व्हेन यू शुड इन्वेस्ट. अब मेरा क्वेश्चन है बिजनेस की रिक्वायरमेंट है क्या आपके हिसाब से? कैसे? मैं वही पूछ रहा हूं ना फिर, कैसे?
कंपेयर करने के लिए, मैडम का एक कॉन्सेप्ट आ गया कंपेयर करने के लिए, ठीक है कंपेयर करने के लिए, ओके आई विल कम टू इट, कंपेयर करने के लिए, और हाँ फाइनल में रह सकते हैं, डोंट यू थिंक दिस कैन बी ए डेटाबेस फॉर मी टू प्रमोट माय फाइनल के सब्जेक्ट्स, फाइनल के सब्जेक्ट्स के लिए आएगा भाई, फाइनल के सब्जेक्ट्स के लिए रह सकता है, ठीक है, और फ्यूचर में कितने बच्चे आएंगे, ठीक है, कम टू ए पॉइंट, एनालिसिस वाला पॉइंट है, ठीक है, और दो तीन पॉइंट चाहिए मेरे को, वेरियंस 20 to 23 में वेरियंस का, मेरे को आज का डेटा का वेरियंस में किधर मदद करेगा, प्लानिंग में मदद कर सकता है, वेरियंस किधर मदद करेगा, मैंने कुछ सोचा होगा कि एग्जांपल मैंने सोचा था 500 एडमिशन होंगे और 400 हुए तो मैं वेरियंस करूंगा, पर जब हो गया ये हो चुका है 400 एडमिशन है, मैं बोल रहा हूं 3 साल के बाद 400 एडमिशन का डेटा क्यों रखूं मैं, या 400 एडमिशन थे इंटर में, 500 एडमिशन थे फाइनल में, ऐसा क्यों रखूं मैं, ठीक है, ले वो डिस्कशन बाद में करते, पर ये पॉइंट तुम्हारे पास रहेगा, मेरे को कल तुम ये पॉइंट तुम मेरे को बताना, कल बताना भले, मैं अभी ये बता रहा हूँ, सुन लीजिए, एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ मैडम का, और मेरे को दो तीन एग्जांपल लगेंगे भाई, एक मैडम का ले रहा हूँ कि एनालिसिस करने के लिए, मैडम और पंडर एनालिसिस करने के लिए, एनालिसिस क्या करेंगे हम लोग, ओके पहला एनालिसिस ये होगा, ओके कि भाई ओके मेरे पास 19-20 में कितने स्टूडेंट है, 20-21 में कितने हैं, 21-20 में कितने हैं, 21-22 में कितने हैं, 22-23 में, डोंट यू थिंक मेरे को पैटर्न समझ में आएगा, ओके मैडम का लॉजिक, ओके मैडम का लॉजिक इधर, ये डेटा मेरे को सी एफ एल में यूज होगा, डोंट यू थिंक दिस कैन बी यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस, ओके प्लीज डू अंडरस्टैंड, ओके इन फ्यूचर ऑल्सो इट इज कॉल्ड डेटाबेस ओनली ना, डेटाबेस ही है ना, क्योंकि मैंने क्या रखा है एक्सेल शीट रखी है ना, ये आत्मा हा या ना, वो भी डेटाबेस है, लेकिन आप समझिए उस बार भी तो कोई करंट बैच में एडमिशन होंगे, मेरे को बताइए 20 to 23 में भी तो बैच ले रहा हूं मैं, उसमें भी तो एडमिशन होंगे ना, वो एडमिशन और तुम, क्या तुम दोनों सेम हो, तुम पुराना डेटा हो वो करंट डेटा है, पर दोनों डेटाबेस है ना, याद रखना, ओके बोथ आर डेटाबेस, प्लीज लिसन केयरफुली, जो करंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल डेटाबेस, जो करंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो करंट होता है उसको क्या बोलते हैं, जो पुराना हो जाता है हम उसको बोलते हैं डेटा वेयर हाउस, क्या बोलते हैं डेटा वेयर हाउस, डेटा जहां से हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जहां से हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉट फॉर करंट ईयर, फॉर एनालिसिस, फॉर प्लानिंग, ओके आराम से, अगर आपको आज कुछ डिसीजन मेकिंग करना है और आज करना है, आज रोज लगता है आपको, रोज रेगुलर एवरीडे लगता है, एवरीडे लगता है, एवरीडे लगता है, दैट इज ऑपरेशनल डेटाबेस, दैट इज विद डेटाबेस ऑपरेशनल, हर रोज लगता है आपको, हर रोज लगता है, एग्जाम्पल मेरे को बताओ तुम्हारा डेटा मेरे को इनकम टैक्स के लिए भी रोज लगेगा अभी, कुछ कुछ ना कुछ जीएसटी का जब तक होता है रिक्वायरमेंट सब कुछ ना कुछ तो लग सकता है ना यार, ओके ये रहेगा कौन सा डेटाबेस ऑपरेशनल, लेकिन मेरे को बताओ 22-23 में मेरा क्या काम रहेगा, ओके सर आप बोलोगे सर इनकम टैक्स की इंक्वायरी आई तब लगेगा ना, पर इंक्वायरी रोज थोड़ी ना आती रहेगी, तो तुम्हारा डेटाबेस मेरे को लग रहा रोज है या वंस इन ए व्हाइल, एक बार महीने में या पूरे साल में एक बार लग रहा है, एनालिसिस करने के लिए लग रहा, प्लानिंग करने के लिए लग रहा, अरे हा या ना, इसको हम लोग बोलते हैं डेटा वेयर हाउस, दोनों डेटाबेस है, यानी अगर मैं बोलूं डेटा वायरस का डेफिनेशन बताइए, डेटा वायरस इज ऑल्सो ए डेटाबेस बट इट इज नॉट ऑपरेशनल डेटाबेस, डेटा वायरस इज ऑल्सो ए बट इट इज नॉट, कुछ समझ में आया, तो माय क्वेश्चन व्हाट इज एन ऑपरेशनल डेटाबेस, द डेटाबेस विच इज रिक्वायर्ड इन करंट ऑपरेशंस, द डेटाबेस विच इज रिक्वायर्ड इन द डेटाबेस विच इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर एनालिसिस पर्पस, the database which is required only for planning purpose, data warehouse, मालिक समझ में आया, तो मेरे को बताओ दो डेटाबेस कौन से हुए, ऑपरेशनल डेटाबेस एंड डेटा वेयरहाउस, तो मेरा क्वेश्चन है आपको क्या कैसे समझेगा ये डेटा वेयरहाउस है, मेरे को आंसर चाहिए ना, बता रहे भाई 7 मिनट बचे मेरे, the database which is required for operation is called operation. The database which is required for analysis purpose is called data warehouse, everybody clear, okay, agar mujhe analysis karna hai, mujhe planning karni hai, to mujhe database nahi chahiye, mujhe operational database nahi chahiye, mere ko kya chahiye, data warehouse, mere khayal se ye samjha, okay, to mere ko batao data warehouse mein data aayega kahan se, aaram se, मेरे को ये कॉन्सेप्ट खत्म करना है भाई, मेरे को बताओ, पास्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है पास्ट में आओ, पास्ट में वो डेटाबेस क्या था,
कुछ समझ में आ रहा है? यानी आज जो ऑपरेशनल है वो कल क्या बन जाएगा? कल जो ऑपरेशनल है वो अगले साल क्या बन जाएगा? कौन सा समझ में आ रहा है? यानी कैन आई से डेटा वेयरहाउस इज ऑल्सो वॉज ऑल्सो एन ऑपरेशनल डेटा बेस बट इट बिकम्स डेटा वेयरहाउस. क्यों? तीन कारण. सुनिए आराम से. नहीं, तीन कारण. डेटा वेयरहाउस क्यों आया? सी, डेटा वेयरहाउस इज ऑल्सो डेटा बेस. डेटा वेयरहाउस इज ऑल्सो ए डेटा बेस एंड इट इज ऑल्सो ऑपरेशनल डेटा बेस वंस अपॉन ए टाइम. लेकिन व्हाई इट इज कॉल्ड डेटा वेयरहाउस? देयर आर थ्री क्राइटेरिया. यानी व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिफाइन दिस इज ए डेटा बेस एंड दिस इज ए डेटा वेयरहाउस? कैसे बताऊंगा? ये दोनों वही है. डेटा बेस और डेटा वेयरहाउस दोनों यही है. डेटा बेस ही है. मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा ये ऑपरेशनल है कैसे डेटा वेयरहाउस है? ओके, तीन क्राइटेरिया. पहला क्राइटेरिया इट इज नॉन ऑपरेशनल. पहला क्राइटेरिया इट इज, इसका मतलब ये रोज के रोज नहीं लगता. अगर ये रोज के रोज लगता है तो इट इज नॉट डेटा वेयरहाउस. ये रोज के रोज लगता है तो इट इज नॉट डेटा वेयरहाउस. अगर ये रोज के रोज लगता है तो ये ऑपरेशनल है. तो डेटा वेयरहाउस इज ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल? ओके, अब थोड़ा थॉट पास लगाओ. ओके, 22-23 में डेटा वेयरहाउस होगा ना मेरे पास? कौन से साल का डेटा होगा? पिछले बहुत सालों का हो सकता है. मेरे को बताओ, पिछले बहुत साल, मेरे को बताओ, 13-14 में मैंने बैचेस लिए वो भी रखना चाहिए कि मैंने? हाँ, रिक्वायर्ड ही बोल रहा हूँ. रिक्वायर्ड है. रिक्वायरमेंट बताओ एक आध. डोंट यू थिंक मेरे को पैटर्न समझने के लिए काम आएगा? मैं कितना ग्रोथ हो रहा हूँ 10 साल में, मैंने किधर गलती की, कम स्टूडेंट कब हुए, ज्यादा स्टूडेंट कब हुए, डोंट यू थिंक ये फाइंड करने में मदद मिलेगी? तो मेरा क्वेश्चन है, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए ये आत्मा? पक्का? ओके, अब मेरे को बताओ, जब मैं 22-23 में 13-14-15-16 सब ये साल के डेटा रख रहा हूँ, मेरे को समझेगा नहीं कौन से साल का कब डेटा है? तो डोंट यू थिंक डेटा वेयरहाउस में जब मैं रखूंगा तो मैं बताऊंगा ये डेटा बेस कौन सा है? माई क्वेश्चन इज, डेटा वेयरहाउस डेटा बेस ओनली? ओके, ठीक है, वापस आता हूँ. देख लो भाई, समझ ले, तेरा नाम एड्रेस वेड्रेस है वो एक फाइल बनी, ऐसे पांच फाइल मिलके डेटा बेस. पक्का समझा? तो डेटा बेस मतलब तू ये समझ ले, तेरा फाइल समझा तू? पक्का? ओके, अब ये फाइल आज मेरे पास, तुम लोग आज मेरे पास कौन से डेटा बेस हो? ऑपरेशनल. यही फाइल, ओके, मैं 5 साल बाद रखू ना, हाँ, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? डेटाबेस ही है. लेकिन मैं नाम क्या दूंगा? क्योंकि वो रोज यूज नहीं होगा, मैं हार्ड डिस्क में रख दूंगा, वो जब चाहिए रहेगा तब निकालूंगा ना. इसलिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, वो डेटाबेस ही है जो हार्ड डिस्क में रखा है लेकिन वो नॉन ऑपरेशनल है. मालिक समझा सबको? अब मेरे को बताओ, वो हार्ड डिस्क में जो मैंने रखा होगा डेटाबेस ही है ना? तो माय क्वेश्चन, डेटा वेयरहाउस इज ए डेटाबेस ही. अब मेरे को बताओ, हार्ड डिस्क में कितने साल का डेटा रखा है मैंने? 10 साल. मेरे को कैसे समझेगा 10 साल का डेटा उसके अंदर कौन सा साल का है? डोंट यू थिंक उसके अंदर नाम लिखा होगा, ईयर लिखा होगा? ओके, ईयर 12-13-14 ये लिखा होगा ना? तो हार्ड डिस्क में, ओके, डोंट यू थिंक ईयर्स डिफाइन करना चाहिए? कान खुले. सेकंड क्राइटेरिया फॉर डेटा वेयरहाउस, टाइम स्टैम्प. इट शुड हैव ए टाइम स्टैम्प. इट शुड हैव ए टाइम स्टैम्प. आर यू गेटिंग द पॉइंट? आराम से. पक्का? ओके, तो पहला क्राइटेरिया क्या था डेटा वेयरहाउस का? इट इज नॉन ऑपरेशनल. सेकंड क्राइटेरिया एंड थर्ड क्राइटेरिया. ओके, मेरे को बताओ, डेटा वेयरहाउस में मैं कौन सा डेटा रखूँ? अकाउंट्स का डेटा, एचआर का डेटा, प्रोडक्शन का डेटा? ओके, अभी मैं एटी अकेडमी को छोड़ के, मतलब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा डेटा रखना? अकाउंट्स, प्रोडक्शन, सप्लायर, कस्टमर, कौन सा डेटा रखे? सारे के सारे? ओके, अब मेरे को बताओ, सारे के सारे डिपार्टमेंट इंटीग्रेट हो सकते हैं या नॉन इंटीग्रेट? कौन बोल रहा है इंटीग्रेट? दोनों हो सकते हैं ना? मेरे को बताओ, इंटीग्रेट रहे तो काम आसान है, नॉन इंटीग्रेट रहे तो मेरे को दिक्कत क्या है? सबके अलग अलग सॉफ्टवेयर होंगे? आपको लगता है इतने सारे सॉफ्टवेयर के वर्जन मैं अगले साल तक रखूंगा? इसीलिए वन थर्ड क्राइटेरिया डेटा वेयरहाउस बोलता है, अगर आपके पास नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम्स है तो आपके वर्जन अलग अलग होंगे. एक पीडीएफ में होगा, एक एमएस वर्ड में होगा, एक पावर पॉइंट में होगा. कुछ समझ में आ रहा है? फॉर्मेट अलग अलग हुई है, और अलग अलग फॉर्मेट रखोगे इतने साल तक तो बैठेगा नहीं. डेटा वेयरहाउस में कभी भी अलग अलग फॉर्मेट नहीं होते. डेटा वेयरहाउस में अगर आपको डेटा रखना है तो इट शुड बी ओनली इन. इसीलिए डेटा वेयरहाउस में तीसरा क्राइटेरिया होता है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड. ऑपरेशनल डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करो पीडीएफ में, कन्वर्ट करो वर्ड में, लोड करो डेटा वेयरहाउस में. ओके, एक्सट्रैक्ट करो पावर पॉइंट में, कन्वर्ट करो वर्ड में, लोड करो वर्ड में. एक्सट्रैक्ट करो एक जेपीजी में, कन्वर्ट करो वर्ड में, लोड करो वर्ड में. कॉन्सेप्ट समझा? तो डेटा वेयरहाउस में डालने के पहले क्या चाहिए? एक्सट्रैक्ट
ट्रांसफॉर्म लोड भेज में क्या मालिक. ओके सो अब मेरा क्वेश्चन आया, इज डेटा वेयरहाउस ए डेटाबेस? पक्का, बट इट इज नॉट ऑपरेशनल. ओके सेकंड पॉइंट, इट इज हैविंग. तो अब मेरे को कुछ समझाएगा, ऑपरेशनल डेटाबेस में टाइम स्टैम्प क्यों नहीं है? करंट है. अरे समझ में आया? अरे समझा क्या? तो पुराने में जाने हुए टाइम स्टैम्प चाहिए लगा ना, ऑपरेशनल को भी टाइम स्टैम्प दोगे तो घटिया. अरे कैसा चलेगा? अरे आई डू थिंक कॉन्सेप्चुअली समझा. एंड तीसरा पॉइंट क्या है? ऑपरेशनल में तीनों अलग अलग रहेंगे तो उसको कोई ट्रांसफॉर्म लोड की जरूरत नहीं है. लेकिन 5 साल का डेटा अगर तुम अलग अलग सॉफ्टवेयर में रखोगे, और मेरे को बताओ डेटा वर्स क्यों चाहिए तुमको? डे टू डे के लिए या प्लानिंग के लिए, एनालिसिस के लिए भी? ओके अलग अलग सॉफ्टवेयर में एनालिसिस नहीं होता. एनालिसिस जब करते हैं अपने को एक सारी चीजें एक साथ में चाहिए रहती है फॉर दैट पर्पज. तो मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है. तो इधर आपका फीचर ऑफ ईआरपी में लास्ट पॉइंट क्या था बेटा? डेटा वेयरहाउस. तो कुछ समझा होगा तो गुड इनफ. क्या बोला? सुन इधर है, नहीं समझा तो ओके इसके आंसर में कंटेक्स्ट बताता हूं. नहीं समझा? समझाना पक्का? डेटा वेयरहाउस पक्का? कॉन्सेप्चुअली समझाना. तो अगर अभी टेक्निकली देखो भाई, कुछ भी चीज टेक्निकली रहेगी, कॉन्सेप्चुअली रहती वो. तो अगर देखो मैंने बोला अभी अभी एक्सपर्ट के पास जो डेटाबेस है वो कौन सा है? उनके पास 12-13 का डेटा है. कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके ये पॉइंट अपने ध्यान में रखना. अब इधर आया, डेटा वेयरहाउस भी है, यानी स्क्रीन पे देखो ईआरपी में पहले 6 में ऑपरेशनल डेटाबेस है. कुछ समझ में आया? तो ईआरपी बोलता है कि तुमको चाहिए तो पुराना डेटा भी तुम ईआरपी में रख सकते हो. इसीलिए तुम्हारे पास क्या रहना चाहिए? डेटा वेयरहाउस. डेटा वेयरहाउस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट सेगमेंट जिसका काम सिर्फ क्या होगा? पुराना डेटा लेने का, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म. मालिक समझ में आया? पक्का? तो मैंने दो क्वेश्चन अभी खत्म किए ईआरपी के और एक कॉन्सेप्ट खत्म किया डेटा वेयरहाउस. बट डेटा वेयरहाउस अभी कॉन्सेप्टली क्लियर है ना? टेक्निकली कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा था प्लीज मुझसे पूछना. एवरीबॉडी क्लियर? थैंक यू.